What's up, all my SV atoms? A very, very, very good afternoon to all of you. बच्चे फटाफट फड़ से बताओ चैट्स में whether you can hear me or not, so that we can very quickly get started with yet another chemistry ka one shot in our series bounce back 2.0. बच्चे आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ complete chapter, J mains as well as J advanced level का हम चैप्टर complete करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है टॉमिक स्ट्रक्चर uh, अगर आप बुक्स में देखें तो कई बुक्स में इस चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी लिखा गया है सो दिस इज द चैप्टर जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आर्य आवाज आ रही है आ रही है यस 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 सो बच्चे वेलकम टू द सेशन वंस अगेन लास्ट ईयर मुझे याद है जब मैंने ये चैप्टर अटोमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली एज सच जेई मेन में आए थे एंड फिर उसके बाद बच्चों ने ना क्लिप्स डाली थी कि मतलब इंस्टा पे भी शेयर किया किसी बच्चे ने यूट्यूब पे भी डाला था कि ये वाला मैम ने बाउंस बैक में पढ़ाया था ये सारी की सारी चीज़ें जेई मेन में एज सच आई तो लास्ट ईयर वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हमने किया था ना वो बहुत ही औसम awesome था तो आज कोशिश करेंगे कि उस टाइम से भी बेटर सो, so that मैं आपके साथ थोड़े से नए क्वेश्चंस और डिस्कस कर सकूं, जो कि जेई दो हजार तेईस जेई दो हजार चौबीस में पूछे जा सकते हैं ठीक है सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के जो बच्चे मुझे जानते नहीं है बच्चे मेरा नाम है साक्षी वोरा मैं आई आई टी रुड़की की पास आउट हूं विद मोर देन एट ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इट इस आठ साल के टीचिंग करियर में बहुत सारे बच्चों को फाइनली एन फाइनली आई में बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेस दिलाई हैं कोशिश ये रहेगी कि आज आप मेरे साथ जितना भी टाइम स्पेंड करें वो तीन घंटे हो सकता है चार घंटे हो सकता है पाँच घंटे हो सकता है सबसे पहला क्वेश्चन जनरली बच्चे हर वन शॉट से पहले ये पूछते हैं कि मैम कितनी देर पढ़ाओगे कितने घंटे पढ़ाओगे तो बच्चे मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक का होगा अगर किसी को स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले से आता है दैट इज अ ग्रेट थिंग आपको एक अच्छी रिविजन मिल जाएगी आप खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे मेरी क्लास में बट अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं आता लेटेस्ट से बिल्कुल भी नहीं आता तो भी मैं इतने बेसिक से स्टार्ट करूंगी कि आपको एडवांस लेवल तक की सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी Uh, मुझे ये नहीं पता कि ये सेशन पांच घंटे चलेगा छः घंटे चलेगा या सात घंटे चलेगा बट जब तक मैं इस सेशन से रिलेटेड मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक चीज आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एडवांस लेवल तक की ना पढ़ा दूँ तब तक ये सेशन चलेगा ठीक है चलिए सो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से तो अच्छा एनी नहीं पढ़ रखा तो मैं बिल्कुल बेसिक से पिछले चैप्टर की जो दो तीन चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पर रिपीट कर दूंगी घबराइए मत बिल्कुल शांति से बैठना है ये नहीं सोचना कि हम पता नहीं कैसे छह सात घंटे का वन शॉट अटेंड करेंगे आपको बस ये सोचना है कि एक एक करके मैम जो टॉपिक पढ़ा रही है उसके नोट्स अगर साथ साथ बनाते जाओगे ना तो नींद नहीं आएगी कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैम हम थक जाते हैं हम दो तीन घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते छह सात घंटे एक ही गो में बैठना हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो अगर आपको ऐसी दिक्कत होती है ना तो साथ, -साथ नोट्स बनाओ और अगर नोट्स नहीं बनाने भाई पूरा कंसंट्रेशन जो मैं बोलूंगी जो मैं समझाऊंगी उस पर चाहिए तो नोट्स ना बनाओ मैं प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स अपनी क्लास के शेयर करूंगी और मेरी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है समझ आ जाएगी काफी साफ सुथरा मैं लिखती हूँ ठीक है चलिए कोई प्री रिक्वेस्टिड नॉलेज नहीं है बस स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन अच्छा हाँ एक इम्पॉर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ बच्चे अन का जो सब्सक्रिप्शन ऑफर है इसमें अभी आपको ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है और ये आज फोर्टीन अक्टूबर है ना आज रात तक बारह बजे तक ही वैलिड है तो अगर आप में से कोई बच्चा प्लान कर रहा है सब्सक्रिप्शन खरीदने का तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो साक्षी जिससे आपको ये ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल जाए बच्चे एक बार आज रात कंप्लीट हो गई ना उसके बाद कल से केवल दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगा सेम चीज के लिए यू विल एंड अप पेइंग मोर अमाउंट सो so, मेक श्योर sure अगर खरीदना है सब्सक्रिप्शन जैसे कि हम लोगों का अचीवर बात चल रहा है मेरा जिसमें मैं बिल्कुल डिटेल में एडवांस लेवल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रही हूँ इवॉल्व चल रहा है नर्चा चल रहा है तो अगर आपको छह महीने का एक साल का या दो साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मेक श्योर आज खरीदना बेटर है क्योंकि आज आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है तो ये याद रखना ठीक है बाकी ये खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करने हैं लाइक आई हैव सो मेनी मिक्स प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चंस 2022 के हैं 2021 के हैं 2020 के हैं कुछ यही एडवांस के भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं सो so ये सारे क्वेश्चन एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे ठीक है ये ग्रीन कलर की स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि हमें लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने मेरे साथ सेशन अटेंड किया था आपको याद है हमने आ, Uh, क्या कहते हैं हमने कुछ टारगेट्स बनाए थे कि ये 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 टारगेट्स कंप्लीट करने हैं तो आज के इस चैप्टर को यानी कि जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है इसको मैं तीस हिस्सों में डिवाइड करती हूँ कितने हिस्सों में थर्टी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी तीस हिस्सों में मेरा चैप्टर डिवाइडेड है इससे थोड़ा सा ना एक आइडिया लग जाता है कि कितना चैप्टर हो गया और कितना और बचा है मुझे भी आइडिया लग जाता है आपको भी आइडिया लग जाता है तो बस अब कोशिश स्मॉल पार्ट हाँ मैम ब्लैक बैकग्राउंड अरे नहीं मैं ग्रीन में नहीं पढ़ा सकती घबराओ मत ये तो बस इसलिए रखी है ताकि क्वेश्चन स्लाइड से मैं सेट कर सकूं से, कि यहां से अब ग्रीन वाले के बाद मैं जो भी लिखूंगी वो थियरी वाला पार्ट होगा और क्वेश्चंस हम ग्रीन वाले से पहले करेंगे सो so दैट कई बच्चे कहते हैं ना कि मैम हमें केवल क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो इसीलिए मैंने इस बार थोड़ा सेग्रीगेट करके बनाया ठीक है चलिए भगवान का नाम ले लो जिस जिस भी भगवान को मानते हो नाम ले लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का सबसे प्यारा सा प्यारा टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर ए ओ एम आई सी एस टी आर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से सबसे पहला टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ये है बच्चे डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी

कि भैया ओवर कॉन्फिडेंस करने की बजाय एक एक चीज़ को हम बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे मुझे बस ना एक मिनट का टाइम दे दो एक मिनट का टाइम दे दो मैं ना ज़रा वो चला लूँ चैट्स ना दोनों जगह चला लेती हूँ लैपटॉप में भी अरे यार ये तो मेरा ही आ रहा है वन सेकेंड मेरा ही चैनल खुल गया अन अकेडमी आइटम्स वो दो दो चैनल है ना तो मेरे को ध्यान रखना पड़ता है भाई कौन सा चला <laughs> एक मिनट है एक मिनट मुझे चैट्स यहाँ पर भी देखने दो कई बार तुम लैग 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 लिखते हो मैम टाइम इज नॉट गेटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम है रुको, 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 रुको। बच, बचे जस्ट वन सेकेंड यस डन yes. अब चार्ट आ जाएगी बढ़िया अब चार्ट आ जाएगी चलिए सामने देखते हैं बच्चे डाल्टन अटोमिक थियोरी क्या कहती है मैं एक एक पोस्टुलेट लिख कर बता रही हूं सबसे पहला ये कहता है है कि जो मैटर मैटर होता है, matter, जैसे ये बोर्ड है ये पेंसिल है जैसे मैं खुद हूं हम सारे सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या होता है एटम देखो याद रखिएगा डाल्टन ने यह कहा था कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है एटम डाल्टन ने यह भी कहा कि जो हमारा एटम होता है, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड ना तो एटम क्रिएट हुआ हो सकता है ना ही एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो आप एटम को क्रिएट कर सकते हो ना ही आप को डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो सही बात है। मगर ये जो डाल्टन एटॉमिक सब डिवाइडेड याद आया हमने पढ़ा था ना एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में पढ़कर आई थी मैं ये समझाया ये, समझा ये सबको याद है ठीक है अब ध्यान से देखो डाल्टन ने ये कहा कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि टेक पार्ट करता है इन अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है एटम ये सारी चीजें हमें डाल्टन ने बताई अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इतना ज्यादा हमें मत पढ़ाओ बच्चे ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि जेई मेन 2020 में आपसे एक सवाल पूछा गया था जनवरी शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था आपको चार ऑप्शन दे रखे थे और पूछा था विच इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन फॉर डाल्टन अटोमिक थियरी और वो चारों पांचों ऑप्शन इन्हीं में से आए थे तो इट्स ऑलवेज बेटर कि मैं आपको करा दू आगे देखिए डाल्टन का पॉस्टलेट एक और था वो ये कहता है द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट अगर अब तो अब तो आपको समझ आ गया ना एटम और एलिमेंट में क्या क्या समझ होती है आई I मीन mean, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है ये कहता है सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं, दे आर सिमिलर इन शेप वो कहता है जो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, वो शेप और मास में दे आर सिमिलर इन शेप एंड मास वो सारे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एलिमेंट लिखा हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं एच 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 इन इन शेप मास जो है एग्जैक्टली exactly सेम होगा और फिफ्थ पॉस्टन क्या कहता है कहता है एटम्स ऑफ सेम की जगह लिख दो डिफरेंट डी आई डबल एफ आर एन टी डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं दे डिफर इन शेप एंड मास क्या ये बात सबको समझ आ गई अब बच्चे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे याद रखेगा जब आप पीवाई क्यू करेंगे आपका एक होमवर्क है जेई मेन 2020 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाई क्यू में केवल इतना ही दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियोरी आ जाएगा सबको ये करना आ जाएगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज क्लियर ठीक है डन डन है ये से ना तो इससे कम पूछा जाएगा ना इससे ज्यादा पूछा जाएगा बस इतना ही पूछा जाएगा आगे second point पे discussion करते हैं अब ध्यान से सुनो ये हमारा पहला टॉपिक था सेकंड टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज ना टॉपिक नंबर डाल दो हैश अब एक टॉपिक नंबर डालिए हैश इसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम मॉडल ऑफ एन एटम एक ऐटम का थॉमसन थॉमसन Thompson ने क्या मॉडल दिया था वो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे थॉमसन सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम का एकदम फंडामेंटल मॉडल मतलब शुरुआत में जब एटम का मॉडल दिया गया कि एटम ऐसे दिखाई देता है वो किसने दिया था थॉमसन ने क्या यह बात ठीक है इन्होने बोला थॉम्पसन ने क्या बोला इन्होंने बोला कि भैया जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है मैं आपको सारे की लिखवा रही हूं मेरे जो की मैं आपको लिखवाऊंगी इससे ज्यादा जेई मेन में, में जेई एडवांस में नहीं पूछा जाएगा ये नोट्स मोर देन एनफ बन जाएंगे आपके जेई एडवांस तक के लिए घबराइएगा मत एक एक चीज पे फोकस करिएगा सब हो जाएगा इन्होंने कहा कि भैया एटम का जो एटम का टोटल मास होता है याद रखिए एटम का जो टोटल मास होता है एक वर्ड इन्होंने यूज किया कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डी आई एस टी आर आई बी यू टी डी कहते हैं कि भैया इन्होंने ना अपने मॉडल को किससे कंपेयर किया था आपको याद है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को ही प्लम पुडिंग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं इसी को ही जैसे देखो हमारे देसी हम लोग जो देसी लोग है ना हम क्या करते हैं हलवा बनाते हैं है ना हलवा बनाते हैं हलवा में मम्मी क्या करती है किशमिश और काजू डालती है अब पूरा का पूरा जो हलवा होता है मतलब हम कहते हैं कि जो पूरा का पूरा मास ऑफ एन एटम है वो हलवे की तरह है हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है है ना और इसी को ही हम वॉटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं वॉटर मेलन मॉडल ऑफ एन एटम भाई जो वॉटरमेलन होता है उसका जो लाल वाला पार्ट होता है वो पूरे पॉजिटिव चार्ज को और पूरे मास को रिप्रेजेंट करता है हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉटरमेलन की जो सीड्स हैं या जो हलवा बनता है मान लो गाजर का हलवा मम्मी ने बनाया उसमें जो काजू किशमिश है ना बादाम डलते हैं वो कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं है ना वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं द इलेक्ट्रॉन्स याद रखिएगा तो थॉमसन ने क्या बोला थॉमसन ने ये बोला कि एटम का टोटल मास पॉइंट नंबर थ्री एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो जो लाल कलर अब इसमें प्लम पुडिंग क्यों ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ये प्लम की पुडिंग बनाते थे प्लम फ्रूट आता है ना उसकी पुडिंग बनाते थे मतलब देसी भाषा में हलवा बनाते थे ठीक है और वही जो काजू किशमिश डालते थे वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करती थी और फिर इसने ये कहा थॉमसन ने कि भैया इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं ये इसलिए प्रेजेंट है ताकि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके और एटम क्या हो सके स्टेबल

आज बीस पच्चीस मिनट केवल हिस्ट्री की क्लास चलेगी उसके बाद धीरे धीरे हम डिस्कवरी करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ फिर धीरे धीरे और थियरीज पढ़ेंगे एंड एनसोन पूरी क्लास ऐसी चलेगी ठीक है अब ध्यान से देखो हमने ना सबसे पहले पहला सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी करना चाहिए तो आप टाइटल डालेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे ये जितने भी टॉपिक मैं आपको एक एक करके लिखवा रही हूं ना इनमें अपने आप में एक जे मेन का चार नंबर का सवाल बनने के हंड्रेड परसेंट चांसेस है ठीक है मैम प्लीज ऑल्सो टीच क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हंड्रेड परसेंट मेरी गारंटी ठीक है मैम कल फास्ट था क्या आपका हाँ कल मेरा करवा चौथ का फास्ट था तो तुम देख रहे हो मेहंदी वहदी लगी हुई है इसीलिए कल मैंने तुम्हारा वो पंद्रह मिनट वाला सेशन नहीं लिया क्योंकि लिटरली सुबह साढ़े तीन बजे मैंने जब खाना खाया था रात को जब तुम्हारे सर की क्लास कंप्लीट हुई Uh, कल तुम जल्दी नहीं सर को कह सकते थे क्लास खत्म कर तो मैं कुछ कुछ पूजा करूंगी। आ, तो कल भी बड़ा लेट हो गया दस बजे मतलब सुबह तीन बजे का खाया हुआ पानी पिया हुआ रात को दस बजे फाइनली पानी पीने की दोबारा बारी आई तब तक तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा पंद्रह मिनट वाला सेशन ले लूं क्योंकि यार मतलब जब पूरा दिन पानी ना पियो ना तो फिर इतनी वो नहीं होती फिर भी एक छोटा सा वीडियो डाला था वो कुछ ऑफिस का काम था वो क्या था बाकी कल पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी तो आज और आज वन शॉट भी था फिर प्रिपेयर भी करना था तो मैंने सोचा कि चलो कल ही पढ़ाऊंगी ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे मेन में लिटरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सी आर टी एक्सपेरिमेंट से हुई थी एक्सपेरिमेंट की फुल फॉर्म क्या है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट अब मैम ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है एक एक करके समझाइए बिल्कुल हंड्रेड परसेंट समझाती हूँ ध्यान से देखिए हमने ना एक सिलेंड्रिकल ग्लास की ट्यूब ली देखो कुछ इस तरीके की कुछ इस तरीके की एक मोटे ग्लास की ट्यूब ली बच्चे इसमें ना तुम मेरे से हजार क्वेश्चन पूछ सकते हो कौन सा ग्लास था ग्लास की कॉम्पोजिशन क्या थी ये वो फ्लैंडिंग हमें पीएचडी नहीं करनी है जितना बताऊंगी वो एडवांस लेवल के लिए मोर देन एनफ हो जाएगा ठीक है एक सिलेंड्रिकल ग्लास की ट्यूब ली जिसके दो साइड पे मेटल की यहां लिख दू ये ग्लास की ट्यूब ले ली है जिसके दोनों साइड पे मेटल की इलेक्ट्रॉन मेटल की क्या है इलेक्ट्रोड बच्चे इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक थिक सी मेटल की प्लेट होती है जैसे एक पतली सी एक थिक होगी ना मेटल की ये मोटी मोटी वायर होगी ऐसी मोटी सी मेटल की प्लेट को कहते हैं मेटल की इलेक्ट्रोड ठीक है ये जो ट्यूब है इस ट्यूब का नाम होता है डिस्चार्ज ट्यूब इस ट्यूब का नाम क्या होता है डिस्चार्ज ट्यूब अब ध्यान से देखो हमने इस ट्यूब के अंदर गैस ली क्या भरी गैस और इस गैस को मैंने वेरी 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 लो प्रेशर पे भरा अब आपको याद है मैंने लास्ट टाइम आपको पी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन कराई थी तो मैंने इतने लो प्रेशर पे गैस क्यों ली क्योंकि मुझे बहुत कम मॉलिक्यूल्स चाहिए थे गैस के मैं चाहती थी कि मेरे गैस के पार्टिकल्स एकदम दूर 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 हो वो तभी पॉसिबल था जब मैंने गैस को बहुत लो प्रेशर पर ले लिया इसके बाद भैया हमें आया गुस्सा हमने इस मेटल की प्लेट को ठीक है एक बैटरी से कनेक्ट किया किससे कनेक्ट कर दिया बैटरी से और आप मानोगे नहीं बच्चे दस हजार वोल्टेज वाली बैटरी लगाई मतलब वेरी वेरी हाई वोल्टेज मैंने अप्लाई करी तो जिस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड है इसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्या इतनी बात सबको अच्छे से समझ आई एक पॉजिटिव चार्ज आ गया एक नेगेटिव चार्ज आ गया गैस को मैंने बहुत ज्यादा कम प्रेशर पे ले लिया अगर आप बुक्स में डायग्राम देखोगे ना तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा होता है एक ऐसे छोटा सा ना क्रॉस सेक्शन बना रखा होता है और यहाँ पे ना टू वैक्यूम पंप लिखा होता है वैक्यूम में मतलब वो चाहते हैं कि भाई फालतू गैस निकाल दो केवल जितनी गैस मतलब सारी एयर निकाल दो जितनी गैस मैं डालना चाहती हूँ इसके अंदर मैंने केवल उतनी ही गैस डाली अब ध्यान से देखना हुआ क्या बच्चे हुआ ये ध्यान से देखो जिस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया इसको मैंने बोल दिया एनोड और बैटरी के जिसके नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड था इसको मैंने क्या बोल दिया कैथोड नेगेटिव टर्मिनल वाले को मैंने क्या बोल दिया कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल वाले को मैंने क्या बोल दिया एनोड अब आप ध्यान से देखो कई बार बुक्स में ना इसका उल्टा मिरर इमेज बनी होती है तो घबराना नहीं है ठीक है बस ये याद रखना है पॉजिटिव वाला एनोड हो गया नेगेटिव वाला क्या हो गया कैथोड अब ध्यान से समझना अब हमने पहले अभी मैं आपको ना पूरा लॉजिक नहीं बता रही हूँ पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने ऑब्जर्वेशन क्या क्या करी ठीक है हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ना रेज निकलने रख गई इस पूरे एक्सपेरिमेंट को जब मैंने कैरी आउट कराया तो कुछ रेज निकली और ये जो रेज थी इनका नाम हमने क्या रख दिया कैथोड रेज और हमें ये पता चला कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी दे वर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन मुझे ये पता चला जैसे याद है भाई अब तुम मेले में जाते हो हम लोग अभी रिसेंटली एक महीना पहले मेले में गए थे तो वहां पे ना ऐसे पंखा सा मिल रहा था फिर फू करो तो ऐसे पंखा चलने लग जाता है ऐसे ही ना पतला सा मैंने आ, पंखा सा ले लिया मान लो और उस पंखे से को मैंने इसके बीच में रखा तो ना ये पंखा घूमने घूमना चालू कर दिया अब वो तभी मान लो ये ये नोटबुक है छोटी सी ये यहाँ पड़ी है ये ऐसे घूमना चालू कर रही है मतलब मैंने इसके ऊपर कुछ काम हाँ तो क्वेश्चन -E बड़े आराम से बनता है जेई मेन का विच ऑफ आर नॉट द ऑब्जर्वेशन और दे आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या ये बात सबको समझ आई आगे देखो हमें ये पता चला कि ये जो कैथोड रेस है ये ना मेटल की इस प्लेट के सामने मूव कर रही है मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल की साइड आ रही है तो जब रेस पॉजिटिव टर्मिनल की साइड आ रही थी मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर ना ऐसे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी ध्यान से देखना मैंने इस साइड पे जिंक सल्फाइड की मान लो कोटिंग कर दी जेड तो मुझे पता चला कि भैया ये तो चमकने लग गया

अब मैं आपको बताती हूँ कैथोड रेज एक्चुअली थी क्या ये ये उस टाइम पे हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखी अब कैथोड रेज होती क्या है ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनना बच्चे मान लो मैंने कोई भी एक गैस रखी गैस इसको मैंने गैस कह दिया जब मैंने इस गैस के पार्टिकल को दस हजार वोल्टेज का झटका दिया बहुत तगड़ा झटका दिया तो भाई साहब ये गैस अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा आपको पता है ना कि ये गैस का जो एटम है वो आगे सब अटोमिक पार्टिकल से बना है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और अब जो पार्टिकल बन गया उस पे क्या गया? गैस पे पॉजिटिव चार्ज और ये जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर नथिंग बट दीज आर कैथोड रेज तो जो हम कैथोड रे बोलते हैं वो और कुछ नहीं है इट इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एक बहुत तगड़ी सी वेव निकल के आ रही है इसको बोलते हैं कैथोड रे और अब लॉजिक लगाओ देखो ऐसा क्यों हुआ लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक ये गैस का यहाँ पर एक एटम था ध्यान से देखना ये गैस का एटम था इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लग गया तो उसने गैस के एटम ने क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया अब जो इलेक्ट्रॉन निकला वो नेगेटिव टर्मिनल के पास तो खड़ा नहीं रहेगा वो कहा जाएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा और इसी इलेक्ट्रॉन की बीम बीम को को हमने क्या नाम दे दिया कैथोड रे इसी इलेक्ट्रॉन की को क्या नाम दे दिया कैथोड रे क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज क्लियर ये हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी ये मैंने आपको अब बताया ड्यूरिंग द डिस्कवरी उस टाइम पे हमने केवल ऑब्जर्वेशन देखी थी ये ठीक हो गया उस टाइम पे हमने क्या देखी थी ऑब्जर्वेशन बच्चे एक टर्म आपने देखा होगा आपकी एनसीआरटी में लिखा हुआ है देर इज दिस टर्म टॉपिक नंबर क्या है फोर एक टर्म है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एसपीई स्पेसिफिक चार्ज स्पेसिफिक चार्ज का क्या मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे जेई मेन में पूछा जाता है ध्यान से सुनिए इसका मतलब होता है कि बच्चे व्हाट इज द चार्ज ऑन वन पार्टिकल किसी भी पार्टिकल के लिए आप स्पेसिफिक डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज आपको याद है जब भी हम वर्ड लगाते हैं स्पेसिफिक मतलब मैं कोई ना कोई का रेशो ले रही हूँ तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल पे जो भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उसको आप डिवाइड कर दो बाय मास वन पार्टिकल उसी पार्टिकल के मास से उसको डिवाइड uh, कर दो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज अब यहाँ पे प्री रिक्वायजिट जो है मुझे रिक्वायर्ड है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर की एक बात बताओ हमने सीखा था ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस -1.6 10 रे टू द पावर -19 कूलम और मुझे मैग्नीट्यूड लेना है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 रे टू द पावर -31 के जिन्होंने पिछला मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर नहीं पढ़ा शायद आपको ये ना वैल्यूज पता हो बट आगे से अब पता चल जानी चाहिए सो so, इसकी वैल्यू निकाल लेना रटनी नहीं है यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू आंसर आ जाएगा कूलम पर केजी में इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू निकाल लेना वो आप निकाल सकते हो पेपर में पूछी जाए तो भी निकाल सकते हो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है देर इज नो नीड टू मगअप द वैल्यू ठीक है मैम नीट के लिए बाउंस बैक सही रहेगा बच्चे मोर देन सही रहेगा नीट में इतने लेवल का नहीं पूछा जाता जितने लेवल का मैं बाउंस बैक में सिखा रही हूं बट अगर हाँ आप एक बहुत अच्छी रैंक लेना चाहते हो एक बहुत अच्छा कॉलेज सिक्योर करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस लेवल का कॉन्टेंट आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर श्योर लास्ट ईयर भी बहुत सारे नीट के बच्चों ने बाउंस बैक को फॉलो किया था ठीक है इट्स जस्ट कि मैं नीट के पीवाई क्यू यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगी मैं जेई मेन और एडवांस के कराऊंगी तो नीट के पीवाई क्यूज आप खुद से कर सकते हैं अदरवाइज थियोरी के लिए प्रैक्टिस के लिए मोर देन एनफ कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखिए हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली अब हम अगला टॉपिक करते हैं बच्चे शुरू में ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है ऐसे लगता है हिस्ट्री है पता नहीं क्या चल रहा है क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं वो कहते हैं ना एक मोमेंटम होता है भाई एक थोड़ा सा ना मुझे थ्रेश गेन करना पड़ेगा यहां तक जाने दो उसके बाद ये चैप्टर बड़ा स्मूथ है मगर मैं इनको छुड़वा भी नहीं सकती मैंने कई टीचर्स को देखा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थॉम्सन मॉडल डाल्टन मॉडल ये सब स्किप करते हैं उनका चैप्टर ही सीधा बोर्स अटोमिक मॉडल से, से स्टार्ट होता है बट बच्चे जब मैं तुम्हें करा रही हूं और तुम्हें मैंने आधा घंटा तो मैं और लगा के इस चीज को भी कम्प्लीट करूं तो मैं कुछ छुड़वाऊंगी नहीं कराऊंगी तो हर चीज कराऊंगी भले टाइम लगे बट बहुत ही तसली से करेंगे ठीक है अब ध्यान से सुनिए हम करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन

न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे इनका नाम था गोल्ड स्टील वैसे तो जेई वाले नहीं पूछते हैं कौन सा साइंटिस्ट कौन सा ईयर में डिस्कवरी हुई ये सब छोड़ो बट ठीक है बुक्स में लिखा होता है एनसीआर में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हुँ. अब इन्होंने क्या किया इन्होंने ना सेम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कराया सेम सी एक्सपेरिमेंट हर चीज सेम थी बट इन्होंने ना थोड़ा सा दिमाग लगाया इन्होंने कहा कि जो मैं कैथोड ले रहा हूं ना कैथोड ये मैं ना परफोरेटेड ले लेता हूं परफोरेटेड का मतलब होता है बच्चे उसके अंदर हमने छेद कर दिए जैसे कल जब मैंने चांद देखा है ना तो तुमने देखी होगी मेरी वीडियो जब मैंने चांद देखा था तो वो एक छलनी होती है हमारे हाथ में छलनी में थोड़े थोड़े छेद होते हैं है ना फिर ऐसे देखते हैं तो ऐसे चांद भी दिखाई दे जाता है है ना पति की भी फोटो शक्ल देख सकते हैं चांद भी देखते हैं तो उसके अंदर छेद होते हैं इन्होंने क्या किया वही कैथोड थोड़ा टाइप का कैथोड ले लिया परफोरेशन मतलब पूरा पूरा था ना कैथोड में ऐसे छोटे 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 छेद थे क्या ये बात सबको समझ आ गई ठीक है फिर, फिर पूरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि भैया यहां पर भी रेज निकलनी शुरू हो गई है मगर इन रेस को इन्होंने क्या कहा ये पॉजिटिव रेस थी ये पॉजिटिव रेस थी और इन रेस का नाम इन्होंने क्या रख दिया कैनाल रेस अभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल पढ़ाऊंगी बट पहले मुझे बताओ इतना क्लियर हो गया भाई कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट सेम टू सेम रिपीट किया इट्स जस्ट उसमें परफोरेशन कर दी और इन्होंने देखा कि पॉजिटिव रेस निकल रही है जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया कैनाल रेस अब इन कैनाल रेस के बारे में भी कुछ कुछ मैं आपको बता देती हूँ भाई कैनाल रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्रॉपर्टी नंबर वन ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं प्रॉपर्टी नंबर टू ये भी हाई स्पीड से ट्रेवल करती हैं प्रॉपर्टी नंबर थ्री ये भी मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं भैया मतलब कल को तुमने इसके अंदर पंखा रख दिया तो पंखा घूमने लग जाएगा छोटा सा पंखा है वो घूमने लग जाएगा क्या ये बात समझ आई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे ये रेज दे डिपेंड ऑन द गैस दैट यू हैव यूज मतलब कैनाल रेज इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने गैस कौन सी यूज करी जबकि जो कैथोड रे की कहानी हमने करी थी ये लिखिए दे डू नॉट डिपेंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस यूज आपने कौन सी गैस यूज करी है इस बात पे कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती मगर जो कैनाल रेज होती हैं जिनको पॉजिटिव रेज बोलते हैं ये इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सी गैस यूज करी है अब मैं ना यहाँ पे आपका एक मिथ जो है एक गलत चीज है जो आपने सीखी है बचपन में वो ये आपको लगता है कि मैम कैथोड रे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और आपको यहां से कई टीचर्स ने भी बताया होगा कि जो कैनाल रेज होती है इनका मतलब होता है प्रोटॉन्स तभी तो टॉपिक लिखा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो जिन बच्चों को यह लगता है आज तक या लिए? लगता था कि कैनाल रेस का मतलब होता है प्रोटॉन ये बिल्कुल ही गलत बात है सुनो मान लो अगर आपने एक गैस ली हीलियम हीलियम से एक निकला क्या इलेक्ट्रॉन एक निकला क्या हीलियम पॉजिटिव ठीक है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा ये क्या कंस्टिट्यूट करता है कैथोड रे और उसी हीलियम पार्टिक हीलियम पॉजिटिव जो था अब क्योंकि कैथोड में परफोरेशन है कैथोड के पीछे आपने जेडन एस लगा दिया ये कैथोड को क्रॉस करके जेडन एस पे टकराएगा यानी कि ये हीलियम पॉजिटिव पार्टिकल जो है अब ये क्या कहलाएगा ये वो पॉजिटिव रे है यानी कि यहाँ पर क्या बन गई हमारी कैनाल रे मतलब जब मैंने गैस यूज करी हीलियम तो मेरी जो कैनाल रेस थी दीज आर नथिंग बट द हीलियम पॉजिटिव आयन कल को मान लो मैंने गैस यूज करी कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट एन एग्जांपल तो ये इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा कैथोड रे मगर जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ने एक, एक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ये क्या कहलाएगा कैनाल रे और अगर मैंने गैस यूज करी एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब एच टू नहीं केवल एच अब ये एच जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बन जाएगा एच पॉजिटिव ये एच पॉजिटिव वंस अगेन क्या कहलाएगा कैनाल रेस और ये एच पॉजिटिव इज नथिंग बट प्रोटॉन। यानी कि केवल एक ही केस में कैनाल रेस को मैं प्रोटॉन कहूंगी जब मेरी गैस क्या थी एटॉमिक हाइड्रोजन अदरवाइज हर केस में कैनाल रेस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज प्रोटॉन। जबकि हर केस में इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा था तो इसीलिए बोला गया कि कैथोड रे डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ द गैस दैट यू हैव यूज मगर कैनाल रेस एक्चुअली डिपेंड अपॉन द गैस विच यू हैव यूज टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट अब मुझे बताइए क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए गैश स्टेट में प्रॉब्लम हो रही है अभी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अभी करेंगे बाउंस बैक में विल डू ठीक है इतना सबको अच्छे से क्लियर हो गया आगे थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देती हूं थोड़ी सी और चीजें जो हैं वो मुझे आपको सिखानी है बड़े ध्यान से सुनिएगा एक नया पार्टिकल है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया तो प्रोटॉन के लिए अलग से मैं एक्सपेरिमेंट नहीं बना रही हूँ सब कुछ सेम था बट परफोरेटेड कैथोड थी ठीक है टॉपिक नंबर सिक्स हैश टॉपिक नंबर सिक्स इसका नाम है एल्फा पार्टिकल इसका नाम क्या है एल्फा पार्टिकल बड़े ध्यान से इस चीज को समझना बच्चे आप हीलियम जानते हो हीलियम हीलियम कैसे दिखाई देता है हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है और हीलियम के बाहर दो इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे सही बात है बच्चे अगर हीलियम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या मेरे पास दो प्रोटॉन बचेंगे और दो न्यूट्रॉन बचेंगे यानी कि क्या मेरे पास न्यूक्लियस बचेगा किसका हीलियम का हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा सही बात है इस हीलियम के न्यूक्लियस को क्या मैं He2 पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इसी हीलियम के न्यूक्लियस को हम नया नाम देते हैं जो कि क्या है अल्फा पार्टिकल तो अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं बट इट इज सेम एज अ हीलियम न्यूक्लियस भाई हीलियम से आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अब जो हीलियम का न्यूक्लियस बचा एच ई टू प्लस इसको क्या कहते हैं एल्फा पार्टिकल चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं ठीक है एक क्वेश्चन जो कि जेई मेन में पूछा गया था बच्चे आप मुझे इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशो निकाल के बताइए मतलब आप मुझे अल्फा पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करके बताइए टाइम लीजिए और यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल एल्फा पार्टिकल पे उसका एल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या है ये आप मुझे कैलकुलेट कर बताएंगे टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर इस क्वेश्चन का आंसर करिए और मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बहुत अजीब है याद ही नहीं होता बस आज का वन शॉट अटेंड कर लो सारे वो जो अजीब फॉर्मूला है सब याद करवा दूंगी मैम हम ट्वेल्थ में हैं पढ़ सकता हूं बिल्कुल बच्चे अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो या नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर ऐसा है जेई मेन में इसका चार नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है तो अगर आप ट्वेल्थ में हो तो भी डेफिनेटली देखना चाहिए इलेवेंथ को ठीक करने का यही मौका है दोबारा आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप इलेवेंथ की जो चैप्टर्स है उनको रिवाइज करो तो इलेवंथ को अभी साथ साथ रिवाइज भी करते चलो और बहुत अच्छे से जो भी बैकलॉग रहा है जो भी आपके डाउट्स थे इलेवंथ में वो भी कंप्लीट करते चलिए देखिए चलिए स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालेंगे Q डिवाइडेड बाय M। एक देखो हीलियम है टू प्लस मतलब हीलियम टू प्लस पे मुझे पता है दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा ना तो टोटल चार्ज न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है सेम टू सेम 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टू दावर माइनस 19 कूलम यानी कि प्लस वन लिख दोगे सिखाया था ना प्लस वन का मतलब होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टू दावर माइनस 19 कूलम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल का मास का मतलब दो इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टू टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या ये बात सही है और आपको ये भी पता है ना कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर हुआ करता था ये हमने सीखा था तो क्या मैं लिख दू टू इंटू वन डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स द मास लगभग लगभग वो सेम होते हैं क्या आपको मैंने पिछले वन शॉट में ये सिखाया था कि बच्चे एक प्रोटॉन का मास इज लगभग लगभग वन ए चेक करके देखो प्रोटोन का मास और वन ए एमयू की वैल्यू ग्राम्स में दोनों लगभग लगभग सेम थी तो क्या मैं मास ऑफ को 1 AMU से रिप्रेजेंट कर दू? ये याद शॉर्टकट है काफी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो क्या मैं लिख दू टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रे सुदीपा माइनस नाइनटीन कूलम डिवाइडेड बाय फोर इंटू वन एमयू सही है और ए एमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट करना आप सब बच्चों को मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था डन ये है अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज जेई मेन में, में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा वो ये पूछेगा कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल वो ये कहेगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू न्यूट्रॉन इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इससे ज्यादा भारी भरकम सवाल जो है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्या ये बात क्या ये टॉपिक सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्फिडेंस आ गया इससे ज्यादा जेई मेन में, में जेई एडवांस में नहीं पूछा जाएगा निश्चिंत रहना ठीक है छह टॉपिक्स हमने कर लिए हैं टॉपिक नंबर ये आसान है आप बच्चों ने नाइन्थ में भी पढ़ा था जिनको याद है बढ़िया जिनको नहीं याद है ध्यान से देखिए रद्स मॉडल ऑफ एन एटम जिसको रद एटॉमिक मॉडल से भी पढ़ाया जाता है या रदरफोर्ड्स मॉडल और आपको रदरफोर्ड्स मॉडल का नाम लेते ही एक एक्सपेरिमेंट दिखाई दे जाता है आई थिंक आपने बचपन में पढ़ा था इसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से स्टडी कराया जाता है याद आ गया एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से स्टडी कराया जाता है हम क्या करते हैं हमने ना एक बहुत ही पतली सी एज इफ केवल वन एटम थिक गोल्ड की आइल ले ली याद आ गया थिन थिन वेरी वेरी गोल्ड की हम ले लेते हैं बहुत ही पतली जैसे आप आप लोग रोटी जब बचपन में वो एल्यूमिनियम फॉइल में मम्मी रोटी रैप करके देती थी ना या फिर जैसे काजू कतली पे काजू की पतली सी लेयर लगी होती है ऐसे ही या आजकल मैं ना देख रही थी एक वो चला है पता नहीं लोग क्या क्या खाते हैं गोल्ड मोमोज मैं देख रही थी किसी ने एक दिन मोमोज के ऊपर ना गोल्ड की पतली सी लेयर लगा दी एक गोल्ड पान आता है मतलब इस प्रकार की खाने की चीजें जहाँ पे बहुत पतली सी गोल्ड की लेयर होती है ना वैसे ही थिन गोल्ड की फॉइल आपने लगा ली ठीक है फिर इसके बाद मैंने क्या लिया मैंने कोई भी ना एक रेडियो एक्टिव मटीरियल ले लिया और उसको लेड के डब्बे में स्टोर कर दिया लेड पीबी के डब्बे में स्टोर कर दिया ये वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है ध्यान से सुनो

उसमें छोटा सा छेद कर दिया ताकि केवल स्ट्रेट लाइन वाले अल्फा पार्टिकल को मैं बाहर निकाल सकूं समझ आ गया अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं ठीक है अब हमने इन अल्फा पार्टिकल्स को बमबार्ड किया देयर इज अ टर्म व्हिच इज नोन एज मतलब व्हिच इज रिटन इन द बुक्स बमबार्डमेंट मतलब ऐसे मारते गए मारते गए मारते गए अल्फा पार्टिकल को किस पे मारते गए एक थिन गोल्ड फॉइल पे मारते गए ठीक है इसके बाद आपको जो बुक्स में पिक्चर शो कर रखी होती है कुछ इस प्रकार की पिक्चर होती है याद है ये जिंक सल्फाइड जेड एन एस की प्लेट होती है मैं बताती हूँ आजकल लड़कियां आई थिंक इस बात से कोरिलेट कर पाएंगी या इवन लड़के भी आजकल ना एक बेल्ट चली हुई है वो बेल्ट पता कैसी होती है यहां से मतलब बेल्ट लगाओ तो एक सी टाइप की बेल्ट होती है मतलब पट्टा तो मतलब जैसे वो हेयर बैंड बांधते हैं ना सिर में बिल्कुल इस प्रकार का हेयर बैंड होता है बिल्कुल थ्री तो यहाँ पर आधा दिखता है मगर हम इसको पूरा यहाँ से कवर करके रखते हैं इस प्रकार से तो ऐसा होता है मगर बुक्स में ये बनाया नहीं जाता हम बुक्स में जनरली आपको ऐसे ही बना के दिखाएंगे इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि कंफ्यूज मत होना आगे जाके समझ गए जेड एन एस की यहाँ पे प्लेट रखी होती है अब ध्यान से देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई पहले मैं आपको ये सिखाती हूँ सब पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे फिर कंक्लूजन पढ़ेंगे फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो बुराई थी वो भी करेंगे ठीक है सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ बच्चे लगभग 99.99% पार्टिकल्स .99 इन्होंने कंटिन्यू करा अपना स्ट्रेट पाथ कहने का मतलब मैक्सिमम एल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे कि भैया अगर ये ऐसे आ रहे थे तो ये सीधे ही चले गए मैक्सिमम एल्फा पार्टिकल देवर कंटिन्यूइंग देयर स्ट्रेट पाथ कि जैसे आ रहे थे वैसे के वैसे आगे चले गए ठीक है अभी पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं बाद में कंक्लूजन सिखाऊंगी फिर हमने देखा कि कुछ एल्फा पार्टिकल ऐसे थे सम पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए डिफ्लेक्ट हो गए का मतलब वो ऐसे आ रहे थे ध्यान से देखना वो ऐसे आ रहे थे थोड़ा सा ऐसे टेढ़े चले गए वो ऐसे आ रहे थे थोड़े से ऐसे टेढ़े के चले गए भाई जो नॉर्मल पाथ था उससे थोड़ा सा धक्का लग गया डिफ्लेक्ट हो गए और ये भी मुझे पता चला कि वेरी 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 फ्यू आई थिंक आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वन एटी डिग्री से बाउंस बैक कर गए भाई ऐसे जा रहे थे और सीधा बाउंस बैक कर गए यहां से जा रहे थे और वापिस जहां से गए थे उसी पाथ से बाउंस बैक कर गए ये ऑब्जर्वेशन थी ये वो चीजें थी कि एल्फा पार्टिकल Uh, किस तरीके से मतलब मूवमेंट शो करता है विद द गोल्ड फॉइल ये हमने एक चीज सीखी अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ इसको क्यों का आंसर देने की कोशिश करते हैं मैंने कहा मान लो अभी तो सब मानना है अभी ये श्योर नहीं है उस टाइम साइंटिस्ट ने माना कहते मान लो लोगों ने कहा था बचपन में कि जो एटम है वो सर्कुलर मतलब स्फेरिकल है इन्होंने कहा स्फेरिकल है कहते देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे थे

तो यहाँ से पहली कंक्लूजन निकल के आई कि एटम के अंदर का मैक्सिमम स्पेस जो है बच्चे वो खाली होता है ठीक है मैक्सिमम स्पेस इन एटम जो होता है वो खाली होता है अब इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि कुछ एल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो देखो जैसे आए और आते ही छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आ रहे थे और फिर ये डिफ्लेक्ट हो गए अब लोगों ने सोचा डिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है फिर उन्होंने दिमाग लगाया कहते अल्फा पार्टिकल बड़ा भारी है और बड़ा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है यानी कि अगर इसको किसी ने धक्का मारा तो वो खुद भारी होना चाहिए और उस पर खुद भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रिपेल फिर लोगों ने दिमाग लगाया कहते ओ, इसका मतलब लगभग एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड है कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो कि अपने आप में भारी है तभी तो वो एक भारी से अल्फा पार्टिकल को स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर देगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के पास ना जाके रिपल्शन हो जाएगी डिफ्लेक्शन हो जाएगी यहां से इनको समझ आया कि अच्छा एटम का का लगभग लगभग सारा का सारा मास सेंटर में एक्यूमिलेटेड होता है और इस सेंट्रल पार्ट को रदरफोर्ड ने बोल दिया कि ये क्या कहलाएगा न्यूक्लियस और इसने बोला एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में प्रेजेंट है फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा कहते बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे फिर तेरे को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं भाई जा रहा था जाते न्यूक्लियस को देखा डिफ्लेक्ट बैक हो गया 180 डिग्री से कहते क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री कहने का मतलब जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है कंपेयर टू द कंप्लीट पार्टिकल यहां से ये ऑब्जर्वेशन निकली कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड दैट टू इट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ एन एटम ये सारी पहले मैंने जो लिखवाए वो ऑब्जर्वेशन थी अब जो मैंने लिखवाए वो कंक्लूजन था और अब जो मैं लिखवाने वाली हूँ वो रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स हैं तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कहते आटम के सेंटर में कहते सेंटर में क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस ये ऑब्जर्वेशन किसने दी थी मतलब ये पूरा का पूरा डेटा किसने शेयर किया हमारे साथ रदरफोर्ड ने ठीक है ये एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस अब इन्होंने कहा न्यूक्लियस के अराउंड जो नेगेटिव देखो कहते कि पूरा का पूरा पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर है तो पहले तो थॉमसन ने कहा था ना पॉजिटिव हर जगह है तो रदरफोर्ड ने कहा नहीं भैया पॉजिटिव हर जगह नहीं है पॉजिटिव न्यूक्लियस के सेंटर में है और जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इन्होंने कहा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है एस टी ए टी आई सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहा है और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करेंगे कहते इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूअसली घूम रहा है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे ये आपको चीजें याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट कहते जो एक एटम का रेडियस है This is लगभाग, लगभाग, 10 तो 5 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं है, है है। या फिर एटम जो है वो न्यूक्लियस से एक लाख गुना बड़ा है अगर मैं रेडियस के बारे में बात करूं क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई और अगर मैं वॉल्यूम की बात करू वॉल्यूम ऑफ एटम

मैम इज ई बाय एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ना बच्चे ई बाय एम रेशो किसी भी इलेक्ट्रॉन का ले लो वो तो सेम ही रहेगा ना क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है उस उस पार्टिकल पे कितना चार्ज है वो तो सेम रहेगा ना जितनी मर्जी वोल्टेज आप अप्लाई कर दो उस पार्टिकल का मास विल आल्सो बी फिक्स तो ई बाय एम रेशो फिक्स रहेगी इंडिपेंडेंट ऑफ कि आपने क्या वोल्टेज अप्लाई करी है देवेश कुमार बच्चे क्लोजेस्ट डिस्टेंस सब कुछ कराऊंगी कह तो रही हूं विश्वास रखो कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं हर चीज बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी जितना कहोगे उतना बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी ठीक है अच्छा यहाँ से थोड़ी सी से खुशी सेलिब्रेट कर लेते हैं खुशी सेलिब्रेट कर लेते हैं तीस टॉपिक थे ना तीस में से मतलब तीस टॉपिक नहीं थे तीस हिस्से हैं तीस टॉपिक मत समझ लेना टॉपिक्स तो बहुत है मतलब चैप्टर को मैंने तीस हिस्सों में डिवाइड कर दिया है जिसमें से एक और एक और दो हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं ये मत करना मैम घंटे में दो हिस्से कम्प्लीट हो हैं, तो तो पंद्रह घंटे का वन शॉट चलेगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना हिस्से कंप्लीट हो जाएंगे कई टॉपिक्स को समझाना ज्यादा पड़ता है भाई काफी कुछ होता है उन टॉपिक्स के बीच में है ना एंड कई टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से देर में आपको काफी सारे हिस्से कंप्लीट हो जाएंगे तो घबराना मत ला अब तो यार तुम्हें एक्सपीरियंस हो ही गया है लास्ट ईयर लास्ट टाइम भी जब अभी वन शॉट लिया था मोल का तो तुम्हें सिखाया था मतलब इतनी गारंटी है कि जो आज पे पढ़ा रही ना ये मतलब वर्थ इट है तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने चैप्टर को शायद कभी गलत तरीके से तो नहीं कर लिया कम तो नहीं कर लिया और कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं जितना पढ़ा रही हूँ ना मोर देन एनफ है उसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ठीक है टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है थोड़ी सी फिजिक्स सिखानी है मुझे अभी ऑल्डो मैं फिजिक्स बहुत अच्छी मतलब मुझे ही नहीं आती है तो तुम्हें सब क्या ही सिखाऊंगी बट स्टिल पॉइंट हो गया। हो गया गया आठवां के कह दो आई मीन नाउ थिंग टॉपिक डालिए मैं आपको ना थोड़ी सी फिजिक्स जितनी मुझे आती है जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी सिखा देती हूँ इससे ज्यादा फिजिक्स आपको फिजिक्स वाले टीचर्स पढ़ा देंगे वो मेरे से कई गुना अच्छा पढ़ा देंगे ठीक है ना टेन रेस टू दिपार फिफ्टीन टाइम्स अच्छा अभी लास्ट सर और अजीत सर पढ़ा देंगे मैं तुम्हें बस उतना सिखा देती हूँ जितना मुझे मेन और एडवांस के लिए केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है आपको पता है कूलम्स लॉ सी ओ एल यू एम बी कूलम्स लॉ यही होती है ना स्पेलिंग कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ क्या होता है थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं ये ये कहता है मान लो आपके पास दो पार्टिकल हैं दो पॉइंट चार्जेस हैं एक पे चार्ज है प्लस क्यू वन दूसरे पे चार्ज है प्लस क्यू टू और अगर ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है क्या आप जानते हो अगर दो पॉजिटिव चार्ज को आर डिस्टेंस पे रखोगे तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्या ये बात सही है देर विल बी रिपल्सिव फोर्स ये, एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर दोनों नेगेटिव होते हैं, तो भी रिपल्सिव फोर्स होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो अट्रैक्टिव फोर्स होता ये पता है ना अगर मैं इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने को बोलूं तो क्या होता है आपको याद है ना एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन अदर पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है उस प्रपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं मगर मैं जब भी फोर्स निकालूंगी तो मुझे केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है बाकी कुछ नहीं K जो होता है ये कांस्टेंट होता है जिसके बारे में फिजिक्स में आप पढ़ेंगे मगर मेरे लिए बस के की वैल्यू जो है आपको याद रखनी जरूरी होती है वो कितनी होती है नाइन इंटू टेन रेस टू दी पर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये आपको फिजिक्स में सिखाया गया था मुझे केवल इतना ही याद रखना है बस याद रखना फोर्स मैं जब भी निकालने को बोलूंगी तो मैं क्या निकालने को बोलूंगी मैग्नीट्यूड मैं क्या निकालने को बोलूंगी मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना आपको याद रखना है आई थिंक ये क्लियर हो गया आगे देखिए अगर मैंने सेम सिस्टम लगाया भाई मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसपे प्लस क्यू वन चार्ज है एक पॉइंट चार्ज है जिसपे प्लस क्यू टू चार्ज है इन दोनों को मैंने आर डिस्टेंस से सेपरेट किया ठीक है अब इस पूरे सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपने फिजिक्स में फिर से सीखा होगा पोटेंशियल एनर्जी में देखो बच्चे फोर्स निकालते हुए आपको साइन नहीं लिखना फोर्स निकालते हुए आप कभी भी साइन मेंशन नहीं करोगे मगर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हुए यू विल बी राइटिंग के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स यहाँ पर आप विद साइन चार्जेस को पुट करते हो ये याद आया यहाँ पर विद साइन चार्जेस को पुट करते हो तो अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव ये सही है ना अगर किसी की किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देखो ये प्लस है या प्लस है या माइनस है या माइनस है तभी तो पॉजिटिव आएगा और अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है मतलब रिपल्सिव एनर्जी डोमिनेटिंग है और अगर किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो बस इतना याद रखना है अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग है ये अट्रैक्टिव सिस्टम है इतनी बात सबको अच्छे से समझ आई ये छोटी सी बेसिक चीज थी ये वैसे तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो मगर मुझे पूरे इस चैप्टर में आप ये चीज बारी बारी यूज करनी होगी इसलिए मैंने आपको अलग से सिखा दी ठीक है यहाँ तक डन है एनसीआरटी की बात मानू तो एनसीआरटी में केवल रदरफोर्ड्स एटोमिक मॉडल इतना ही दे रखा है इससे ज्यादा नहीं दे रखा मगर एक टॉपिक है जो एक एडिशनल टॉपिक है जो आज से सात आठ साल पहले जेई एडवांस में पूछा गया था फिर दो बार तीन बार जेई एडवांस में पूछा गया उसके बाद ये टॉपिक इतना कॉमन हो गया कि जेई मेन में पूछा गया मतलब 2018 19 कि अगर पेपर उठाओ तो जय मेन में पूछा गया था उसके बाद ये टॉपिक जो है वो फेड अवे हो गया दोबारा नहीं पूछा अगले लास्ट दो साल से ये टॉपिक नहीं पूछा बट कभी भी दोबारा पूछ सकते हैं इसलिए मैं टॉपिक आपको सिखा रही हूं इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सामने देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा अच्छी सी चीज है बच्चे ये हमारा एटम का न्यूक्लियस है क्या है एटम का न्यूक्लियस मान लो अगर एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो इस न्यूक्लियस पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे टाइम्स द प्रोटॉन सही है ना अगर एटम पे आ, अगर एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो उसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स होंगे न्यूट्रॉन्स को मैं कंसीडर ही नहीं कर रही क्योंकि न्यूट्रॉन्स क्या है न्यूट्रल है मान लो मैंने एक अल्फा पार्टिकल को यहां पर भेजा एक अल्फा पार्टिकल जो यहां से मूव करते करते न्यूक्लियस के पास जा रहा था यही जो एटॉमिक मॉडल है ना ये ये वो गोल्ड का फॉइल यहां से एटम जा रहा है अब ऐसा मतलब यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहा है अब ऐसा नहीं है कि अल्फा पार्टिकल जाके इसको टक्कर मार मारा था ना 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 ये हेड ऑन कोलिजन होने की कोशिश होती है यहां से अल्फा पार्टिकल गया 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 बट यहीं तक जाता है और फिर वापस अपना जो पाथ है उसको रिट्रेस कर लेता है समझ गए यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया न्यूक्लियस के पास गया और वहीं से पाथ रिट्रेस कर लिया यानी कि उसने टच नहीं किया अब पूरा लॉजिक समझना जब शुरू शुरू में अल्फा पार्टिकल जा रहा था तो इसके पास खूब सारी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल के पास अपनी खूब सारी काइनेटिक एनर्जी थी तो मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी थी मान लो एल्फा पार्टिकल का मास एम है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो एल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हाफ इंटू एम इन वी स्क्वायर ये एल्फा पार्टिकल अपनी हाफ एम वी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के पास गया न्यूक्लियस की खुद की पॉजिटिव फील्ड थी तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर द काइनेटिक एनर्जी वैल्यू विल बिकम इक्वल टू द मतलब जितनी भी, जितनी भी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी ओवरकम हो जाएगी क्यों क्योंकि जब हमारा अल्फा पार्टिकल मान लो यहां पहुंच, पहुंच गया जब न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस आर था तो अब यहां पर इतनी रिपल्शन होगी कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी दैट विल बी यूज्ड टू ओवरकम द रिपल्शन मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से केवल r डिस्टेंस ही पास पहुंच सका r से कंफ्यूजन होता है तो लिखो वो केवल d डिस्टेंस ही न्यूक्लियस के पास पहुंच चुका इससे ज्यादा अंदर नहीं जा सका यानी कि इस टाइम पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं k q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल k को k लिखा चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल कितना एक एल्फा पार्टिकल पे दो प्रोटॉन का चार्ज होता है ना तो क्या मैं लिख दू? 2 into into 10 minus 19 पहले तो ये बताओ क्या ये ठीक है? अब सोचो। nucleus, कितना है पे चार्ज Z 10 19 और दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स डी डिस्टेंस तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को कितना क्लोजली क्लोजेस्ट अप्रोच वाला डिस्टेंस क्या है आपने इन दोनों वैल्यू को क्या कर देना है इक्वेट कर देना है मतलब अल्फा पार्टिकल पहले बहुत तेज चल रहा था अपनी काइनेटिक एनर्जी से अब धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हुई और एक पॉइंट आया जहां पर उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी

सवाल आज से कुछ साल पहले जेई एडवांस में भी पूछा गया था और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया जेई मेन में भी पूछा गया है सवाल मैं यहाँ पर नहीं करा रही बिकॉज इट इज जस्ट ऑफ वैल्यूज आप वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा पूरा क्रक्स पूरा लॉजिक मैं आपको बता चुकी हूँ वैल्यू सब्सिट्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है आप बड़े आराम से कर सकते हैं कल को कोई आपको डी निकालने को लिखे तो कहना के टू इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर बस ये रटना नहीं है यू अप द फॉर्मूला कभी भी पूछा जाएगा तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन जो है वो आ जाएगी कभी भी पूछा जाएगा तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे ठीक है डन है इक्वेट क्यों किया क्योंकि पहले उस अल्फा पार्टिकल की पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखिए एक एग्जांपल देती हूँ एक एग्जाम्पल देती हूँ अपने आप तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाएंगी ध्यान से देखना ठीक है ये तुम हो ठीक है जिसके हाथ में एक है नोटबुक ठीक है ये तुम हो तुम्हारे हाथ में नोटबुक है और तुम ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये तुम्हारी बंदी है इसके साथ तुम हाथ में हाथ पकड़े है हा ना मैं तो रास्ते पे जा रहा था भेल पूरी खा रहा था इस हिसाब से तुम मतलब ऐसे टहल टहल के आ रहे थे अपने स्कूल से छुट्टी हुई ट्यूशन से छुट्टी हुई तुम आ रहे थे यहाँ पर खड़ी है तुम्हारी मम्मी कौन खड़ी है मम्मी ठीक है अभी तुम स्कूल से निकले और तुम्हारी मम्मी के बीच में बहुत डिस्टेंस है भाई मम्मी बहुत दूर है तुम्हे पता ही नहीं है तो तुम अलग ही अपनी काइनेटिक एनर्जी में चल रहे थे बहुत स्पीड स्पीड से मतलब आराम से मतलब बिना किसी चिंता के बिना किसी डर के आराम से तुम चल रहे थे गाना वाना गा रहे थे कि मैं तो रस्ते पे जा रहा था मैं तो भेल पुड़ी खा रहा था तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं टाइम पास मतलब फुल ऑन गाने वाने गा के आ रहे थे ठीक है हाथ में नोटबुक है अभी समझ रहे तो तुम अपनी पूरी कनेटिक एनर्जी से अपने घर के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहे थे कर रहे थे धीरे धीरे तुम्हें पता चला कि घर आने वाला है तो अब सच्ची सच्ची मुझे बताओ क्या तुम्हारे कदम स्लो हो जाते हैं या नहीं होते ये तो लॉजिकल है क्या तुम धीमे धीमे चलते हो क्या अंदर से डर आने लग जाता है कि मम्मी ने देख लिया तो बट फिर भी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी थी मगर धीरे धीरे वो कम होनी शुरू हो गई थी ठीक है ना कम होनी क्या तुम अपनी बंदी को अपनी मम्मी के ऐसे जाकर लेकर जाओगे चरण स्पर्श मम्मी देखो मैं है ना अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आयो आपसे मिलवाने वो पॉसिबल नहीं है ना जाकर ये थोड़ी ना कि मम्मी को दिखाई दोगे मम्मी ये देखो ये बंदी है मेरी नहीं करते हो ना ऐसा मगर तुम चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे, हो, चल रहे थे काइनेटिक एनर्जी धीमी धीमी कम होती गई होती गई भाई साहब जैसे ही तुम्हें मतलब दूर से मम्मी दिखाई दे रही थी तुम्हें पता था मम्मी को तुम नहीं दिखाई दे रहे तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी फिर भी कुछ थी जैसे ही तुम्हें पता चला कि सामने खड़ी है मम्मी है ना जैसे ही पता चला सामने खड़ी है मम्मी तो अब मुझे एक बात बताओ, ये बंदी थी ये तुम। पहले कैसे हाथ में हाथ डाल के चल रहे थे अब तो भाई सब जैसे हाथ छोड़ा तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर जो बुक तुम्हारे हाथ में थी बस अब तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का एक पोटेंशियल एनर्जी तुम बन गए सिस्टम अब तुम क्या बन गए सिस्टम पहले तुम अपनी मम्मी के मतलब उन उनमें थे नहीं ना क्या कहते हैं उस विसिनिटी में थे नहीं कि मम्मी का इन्फ्लुएंस तुम्हारे पे पे हो मगर जैसे ही इस डिस्टेंस आ गए भाई साहब अब तुम और तुम्हारी मम्मी तुम इस बंदी को ये कौन है तुम कहाँ से आई हो एलियन हो तुम इसको कुछ भी कह दोगे बट मम्मी के सामने इसकी पहचान नहीं करवाओगे सही बात है ना यानी कि जिस काइनेटिक एनर्जी पे पहले तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी ओवरकम करने में काम आ गई क्यों क्योंकि अब एक डर है एक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में डेवलप हो चुकी है तो आप यहीं तक उस बंदी के साथ अप्रोच कर सकते थे जहां तक डी डिस्टेंस तक इससे ज्यादा तो भाई साहब तुम्हारे बस की बात नहीं है समझ गए ना नहीं तो मम्मी खड़ी एकदम अच्छे आराम से होती है बट जिस टाइम मम्मी ने थप्पड़ वप्पड़ मारना शुरू किया है ना झाड़ू वाड़ू मारनी शुरू करी तो फिर इस बंदी के सामने क्या मतलब समझ रहे हो ना

तुम पर चार्ज कितना है तुम तो अल्फा पार्टिकल हो तो टू टाइम पर चार्ज कितना है मम्मी न्यूक्लियस है तो जेड टाइम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल डी आ गया हाँ चप्पल हाँ कईयों को अलग अलग होते हैं मतलब अब तुम्हें मतलब कईयों को एक्सपीरियंस है मैं तो ये मन कहानियां बनाती हूँ तुम्हें एक्सपीरियंस होता है तो तुम आइडिया भी दे देते हो मैम चप्पल पड़ती है झाड़ू पड़ती है कईयों को तो गरम तवा भी पड़ जाता है मैंने सुना वो जैसे वो चिमटा नहीं होता तो जिससे ऐसे रोटी ऐसे ऐसे करते हैं कईयों की मम्मी वो भी गरम करके मार देती है तो मतलब बच कर रहे ठीक है ये केवल एक काल्पनिक घटना थी जिसको मैंने यहाँ पर प्रद, प्रदर्शित किया ठीक है इससे अपने आप को कोरिलेट करना बंद करें बाहर आए उस दुनिया से तो यहां से मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता देती हूँ कि हमारा तीसरा सेक्शन जो है इस चैप्टर का वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है मतलब तीसरा सेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है अब इसी खुशी की बात पे हम एक नया टॉपिक एक नया सेक्शन और शुरू करते हैं अभी तक देखो पीवाई क्यूज मैंने तुम्हें जो सिंपल पीवाई क्यूज थे ना इससे काफी सिंपल पीवाई क्यू आते हैं एक क्वेश्चन कर दोगे चलो बाद में करेंगे अभी सिंपल अभी तो थियोरी हो गई है अभी थ्योरी आधा पौना घंटा थियरी और होगी क्योंकि अभी थ्योरी वाले टॉपिक्स चल रहे हैं बट वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है तो मैं ये पी क्यू में नहीं दे रही हूँ तुम्हें कि भाई वैल्यू सब्सिट्यूट करो फिर कहो भाई वाह मैम मजा आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये ऐसे टिपिकल चिंदी लेवल क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं ठीक है ना थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे टॉपिक नंबर क्या था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टॉपिक नंबर दस हैशटैग दस हो चुका है आगे देखिए हैश टैग इलेवन इलेवेंथ टॉपिक नंबर आज की क्लास का क्या आप जानते हैं वेव वेव क्या होता है वेव? अब कई बार ऑफलाइन वाली क्लास में पूछो बच्चे से वेव क्या होता है और इसी एग्जाम्पल के बाद ही मैं जनरली पूछती हूँ तो बस वही कहता है बच्चा कि मैम मान लो मैंने है ना उसी बंदी के बारे में मैं सोच रहा हूँ तो ऐसे दिल में गिटार बजने लग जाते हैं वो वेव होती है कई बच्चों के लिए वेव का मतलब बस वही शाहरुख खान है ना डी डी एल जे पलट, पलट 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 ये वेव कई बच्चों के दिमाग में वेव का मतलब आता है कि पानी है एकदम शांत पानी इसमें पत्थर डाला तो वो वेव्स निकलती है तो उसको हम वेव कहते हैं अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बात करूँ या फिजिक्स की भाषा में बात करूं तो वेव क्या होता है इट इज नथिंग बट यू नो इट इज अ मेथड इट इज अस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी सही है ना इट इज अस ऑफ ट्रांसफरिंग टी आर एन एस एफ ई डबल आर आई एन जी ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी ट्रांसफर होने का एक तरीका होता है उसको बोलते हैं वे मगर यहां पर एक्चुअल मूवमेंट या एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर नहीं होता याद है ना ये विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर या एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता बट एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से जा सकती है और जब भी मैं वेव की बात करूँ आपके दिमाग में ऐसी आती है बच्चे वेव कुछ भी हो सकता है ऐसी भी ड्रॉ कर सकते हैं मैं ऐसी भी ड्रॉ कर सकती हूँ दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव सही है अब हमारे केमिस्ट्री में देखो वेव्स अगेन आपके फिजिक्स में बहुत बड़ा चैप्टर है आपके फिजिक्स के टीचर्स मेरे से बहुत बेटर एक्सप्लेन करेंगे फिजिक्स का पार्ट ठीक है बट हमें केमिस्ट्री में जितना रिक्वायर्ड है मैं बस उतना ही आपको बता देती हूँ ध्यान से देखिए आपने बचपन में सीखा होगा कि मान लो ये वाइब्रेटिंग सोर्स है भाई यहाँ से हमने वेव स्टार्ट करी वेव कुछ इस प्रकार से आपको नजर आई मतलब हम पेपर पे वेव को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं याद आया जो ये पहाड़ ऊपर पहाड़ी आती है इसको हम क्रेस्ट बोला करते हैं जो नीचे गहराई आती है इसको ट्रफ बोला करते हैं है ना ऊपर वाले को क्रेस, नीचे वाले को हम ट्रफ बोला करते हैं ये एनर्जी मान लो मैंने रिप्रेजेंट कर दी कि आगे मतलब ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फिर एक पॉइंट आपको टीचर्स बचपन से सिखाते होंगे इस पॉइंट को बोलते हैं वेव लेंथ आप समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है जितना सिखाऊंगी उतना केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है फिजिक्स वाला पार्ट आपके टीचर्स अपने आप करा देंगे वेव लेंथ को हम लैमडा से रिप्रेजेंट करते हैं सही बात है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैमडा क्या होता है ये कहता है दो कंजीक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर दो कंजीक्यूटिव ट्रफ के जो बीच का डिस्टेंस होता है दिस इज नोन एज वेवलेंथ जरूरी नहीं है कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ही लेने हैं दो कंसेक्यूटिव ट्रफ ही लेने हैं ध्यान से देखो आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो जैसे एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया अब इसके कंसेक्यूटिव दोबारा सेम पॉइंट यहां पर आया तो कोई भी दो सेम पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहेंगे वेव लेंध. क्या यह बात सबको समझ आ गई या फिर यहां से स्टार्ट करके एक वेव यहां से यहां गई एक क्रेस्ट बनाया और उस वेव ने एक ट्रफ बनाया तो क्या मैं बोल दू कंप्लीट वेव कंप्लीट वेव एक पूरी की पूरी वेव की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं वेव लेंथ क्या यह बात सबको समझ आ गई फिर आपको बचपन में देखो हमारे केमिस्ट्री में मुझे वेव लेंथ बहुत यूज होगी इसके बारे में मैंने बताया फिर आप फिजिक्स में पढ़ते हो भाई ये जो हाइट होती है किसी भी क्रेस्ट की या किसी भी ट्रफ की इसको क्या कहते हैं हाइट को क्या बोलते हैं ठीक है मेरे लिए एम्पलीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए एक वेव इंपॉर्टेंट है दूसरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो होती है फ्रीक्वेंसी समझिएगा फ्रीक्वेंसी बच्चे मैंने ना एक पर्टिकुलर पॉइंट स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसको कंसीडर कर लिया मैंने टाइमर चालू कर दिया वन सेकेंड का टाइमर जैसे टाइमर स्टार्ट कर दिया अब इस इस एक में कितनी वेव्स पॉइंट से पास करी होंगी कितनी वेव्स एक ही पॉइंट से एक सेकेंड में पास करी होंगी इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन वन सेकेंड एक सेकेंड में एक फिक्स पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही हैं इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या आप ये भी तो बोलते हो ना द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम कितनी ऑसिलेशन हो रही हैं एक यूनिट टाइम में मतलब एक सेकेंड में कितनी बार एक पर्टिकुलर वेव उस पॉइंट से पास हुई है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी याद याद आया कि आपको ये भी याद आया आपको भी एक रिलेशन आप बचपन में पढ़कर आए थे ये कैसे होता देखो स्पीड कैसे निकालते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम सही है ना आप निकालते हैं स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मान लो एक पर्टिकुलर वेव ने मैंने वन सेकेंड का टाइम या फिर मैंने टी टाइम जो है टी टाइम मैंने कहा जाती है C. तो C का मतलब कितना डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल किया लैमडा और एक वेवलेंथ ट्रेवल करने के लिए वेव ने कितना टाइम लिया टी तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या यह बात भी ठीक है और इसको टी को बोलते हैं टाइम पीरियड ये क्या कहलाता है दिस इज नोन एज टाइम पीरियड टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन टाइम पीरियड मतलब द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वेव का एक पूरा मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को बोलते हैं द टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई दिस इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव डन आगे देखिए आगे देखिए ध्यान से इस चीजों को समझते चलिएगा छोटी छोटी चीजें हैं बट जितना समझ के करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा एक अगला रिलेशन आप बच्चों ने सीखा हुआ होगा कि सी इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैमडा ये किस किस को याद है सी इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैमडा या फिर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी इज नथिंग डिवाइडेड बाय नी बाय लैमडा तो ये एक ही इक्वेशन को लिखने के चार पांच तरीके हैं आपने सीखा है सी इज इक्वल टू न्यू लैमडा आपने सीखा है स्पीड इज इक्वल टू लैमडा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस एक नई चीज आप लोगों ने सीखी होगी जिसको बोलते हैं वेव नंबर वेव नंबर किसको कहते हैं वेव नंबर होता है फ्रीक्वेंसी पे न्यू लगा देते हैं इसको हम न्यू बार की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या होता है द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट देखो ये ये कहता है कि द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ एक मीटर में कितनी वेव्स बन सकती हैं इसको बोलते हैं या फिर इसको आप उल्टा तरीके से बोल दीजिए द नंबर ऑफ वेव्स इन वन मीटर देखो यहां से यहां एक मीटर है इस एक मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करना है कितनी वेव्स रिक्वायर्ड होती है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ तो कितनी वेव्स रिक्वायर्ड कितनी वेव्स बन सकती हैं एक मीटर लेंथ में उस टर्म को क्या बोलते हैं वेव नंबर और इसी वेव नंबर न्यू बार को आप वन बाय लैम्डा अब समझ आ गया ना एक मीटर लेंथ में कितनी वेव लेंथ कवर हो सकती हैं इस न्यू बार को बोलते हैं वेव नंबर क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई इसको बोलते हैं वेव नंबर डन है वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वेव नंबर ये पांच चीजें क्लियर हैं क्या ये पांच चीजें सब बच्चों को अच्छे से क्लियर है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो अभी ये नहीं 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 ये नहीं, ये नहीं। अभी मैं देख रही हूं कि तुम कोई क्वेश्चन अभी कर पाओगे या नहीं अभी एक क्वेश्चन कर सकते हो इफ यू वॉन्ट यू कैन डू वन क्वेश्चन या एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करा देती हूँ उसके बाद बच्चे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऐसे मत चिल्लाओ मैं लाइन बाय लाइन सारे के सारे आपको टॉपिक्स कराऊंगी ऑर्गेनिक भी कराऊंगी घबराते क्यों आई विल टीच यू एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल और पहले मेन मेन टॉपिक्स कराऊंगी जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे हाइड्रोजन uh, हो गया ये ये लास्ट में करेंगे तो पहले प्रायोरिटी वाले मेन मेन टॉपिक्स में आपको करा दूंगी ठीक है एक और छोटी सी चीज कर लेते हैं क्वेश्चन करना चाहोगे तो क्वेश्चन कर लो मैं बताती हूं ये नहीं है नहीं रुको एक क्वेश्चन देती हूँ जेई मेन का करिए बच्चे टाइम लीजिए ये है जेई मेन 2020 का सवाल 2022 का सवाल सॉरी जेई मेन 2022 का सवाल करके दिखाइए वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी में भी आप इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं बट टाइम लीजिए और क्वेश्चन को करके दिखाइए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टाइम लीजिए और क्वेश्चन को करके दिखाइए मुझे एक मिनट दीजिए आई विल बी बैक आप करके दिखाइए हाँ जी बच्चे I answer, I answer आया आंसर आया आंसर आया फो फो परसेंट आ रहा है वेरी गुड जिनका आंसर फोर आ रहा है दैट इज हंड्रेड परसेंट ओके जिनका आंसर फोर आ रहा है दैट इज हंड्रेड परसेंट ओके चलिए करके देखते हैं डू दिस क्वेश्चन लेट्स डू दिस क्वेश्चन क्या है कह एक imaginary ion consider एक करिए। है X, उस पे three negative charge हमें दे रखा है एटॉमिक नंबर ट्वेंटी टू दे रखा है मास नंबर फोर्टी एट दे रखा है कह रहे जो न्यूक्लियस है इट कंटेन ए परसेंट मोर न्यूट्रॉन्स देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन कह है इस आयन में, एक बात बताइए मैम प्रोटोन बाइस क्या सही बात है अगर मैं पूछू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बाईस तो इलेक्ट्रॉन होंगे मगर ये थ्री नेगेटिव की वजह से तीन और यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने हो जाएंगे पच्चीस और एक बात बताओ अगर मैं यहां से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पूछूं तो कितने हैं फोर्टी एट अगर मैं केवल प्रोटॉन्स पूछूं तो कितने हैं ट्वेंटी टू यानी कि अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे ये छे और ये दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं छब्बीस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पच्चीस ठीक है 25, वो कह रहा है द न्यूक्लियस कंटेन ए परसेंट मोर न्यूट्रॉन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चे व्हाट इज द एक्स्ट्रा परसेंटेज न्यूट्रॉन परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स कितने हैं छब्बीस प्रोटॉन कितने हैं पच्चीस और क्योंकि मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो नीचे मैं किससे डिवाइड करूंगी किससे मुझे डिवाइड करना है जल्दी से बताइए तो ये मैं किससे डिवाइड कर दूंगी सीधा पच्चीस से ठीक है ना और वो ए परसेंट है यानी कि वन बाई ट्वेंटी हंड्रेड से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा ए तो की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में आ जाएगी फोर क्या सही है ए की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में फोर गया आप खुद सोचो ये क्या क्वेश्चन था ये जेई मेन दो हजार बाईस का सवाल है जो इन्होंने आपसे पूछा क्या ये इतना टफ सवाल था कि भाई नहीं कर सकते हैं बच्चे तो मेरे ख्याल से सवाल तो आसान था बट ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन यही मेन में भी तो मैं एक मिनट मार्क कर लेती हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन हमने कर लिया मतलब मैंने ना सारे लिख रखे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन की इस टॉपिक के बाद ये पढ़ाऊंगी ये वाले क्वेश्चन कराऊंगी इस तरीके से डन तो यहाँ तक हम काफी सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट कर चुके हैं आगे कंटिन्यू करते हैं कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था आठ नौ दस हो गया था ग्यारह हो गया था बारवा टॉपिक आसान टॉपिक है ठीक है, है? टॉपिक बच्चे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो फॉर्म होता है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव कितना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हो एक मिनट चेक कर लेती हूँ टाइम क्या हो गया टाइम हो गया लगभग लगभग अः थ्री थर्टी सेवन मतलब मुझे पढ़ाते हुए लगभग डेढ़ घंटा हो चुका है तो अब ये मत सोचना कि डेढ़ घंटे में मैम आपने तो तीन चार ही टॉप तीन ही टॉपिक्स मार्क कराए हैं तो क्या मतलब इतना कम हुआ है अब देखो मैंने आपका पूरा बेस जब लास्ट लास्ट फ्राइडे मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो पहले मुझे एक डेढ़ घंटा आपका बेस एकदम स्ट्रांग करने में लगा था एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो गया ना उसके बाद बस मैंने उस बेस पे इमारतें बनानी है छोटी 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 बिल्डिंग्स बनानी है दैट्स इट तो बेस अपना बहुत स्ट्रॉग हो चुका है अब धीरे धीरे करके ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आते जा रहे हैं इनको करते जाएंगे चार-चार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं इसको कीप कर देते हैं अच्छा किसी ने याद भी नहीं दिलाया फाइल पिछली क्लास में तो तुम सब लोग याद दिला रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाउंस बैक टू डॉट सेव अरे इस बार याद दिला देना नहीं तो पता चले बीच में लाइट गई ना मेरी सारी ये वेस्ट हो जाएंगी अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे लिखनी है यहाँ पर इसका नाम है ईएम वेव ईएम वेव और ये इमेजेस हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चीज दिखाती हूँ कोई भी एक ई वेव ये खुलेगा तो मैं बताती हूँ हमारा टॉपिक है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जिफ है चलेगी देखते हैं चल जाओ ये देखो देखो यहाँ पे मस्त अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब घबराने की जरूरत नहीं है जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेती हूँ लाइट रोशनी ये जो रोशनी आ रही है ये लाइट एक ई एम वेव का टाइप है मतलब इट इज अ टाइप इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब यहां पर आपको दो ऐसे फील्ड नजर आ रही हैं एक ब्लू कलर की फील्ड नजर आ रही है एक रेड कलर की फील्ड नजर, नजर आ रही है और दोनों ही अपने आप में वेव की तरह नजर आ रही हैं इनको बोलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड

एक्चुअल मैटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा मगर इस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है यानी कि ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड भी भी है oscillating magnetic field भी है मैग्नेटिक इस तरीके की वेव को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव क्या ये बात सबको समझ आई इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और बताती हूँ बच्चे देखो ये जो इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट है और मैग्नेटिक कंपोनेंट है क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे आगे देखो देखो ये इसने तीन एक्सिस दे रखी हैं एक एक्स एक्सिस दे रखा है एक जेड एक्सिस एक 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 आपकी मर्जी आप कोई भी एक्सिस को एक्स वाई जी कंसीडर कर सकते हो आपका फोकस केवल ब्लू कंपोनेंट पे होना चाहिए केवल ब्लू कंपोनेंट पे फोकस करो ध्यान से देखना ये ब्लू कंपोनेंट ये ब्लू कंपोनेंट कौन सी दिशा में वाइब्रेट कर रहा है सबको नजर आ रहा है ऐसे y एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है दिख रहा है ब्लू कंपोनेंट y एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है डन अब आपकी नजर केवल ए, ये लाल वाले कंपोनेंट पे होनी चाहिए लाल वाला कॉम्पोनेट एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है नजर आ रहा है एक्सिस में यानी कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं और अब आप ध्यान से लाल और ब्लू फील्ड को टुगेदर देखो क्या आपको इतनी ऐसे अंदर से फील आ रही है कि मैम ऐसे लग रहा है वेव बाहर की साइड आ रही है वेव जो है वो एक्स एक्सिस की साइड मूव कर रही है यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर एक्स एक्सिस की साइड पे हो रहा है तो बच्चे इस तरीके की वेव को हम क्या कहते हैं वी कॉल सच वेव एज इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट भी होता है एंड मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट भी होता है एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम आर फर्दर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पी आर ओ पी ए जी ए टी आई वन प्रपोगेशन का मतलब है जिस दिशा में मतलब वेव चल रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब जिस दिशा में वेव चल रही है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर है एंड बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई ठीक है अब ई एम वेव बहुत सारी प्रकार की होती है आपको मैं एक निमोनिक बता देती हूँ है ना हैंश एसवी शॉर्टकट ये निमोनिक अगर आप याद रख सकते हैं पांच छह बार बोलने से याद हो जाएगा निमोनिक याद रख लीजिए आगे बहुत हेल्प करेगा ये होता है सी जी एक्स यू वी आई एम आर चार पांच बार बोलिए सी जी एक्स यू वी आई एम आर सी जी एक्स यू वी आई एम आर सी जी एक्स यू वी आई एम आर कॉस्मिक रे गामा रेस एक्स रेस यूवी रेस विजिबल रेस या विजिबल वेव्स इंफ्रा रेड वेव्स माइक्रोवेवस रेडियो वेव्स ये जितनी भी मैंने यहां पर वेव्स लिखी ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इन सारी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव को दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ये कभी भी कहीं पर भी चल सकती है वैक्यूम में भी चल सकती है जितनी भी हमारी होती हैं, दे विद स्पीड ऑफ लाइट, वो light, light सी स्पीड से मूव तो करती है क्या ये कौ? क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई आगे देखिए बच्चे ये इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अब ये वेव हैं तो हर वेव wave की वेवलेंथ अलग होगी हर वेव की फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो अगर मैंने इन सारी वेव्स को एक फिक्स पैटर्न में अरेंज कर दिया फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जितनी भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन थी मैंने इनको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग अब देखो इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में मैंने इनको अरेंज कर दिया तो यहाँ पर होता है सी जी एक्स यू वी आई एम आर पांच छह बार बोलिएगा अपने आप याद हो जाएगा ये याद रखनी जरूरी है निमोनिक सी का मतलब है कॉस्मिक वेव्स जी का मतलब है है गामा वेव्स एक्स एक्स का मतलब रेज यू का मतलब है यूवी रेस वी का मतलब है विजिबल रेस विजिबल को फर्दर में डिवाइड कर सकती हूँ वी आई बी जी वाई ओ आर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड का मतलब है इंफ्रा रेड माइक्रोवेव्स, एम का मतलब है रेडियो ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है इसकी वेवलेंथ मिनिमम है आगे जाते जाते आर रेडियो जो होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाती है और वेवलेंथ क्या हो जाती है मैक्सिमम आपको याद है सेम चीज रेड की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है और वाइलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है और इस अरेंजमेंट को जब हमने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रो एम एन टी इलेक्ट्रो मैग्नेटिकोन एस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बारह पॉइंट था हैशैग टॉपिक नंबर थर्टीन किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो पूछिए एनी वन हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क आपकी एनसीआरटी में ना इन्होंने पूरा डेटा दे रखा है कि कॉस्मिक की फ्रीक्वेंसी कितनी उस बच्चे को पागल बना रही हूँ तो मैं इतना सारा आपको रटने को नहीं कहती मगर हाँ मैं आपको ये जरूर कहती हूँ ये जो विजिबल है ना विजिबल इसका डेटा आपको पता होना चाहिए विजिबल लगभग चार सौ नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर तक आप कंसीडर कर सकते हैं मतलब 380 से लेके 780 नैनोमीटर तक विजिबल रेंज होता है मेन में पूछा गया सवाल है प्लीज याद रखिएगा विजिबल याद रख लो मेरा काम हो जाएगा इससे ज्यादा आपको मैं याद रखने को नहीं बोलूंगी बट विजिबल याद रखना जरूरी है ठीक है नो no ब्रेक अभी ब्रेक थोड़ी देर बाद लेते हैं दो ढाई घंटे तो पढ़ो उसके बाद ब्रेक लेंगे ठीक है दो ढाई घंटे पढ़ो उसके बाद ब्रेक लेने की बारी आएगी अभी नहीं अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया यार अब तो क्वेश्चन बनेंगे अब धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ठीक है अभी ब्रेक नहीं अभी तो मतलब पढ़ो थोड़ा सा डन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक सारा क्लियर हो चुका है एक खुशी की बात यहाँ पर जाहिर कर देती हूँ खुशी की बात यह है कि हमारे चार सेक्शन इस चैप्टर के चार सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अब धीरे धीरे करके सारे सेक्शंस बहुत ही जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे घबराना मत बेस बन चुका है अब फटाफट फटाफट हम एक एक करके सारे सेक्शन करेंगे वेलकम टू अ न्यू टॉपिक अच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टॉपिक जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थियोरी टॉपिक नंबर दस हो गया ग्यारह कितने हो गए तेरह फोर्टींथ टॉपिक हैश टैग वन फोर लिखिए पी एल ए एन सी के प्लैंक्स क्वांटम थियोरी अब छोटे छोटे अब देखो मैंने पूरा बेस बना दिया अब मैं छोटे 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 टॉपिक्स बताती जाऊंगी ठीक है मजा आ गया हाँ अब मैं छोटे 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 टॉपिक्स बताती जाऊंगी एक एक करके टॉपिक्स करते जाना मार्क करते जाएंगे कि चलो ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से बच्चे एक एटम है एक एटम ये एटम एनर्जी को एमिट भी कर सकता है मतलब एटम से एनर्जी निकल सकती है या फिर ये एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है मतलब एटम या तो एनर्जी को रिलीज करेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जब कभी एक एटम एनर्जी को रिलीज करता है या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इट डज सो ओनली एंड ओनली इन स्मॉल पैकेट डिस्क्रीट डी आई एस सी आर ई टी डिस्क्रीट क्वांटिटी क्यू यू एंड टी आई टी वाई यानी कि स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आइटम जो है वो एनर्जी को एमिट भी कर सकता है या फिर एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर सकता है जिन बच्चों ने मेरे साथ आरंभ बैच में पढ़ाई करी थी कोई मुझे बताएगा क्या एग्जाम्पल हमने दिया था व्हाट इज स्पेक्ट्रम बच्चे ये जो अरेंजमेंट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अरेंजमेंट इसी को ही हम नया नाम देते हैं स्पेक्ट्रम ठीक है इसी को ही नया नाम देते हैं स्पेक्ट्रम ठीक है सब सब करेंगे बच्चे आइसोटोप आईसो बार सब करेंगे एक एक करके मैं आगे बढ़ती हूँ आईसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सब करवाऊंगी घबराइएगा मत एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे बस चिंता मत करो मैं करा देती हूँ तुम्हें ठीक है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम किसी को याद है 750 780 मैंने एक रैंडम नंबर दिया है लगभग आप ऐसे याद रखो तीन सौ तीन सौ अस्सी से लेके सात सौ अस्सी तक की जो रेंज होती है वो विजिबल रेंज की होती है ठीक है तीन सौ अस्सी से सात सौ अस्सी तक की जो रेंज है वो फिजिक आ, क्या कहते हैं विजिबल की रेंज है अब ध्यान से देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ बच्चे मान लो, मान लो लो है ना मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से एक पर्टिकुलर पॉइंट बी तक मुझे एनर्जी का ट्रांसफर करना था एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मुझे एनर्जी का ट्रांसफर करना था अब मैंने क्या किया या तो ना मतलब मेरे को ना पानी पानी ट्रांसफर करना है पानी ठीक है या फिर मेरे को चीनी ट्रांसफर करनी है पानी वुड बी अ बेटर एग्जांपल चीनी मान लो कुछ भी मान लो आपने ना ट्रांसफर करना है पानी be मान है, लेते हैं तो मेरे पास दो तरीके हैं पानी को ट्रांसफर करने के लिए पहले मैंने क्या किया एक पाइप लगा दिया जब मैंने ए और बी के बीच में पाइप लगाया और पानी को ट्रांसफर करा तो, तो यार कोई भी अमाउंट में पानी का ट्रांसफर कर सकते हो ना

तीन ग्लास चार्लास पाँच ग्लास ऐसे भर के रख दिए और ग्लास को मेरे को पूरा ही भरना है या तो मेरा ग्लास खाली होना चाहिए या पूरा भरना पूरा भरा हुआ चाहिए ऐसे आधा ग्लास पौना ग्लास आधे से ज्यादा ग्लास ऐसे कोई भी रैंडम नहीं भर सकती हो तो देखो यहां से मैंने पानी को एक पूरे ग्लास को ट्रांसफर किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे दूसरे स्मॉल पैकेट आप पानी का पैकेट मान लो या पानी का ग्लास मान लो इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पैकेट कहने का मतलब जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होना है एक एटम जब भी एनर्जी रिलीज करेगा या जब भी एनर्जी करेगा वो किसी रैंडम अमाउंट में नहीं कर सकता इट विल डू सो ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी और ये जो छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं क्वांटम और क्वांटम का ही प्लूरल क्या होता है क्वांटा क्वांटम का प्लूरल क्या होता है क्वांटा यानी कि सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा क्वांटम क्या यह बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई अब ध्यान से देखिए बच्चे किसी भी क्वांटम की एनर्जी जो होती है ध्यान से सुनिएगा एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि भैया उस कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेव आपने ली है द एनर्जी ऑफ द क्वांटम भाई जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो सबसे छोटा पैकेट एनर्जी का क्या कहलाएगा क्वांटम और उस क्वांटम की एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी समझ गए और अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है द एनर्जी ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि क्वांटम विल बी इक्वल टू एच इंटू न्यू ये जो एच है ये एक नया कॉन्स्टेंट है जिसको हम के नाम से जानते हैं जिसकी वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेसूदी पार माइनस का ध्यान रखना है टू जूल अब आप बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होती है आपने एक टर्म पढ़ा होता है मैम फोटोन क्या होता है मैम अब ये फोटोन कहां से होता है आपने तो क्वांटम पढ़ाया मेरी बात ध्यान से सुनिए लाइट होती है ना लाइट हमने बड़ी सारी वेव्स डिस्कस करी मगर जो लाइट होती है लाइट का जो सबसे छोटा पैकेट होता है जिसको हम क्वांटम बोलते हैं उसका घर का नाम उसके घर का नाम मतलब उसका एक दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं फोटोन लाइट के क्वांटम का दूसरा नाम होता है फोटोन जैसे कोई एक बच्चा है ठीक है उसका नाम है रमेश स्कूल का नाम है रमेश मगर उसके घर में उसको सब क्या बुलाते हैं रामू तो ऐसे ही लाइट का जो स्कूल का लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है पैकेट ऑफ एनर्जी उसका नाम है क्वांटम मगर उसके घर का नाम क्या है फोटोन तो लाइट के ही क्वांटम को दूसरा नाम दिया जाता है फोटोन क्या ये बात सही है समझ आ गया अब मेरी बात सुनो बच्चे कोई भी एक पर्टिकुलर एटम वो या तो वन एच न्यू यानी कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है या दो पैकेट एनर्जी के ट्रांसफर कर सकता है या थ्री कर सकता है या फोर कर सकता है या एक हजार पैकेट कर सकता है या एक लाख पैकेट ऑफ एनर्जी के ट्रांसफर कर सकता है मगर कभी भी कोई एटम हाफ एच न्यू एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता कोई पैकेट कभी भी थ्री पॉइंट फाइव एच न्यू साढ़े तीन एनर्जी के पैकेट ट्रांसफर नहीं कर सकता एनर्जी so कितनी ट्रांसफर होगी कैन बी न्यू जहां पर एन की वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है मगर कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए इसी फॉर्मूला का दूसरा हमने प्रकार लिख लिया एन इंटू एच इंटू सी बाय लैमडा क्योंकि आपको पता है सी इज इक्वल टू न्यू क्या ये सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ दिस इज क्लियर टू एवरी वन याद है लास्ट जब मोल कॉन्सेप्ट में वन शॉट लिया था तो मैंने कहा था कि बच्चे छोटी छोटी एनर्जी मतलब छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए हम अपनी नई नई यूनिट्स निकालते हैं याद है ऐसे ही आपको एक बात बता अगर मुझे एक सिंगल क्वांटम की एनर्जी को मेजर करना है एक छोटे से क्वांटम या एक छोटे से फोटोन की एनर्जी को अगर मुझे मेजर करना है तो मेरे पास एक नई यूनिट होती है मैं जूल्स में ना एनर्जी मेजर करके एक नई यूनिट्स में एनर्जी मेजर करती हूँ जिसको बोलते हैं ईवी ईवी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ध्यान से देखिए वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे रटना नहीं है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्टू दीपा माइनस और वोल्ट को वन वोल्ट लिख दो वन कूलम इंटू वन वोल्ट क्या हो जाता है जूल तो आपको यहां से समझ आ गया वन ईवी की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू दीपा माइनस नाइनटीन जूल ये एक ऐसा रिलेशन है जो जिस अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो आप जेई मेन के पेपर में मार जरूर खाते हो कहीं ना कहीं मतलब आपको जरूर दिक्कत होती है अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता होता समझ गए

ये सबको अच्छे से समझ आ गया ये एन क्या है एन अरे 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 एक मिनट ये एन क्या है ये एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर द नंबर ऑफ क्वांटा क्यू यू a क्वांटा क्या होता है प्लूरल होता है कि कितने फोटॉन्स का ट्रांसफर हुआ तो यहां से चलो एक काम करते हैं दो अच्छी चीजें हम करते हैं अच्छी चीज नंबर वन दो अच्छी बातें करते हैं ठीक है अच्छी बात नंबर वन कि हमारा इस टॉपिक का मतलब इस चैप्टर का पांचवा हिस्सा भी कंप्लीट हो गया एक दो तीन चार पांच हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे ठीक है एक एक करके क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए ये पहला अभी नहीं होगा ये क्वेश्चन करके दिखाइए क्वेश्चन करके दिखाइए आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है मुझे बताओ कितना टफ क्वेश्चन है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या इतना टफ है कि नहीं हो पाएगा या हो जाएगा करिए पहले करिए 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 टाइम लीजिए क्वेश्चन को करिए <tiny> फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप जिनको नहीं पता याद रखिएगा सी इज इक्वल टू न्यू लैमडा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बी आ रहा है हाँ वन टू फोर जीरो बाय लैमडा से भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हो वो अभी सिखाया नहीं है तो वो भी सिखा देती हूँ उससे भी कर सकते हो अदरवाइज जो अभी फॉर्मूला सिखाया उससे भी आराम से हो जाएगा आंसर बी आ है। आ है। आ रहा 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 है है सी जिनका बी है बच्चे गलत है जिनका सी आ रहा है एकदम सही है क्वेश्चन करते हैं कह रहे कितना होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस्टू टू पर ट्वेंटी थ्री फोटो ऑफ ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ वेवलेंथ नैनोमीटर नैनोमीटर कितनी दे रखी है 300 कह रहे है, एनर्जी निकालो क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है आपको पता है एन e कितना है सिक्स पॉइंट जीरो की वैल्यू कितनी है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स कितनी दे है उसने की बजाय दे रखी है इसने तो हम भी वही लिख लेते हैं जो उसने दे रखी जूल सेकेंड ठीक है और सी की वैल्यू कितनी है थ्री इंटू टेन रेस्टू पावर रेट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी दे रखी है थ्री हंड्रेड नाइनोमीटर तो थ्री हंड्रेड इन टेन रेस टू दी पार माइनस नाइन मीटर जब सब कुछ आपने ऐसा SI है तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी किसमें आ जाएगी ध्यान से देखिएगा वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी वैल्यू आएगी जूल में अच्छा एक बात बताओ ये एवोगेड्रो नंबर की यूनिट होती है दिस पर मोल तो जो आपकी वैल्यू आएगी देखो ये मीटर से मीटर गया सेकेंड इन वर्स सेकेंड गया तो जो आंसर आएगा वो झूल पर मोल में आएगा उसको मुझे थाउजेंड से डिवाइड करना अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं हुई इसका शॉर्टकट भी सिखाती हुई इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी बट आपको एक बात बताऊ ये क्वेश्चन था जे मेन दो हजार बाईस का पिछले साल का क्वेश्चन जुलाई अटेम्प्ट का क्वेश्चन मुझे बताओ कितने सस्ते लेवल का क्वेश्चन ये पूछते हैं जेई मेन में फिर भी बच्चे नहीं कर पाते तो मतलब अब इसमें क्या ही करें मतलब जिस लेवल का कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है ना उससे कई गुना हल्के लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा केवल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अब बच्चों को ये फोटोन ये क्वांटम ये छोटी छोटी चीजें ही नहीं पता होती है और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन ही नहीं बनते तो इससे अच्छा है कि भाई अच्छे से पढ़ो मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ कोई ऐसा जेई मेन या जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें इस वन शॉट के बाद ना सॉल्व हो हर चीज कर पाओगे बस घबराना नहीं है ठीक है हो गया यहाँ तक तो यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं एक और चीज बताती हूँ बच्चे देखो अभी अभी आपने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना एक मिनट कहाँ गया हमारा दस हो गया ये ग्यारह फोर्टीन हो गए थे ना मेरे ख्याल से फोर्टीन फिफ्टीन पॉइंट देखिए

ये आंसर आएगा जूल में अगर उसने आंसर दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो भाई साहब तुम्हारी और बैंड बजेगी फिर जूल को तुम ईवी में कन्वर्ट करोगे तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय आपको मैं दो बताती बड़े आराम से उन को हर जगह यूज कर सकते हो अगर आपको एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली ईवी में एनर्जी निकालनी है आपको क्या करना है आपको एक नंबर याद रखना है वन टू फोर जीरो

फोटॉन के लिए दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन जिसकी वेवलेंथ है लैमडा नैनोमीटर या एनर्जी ऑफ वन फोटोन जिसकी वेवलेंथ है लैमडा एंगस्ट्रॉम तो आपने क्या करना है वन टू फोर जीरो डिवाइडेड बाय जो भी वेवलेंथ दे रखी थी उससे आपने डिवाइड कर लेना वो ईवी में आ गया जूल में निकालना है तो वन पॉइंट सिक्स इंटू से मल्टीप्लाई कर देना हो गया आंसर डन है तो आपकी ये जो इतनी लंबी कैलकुलेशन थी और उसके बाद इस कैलकुलेशन को ईवी में कन्वर्ट करने का झंझट था वो सब वहीं पे ठप हो जाता है क्या याद रखना है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकालते हैं डिवाइडेड डिवाइडेड इन इन नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई हैप्पी हो यहाँ तक चीजें सबको समझ आई डन चलिए अब एक नया टॉपिक करते हैं देखो अब मैंने कहा था ना अब टॉपिक्स बहुत आसान है एक टॉपिक कराऊंगी उसका क्वेश्चन करूंगी टॉपिक कराऊंगी क्वेश्चन कराएंगे बस अब आसान हो गया क्योंकि बेस क्लियर हो चुका है, है।, है। टॉपिक नंबर इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था मैं तो रस्ते पे जा रहा था भेलपूरी खा रखा खा रहा था एक मिनट देख लेती हूँ कोई और क्वेश्चन बन सकता है अभी डी नहीं किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन बनेगा एन एल एम एन अभी रुक जाओ अभी ये कर लो फिर क्वेश्चन और बन जाएंगे दो बन जाएंगे ध्यान से देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बड़े ध्यान से इस चीज को समझ समझेंगे बहुत ही आसान है बच्चे मान लो ठीक है मेरे पास एक मेटल की प्लेट है क्या है मेरे पास एक मेटल की प्लेट ले ली मैंने ठीक है मेटल क्या होते हैं मेटल वो होते हैं है ना जिनके पास टेंडेंसी होती है कि भैया ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं अब लॉजिक समझना अब तुम्हें फोटोन क्वांटम सब चीजें पता है तो ध्यान से लॉजिक को समझना देखो मेटल मेटल की प्लेट में मेटल ने अपने अंदर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक देर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स बड़े सारे हैं मैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे मैंने किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ के देख लिया मैंने कहा यार तुम्हारा फोकस केवल एक इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए ध्यान से देखो मैं चाहती हूं कि मेटल अपने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो मेटल कहेगा मैं क्यों निकालूं भैया ठीक है मतलब मेरे अंदर से मेरा इलेक्ट्रॉन निकलवाओगे तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना मैं क्यों निकालूं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन खुद से तो नहीं निकलेगा एनर्जी तो देनी पड़ती है मैंने क्या किया मैंने इस मेटल की प्लेट पे कुछ एनर्जी डाली एनर्जी का मतलब मैंने कुछ वेव डाली मैंने कुछ फोटॉन्स डाले जिन सब की वेवलेंथ मान लो कितनी है एच इन सबकी की वेवलेंथ कितनी है एच मैंने इस मेटल की प्लेट पे कितनी एनर्जी डाली क्या आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू एच इन टू न्यू या फिर इसको मैं एच सी बाय लैमडा भी लिख सकती हूँ सही बात है एच सी बाय इतनी एनर्जी मैंने मेटल की प्लेट पे डाली अब जस्ट इमेजिन एक सिचुएशन लो ये जो मेटल की प्लेट है वो मेटल की प्लेट ना होकर के तुम्हारा बेड है ठीक है और और ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है है वो ना तुम तुम हो ठीक सुबह, सुबह सात बज गई तुम्हारी मम्मी ने आवाज मारी उठ जा तुम नहीं उठे साढ़े सात बज गई तुम्हारी मम्मी ने कहा अब उठ जा नहीं तो पंखा बंद कर दूंगी वार्निंग दी तुम नहीं उठे ठीक है फिर मम्मी ने आकर पंखा बंद कर दिया तुम तभी भी कुंभकर्ण की सर, तरह सो रहे हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है फिर पापा ने आवाज मारी उठ जा तुम नहीं उठे और फिर मम्मी पापा ने रूम में क्या करी एंट्री चप्पल उतारी पापा ने या मम्मी ने ठीक है जोर से चप्पल देके तुम्हें मारी जोर से चप्पल देके तुम्हें मारी तो भैया एक बात बताओ क्या होता है क्या होता है ना तुम अपने बेड से उठते भी हो एंड एट द सेम टाइम इतनी तेज स्पीड से अपनी स्टडी टेबल पर जाते हो कोई भी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक लेते हो चाहे उल्टी पकड़ी हो चाहे सीधी हो, और पढ़ने बैठ जाते हो सही बात है ना सही बात है मानते हो अब मेरी बात सुनो और कई बच्चों के घर में क्या होता है ना मम्मी आवाजें मार रही है तो वो नहीं उठते हैं बट जैसे ही पापा ने आवाज मारी वो उठकर बैठ जाते हैं पढ़ने नहीं जाते बट जैसे ही पापा ने चप्पल मारी तो वो उठ के बैठते भी हैं और एट द सेम टाइम पढ़ने भी जाते हैं पूरी सिचुएशन कोरिलेट हो गई अब ध्यान से देखना ये मेटल ये मेटल का इलेक्ट्रॉन तुमने मेटल पे एनर्जी डाली भाई साहब इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा उठा ही नहीं तुमने और एनर्जी डाली उसको अभी तक झूल नहीं रहे उसके सिर्फ उसको पता ही नहीं चला और एनर्जी डाली कुछ नहीं हुआ फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी तुमने डाली जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट नॉकआउट हो गया कि बस उठ के मेटल के सरफेस पे बैठ गया तो कम से कम आपको उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ती है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से नॉकआउट हो जाए उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं डब्ल्यू नॉट उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेस होल्ड एनर्जी थ्रेस होल्ड एनर्जी इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं वर्क फंक्शन कि कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ती है तब जाके इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस से निकलता है और ये जो वर्क फंक्शन है ये जो एनर्जी है इसकी वैल्यू होती है एच इंटू न्यू नॉट यानी कि एच इंटू सी बायदा नॉट आगे देखिए आपने एच न्यू एनर्जी दी और उसको रिक्वायर्ड कितनी थी नॉकआउट होने के लिए एच न्यू नॉट पापा ने आवाज मारी उठ जा उतनी ही तुम्हें रिक्वायर्ड थी उठ जा, उतनी एनर्जी थी मेटल पे पड़ी जिसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी एच न्यू नॉट तो जो बची हुई एनर्जी थी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकला अब ये बड़ी तेजी स्पीड से मूव करेगा विद इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो कहलाएगी उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक की वजह से निकला इसीलिए इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आई दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है मैम वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ परचेजिंग अन अकेडमी इफ़ वी कैन गेट फुल कंटेंट ऑन यूट्यूब बच्चे देखो डिफरेंसेस है मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ मैंने लास्ट ईयर भी बाउंस uh, बैक पढ़ाया था मैं इस साल बाउंस बैक दोबारा पढ़ा रही हूँ मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि जब मैं प्लस पे पढ़ाती हूँ तो मैं कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगी और यूट्यूब पे जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ ये तो फ्री वाले बच्चे हैं इन्होंने कौन सा मुझे पैसे दिए कि मैं कम पढ़ाऊँ देखो ऐसा किसी टीचर का एटीट्यूड नहीं है कम से कम एटम्स के टीचर का तो ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है ठीक है पर्सनली बात करूं मैं कोई दिन ये नहीं सोचती कि मैं स्पेशल पे प्लस पे या यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ पढ़ाती जितना भी जिस टाइम पे भी पढ़ाऊंगी ना बहुत तसल्ली से पढ़ाऊंगी मगर जब आप प्लस पे आते हो देखो ये करने के बावजूद लास्ट ईयर भी कई कई लाख व्यूज है एक वीडियो पे तो क्या इतने लाख बच्चों का जेई में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ना इस साल भी कई लाख बच्चे इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो क्या सबका सिलेक्शन होगा नहीं होगा एज अ टीचर मैं हर बच्चे को इक्वल पढ़ा रही हूँ बट हर बच्चा इसी चीज को इक्वली ग्रेस्प नहीं करता जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको नहीं क्लियर हुआ अगर आप उसको लेट गो कर देते हो कि अरे ठीक है नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं तो देखो वहां पर आप पीछे हो जाओगे

यही प्लस की क्लास में आते हो बच्चे कम होते हैं और रेगुलर बच्चे होते हैं वही बच्चे हर रोज होते हैं तो मुझे उन बच्चों का लेवल पता है मुझे पता है कि नहीं इस बच्चे को एक टॉपिक एक बार में नहीं पता होता मुझे तीसरी बार पढ़ाना है चौथी बार पढ़ाना है तो मेरे पास प्लस पे ना टाइम होता है टाइम की लिमिटेशन नहीं है मेरी मर्जी में एक दिन में डेढ़ घंटे की क्लास लूँ तीन घंटे की क्लास लूँ चार घंटे की क्लास लूँ मेरे को टॉपिक कवर करना है और मैं बहुत तसली से करती हूँ यहाँ पर क्या होता है ना जैसे मैंने देखो मुझे वन शॉट लेना है अब वन शॉट में मेरे पास भी लिमिट है ना यूट्यूब पे मैं छः सात घंटे पढ़ा दूँ दैट सेट इससे ज्यादा तो बच्चा भी नहीं टिक सकता आठ घंटे नौ घंटे पढ़ा दूँ बस ना अब आप मानोगे जब मैंने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्लस की क्लास में अभी हमारा चल रहा है लास्ट एक महीने से स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रही हूँ वहां पर क्या होता है ना यहाँ मैंने एक क्वेश्चन कराया भाई तुम्हें एक आइडिया लग गया ये बता दिया सब क्वेश्चन करा लिया बट जब मैं प्लस की क्लास में होती हूँ ना एक ही टॉपिक के मैं पाँच छः क्वेश्चन कराती हूँ जब तक मेरा हर बच्चा सही आंसर नहीं दे देता ठीक है तो ये डिफरेंस होता है प्लस पर आने का वर्सेस आप वन शॉट अटेंड करो कंटेंट में कमी नहीं आएगी यहाँ पर भी उतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगी वहां पर भी उतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगी बट वहां पर मेरे पास टाइम नहीं होता वहां पे मेरे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है भाई मुझे पता है मेरे बच्चों को पढ़ाना है उनके डाउट्स लेने हैं क्वेश्चन सोल्व करने हैं दैट्स इट और टाइप की कोई बातें वहां पर नहीं होती तो ये डिफरेंसेज है डाउट्स बच्चे पूछते हैं तो इन चीजों के लिए मैं कहती हूँ भाई अगर मतलब बहुत ही फोकस करके पढ़ाई करनी है तो भले थोड़े से पैसे खर्च हो रहे हैं मगर इस बात का तो ये है ना कि भाई हंड्रेड परसेंट पढ़ाई होनी है यूट्यूब पर तो तुम आते हो मन कर रहा है अटेंड करते हो नहीं कर रहा नहीं करते हो ना कोई टेस्ट ना कुछ तो ये सारी चीजें प्लस पे आपको मिल जाती है दैट इज वाई वी से इफ यू कैन कम ऑन प्लस इट इज गुड अदरवाइज सब कुछ कॉन्टेंट तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही है करने वाले बनो यूट्यूब से भी बच्चों का क्लियर हो जाता है बट जहाँ टीचर की हेल्प चाहिए होती है हर बच्चा नहीं क्लियर कर सकता ना बच्चों को टीचर्स की हेल्प चाहिए होती है तो अगर आप ऐसे हो कि टीचर की हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली कंसीडर करो नहीं तो यूट्यूब पे है यार मतलब ये भ्रम है कि यूट्यूब से क्लियर नहीं होता फ्री की पढ़ाई से कोई दिन जेई सिलेक्शन नहीं होता ये सब भ्रम है करने वाले बनो सब हो जाएगा डन सबको समझ आ गया तो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ फॉर्मूले आ गए देखो एच ये देखो इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं पहला है इंसिडेंट एनर्जी आई एनसीआई इंसिडेंट एनर्जी माइनस डब्ल्यू नॉट इसको हम क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन तो जितनी एनर्जी आपने दी अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो द रिमेनिंग एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू द मैक्सिमम का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इसी को लिखने के तरीके एच इन टू न्यू माइनस एच इन टू न्यू नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम का एनर्जी और इस न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि कम से कम आपको कितनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी तब जाके फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या फिर एच इन टू सी बाई लामडा माइनस एच इंटू सी बायडा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मुला है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर यहां पर भी लिख दूंगी। Half into M into क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई डन है एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए सो कॉन्फिडेंस आए और मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए वन सेकेंड एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं ये डीजेनरेट फोर्थ क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आज की क्लास का ये पहला हो गया दूसरा करा दिया ये थर्ड हो गया ये फोर्थ चलिए ये क्वेश्चन करिए बताइए मुझे क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपसे निकल जाएगा या कोई प्रॉब्लम है टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टाइम लीजिए आंसर करके बताइए बच्चे ई बाई एम और क्यू बाई एम में कोई फर्क नहीं है ई e मैंने लिखा मतलब चार्ज को मैं क्यू m से ही रिप्रेजेंट करूंगी बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रही हूं तो चार्ज इज इक्वल टू ई तो हम उसको ई e m बोल देते हैं ठीक है अदरवाइज जनरल टर्म है क्यू m करिए 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 सी <coughs> आंसर आ रहा है वेरी गुड मैं चेक कर लेती हूं देखिए फोटॉन्स कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं इनके पास कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब ये हम एक इलेक्ट्रॉन को निकलवाना चाह रहे हैं थ प्लैटिनम मेटल और गिवन क्या है कह रहे थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेटिनम कह रहे कि भैया इसको प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए 1.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू दीपा फिफ्टीन सेकेंड इनवर्स बच्चे सेकेंड इनवर्स को हम हर्ट्स भी बोलते हैं है ना और एच की वैल्यू दे रखी है मैंने कहा अरे भैया कम से कम आपको कितनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी इज़ e तो, तो इलेक्ट्रॉन तो से निकलेगा। इससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो एच कितना है सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्टू दी पार माइनस थर्टी फोर जोल से न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस्टू दी पार्टी सेकेंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स सेकंड इनवर्स काटिए जब आप सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा एट पॉइंट फाइव एट इंटू टेन माइनस नाइनटीन सी इज द करेक्ट आंसर मुझे बताओ किस लेवल का सवाल था कि तुमसे ना हो पाए ये जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस इज अ क्वेश्चन जो जेई मेन में पूछा गया अगर ऐसे चिंदी चाप लेवल के सवाल आते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते जेई क्यों बच्चे बोलते हैं कि YouTube से नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब ये है कि जितना भी डिफरेंस आएगा एनर्जी uh, में वो सब की सब उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इसीलिए एनर्जी गेन कर सकता है ना दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन द टू एनर्जी समझ गए हद से हद इतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर सकता यहाँ तक भी सबको अच्छे से क्लियर हो गई हैं चीजें आई होप ये क्लियर है अगले टॉपिक के टू वर्ड्स प्रोसीड करते हैं अगले टॉपिक के टू वर्ड्स अभी ये नहीं किया रुकिए। अगले टॉपिक के टू वर्ड्स जो है हम प्रोसीड कर रहे हैं टॉपिक नंबर फिफ्टीन हो गया था मेरे ख्याल से सिक्सटीन भी हो गया था 17. बच्चे एक टॉपिक होता है जो आजकल मेन में बहुत पूछा जा रहा है इसका नाम होता है इंटेंसिटी आई एन टी ई एन एस आई टी वाई जैसे आपने देखा है वो फोन की हम ब्राइटनेस कभी ज्यादा करते हैं कभी कम करते हैं या मान लो कभी तुम शादियों पे जाते हो है ना और एकदम एकदम बड़ा सा तुम्हें बल्ब दिखाई देता है या बल्ब, कुछ बल्ब होते हैं एक छोटा बल्ब है ठीक है जिसमें से कम रोशनी निकल रही है एक उतने ही साइज का बल्ब है जिसमें से बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही है होता है ना हम कहते हैं अरे बड़ा इंटेंस है मतलब बहुत तेज, बहुत पढ़ेंगे जितना मेन एडवांस में केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है इंटेंसिटी को बच्चे हम केमिस्ट्री में आई से रिप्रेजेंट करेंगे इंटेंसिटी का मतलब है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन कि कितनी एनर्जी निकल रही है भाई जो रेडिएशन है उसकी कितनी एनर्जी निकल रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया एक एग्जांपल देती हूँ आपको ध्यान से देखिए मेरे पास ना दो बल्ब है ठीक है दोनों सेम साइज के बल्ब है दोनों सेम साइज के बल्ब है एक बल्ब हम बोलते हैं डिम लाइट है डिम लाइट मतलब ये देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस मान लो दस दस वेव्स निकल रही हैं या आप कह दो दस जूल एनर्जी निकल रही है और यहाँ पर देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस कुछ ऐसे निकल रहा है अब मैंने क्या किया मैंने ना टाइमर ऑन किया ये थोड़ा ब्राइट है या इंटेंस है मैंने कहा टाइम रख लो एक सेकेंड एक सेकेंड में और एरिया मैंने मार्क कर लिया मैंने कहा देखो ये वन यूनिट एरिया इतना ही यहाँ पर भी वन यूनिट एरिया मार्क कर लिया मैंने कहा वन यूनिट एरिया में यहाँ कितनी एनर्जी निकल रही है तो तीन निकल रही है यहाँ कितनी निकल रही है केवल निकल रही है तो सबको समझ आ गया ये ये ज्यादा इंटेंस इंटेंस है ये कम इंटेंस है कम तो कितनी रेडिएशन निकल रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया इसको बोलते हैं इंटेंसिटी इसको क्या बोलते हैं इंटेंसिटी एनर्जी कितनी निकल रही है क्या फॉर्मूला होगा एच इंटू न्यू इंटू एन भाई कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं एन इंटू एच इंटू न्यू कितने टाइम में निकल रहे हैं टी कितना सरफेस एरिया से निकल रहे हैं ए ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अब अब मेरी बात ध्यान से सुनना अगर मैंने लिया एक बल्ब जो डिम है कम इंटेंस है एक बल्ब जो ब्राइट है जो ज्यादा इंटेंस है आप मानते हो दोनों बल्ब में से फ्रीक्वेंसी की तो सेम वेव निकल रही है दोनों वेव्स जो निकल रही हैं बल्ब का अगर मटेरियल सेम है दोनों टंगस्टन के बल्ब हैं दोनों मर्क्यूरी के बल्ब है दोनों हीलियम के बल्ब है मगर तो हरेक की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी ना इंटेंसिटी भले डिफरेंट हो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी रेडिएशन निकल रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया मगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है समझ गए अब आपके सामने मैं जेई मेन 2020 का सवाल कराती हूँ ध्यान से इस चीज को समझिएगा उस सवाल को कराने से पहले मैं कुछ ग्राफ्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं #टॉपिक नंबर 18 ध्यान से सुनिएगा बच्चे मान लो आपको मैं ग्राफ कहूं कि आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सॉर्बड फोटोन बच्चे तीन ग्राफ हैं ये तीनों ग्राफ में आपको डिस्कस कराऊंगी जेई मेन 2020 और जेई मेन 2021 में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे गए थे ब्रेक 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 अभी मिनट मिनट में में लेते हैं, 15 में लेते हैं हैं एक जेई मेन का ये टॉपिक कंप्लीट कर लो फिर मिनट में लेते हैं ब्रेक ठीक है बस पांच सात मिनट और पढ़ लो फिर ब्रेक ले लेंगे हैप्पी मैं ही नहीं थकती यार मतलब मैं कब से पढ़ा रही हूँ बिना रुके मतलब मेरा ही गला नहीं थका अभी और तुम कह रहे हो ब्रेक 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 अब यार ये जो बाउंस बैक सीरीज स्टार्ट करिए ना इससे एक चीज सीखो कि जो बैठने की कंसिस्टेंसी है ना कि कितनी ड्यूरेशन तक आप बैठ सकते हो सिटिंग कैपेसिटी कि मैम हम तो दो घंटे में ही थक जाते हैं हम तो तीन घंटे में ही थक जाते हैं ये ऐसा चैप्टर नहीं है जो बहुत टफ हो भाई अगर बहुत टफ चैप्टर हो ना तो बच्चे का दिमाग चलना बंद हो जाता है ये आसान चैप्टर है बचपन वाली चीजें तुम कर रहे हो कोई भारी भरकम चीज नहीं कर रही और इतनी जल्दी थकना नहीं चाहिए मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग को ऐसे वो करो कि हाँ और ग्रेस कर अभी नहीं थका है तो पेपर में तुम तीन घंटे नहीं बैठ सकते तो कैसे बैठोगे अभी तुम तीन घंटे कंटिन्यूसली बैठ रहे तो पेपर में जेई के पेपर में तीन घंटे कैसे पेपर हो जाएगा ना हो पाएगा भाई तुमसे ना हो पाएगा जिन बच्चों को ये हैबिट होती है ना कि बस हो गया जितना हो गया बस क्यों सेटिस्फाई होना है जितना हो गया बस क्यों अभी और अच्छा और अचीव नहीं करना तो ये चीजें सीखनी है ये, ये चीजें पूरी लाइफ काम आएंगी तुम्हारा ऑफिस में है ना तुम्हारे जो सीनियर है या जो जो भी तुम्हारा लीडर है उसने कहा कि ये मुझे प्रोजेक्ट करके दो और तुम गिव अप कर दो नहीं मुझे तो ढाई घंटे में ही करना है इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा तो भैया कभी तुम्हारा वो जो अप्रेजल है ना वो नहीं होता कभी उतनी अच्छी सैलरी नहीं कर सकते थोड़ा मेहनत करोगे तब चीजें होंगी और ये जो ये जो जेई का तुमने ठान लिया ना कि मुझे जेई क्लियर करना है तो ये ऐसे हर एक का बस की बात नहीं है आठ नौ लाख बच्चे अगर पेपर देंगे ना तो उसमें से पंद्रह हजार बच्चों का ही आईआईटी में सिलेक्शन होगा बाकी बस एनआईटी जाएंगे और जो वो भी ठीक है और जो कुछ भी नहीं करेंगे वो सीधा प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे जॉब नहीं लगती है प्राइवेट कॉलेज से मैं तुम्हें बता दूं बहुत फाइट है यार आजकल जॉब लेने के लिए और तुम सोचो हमें करोड़ों की जॉब चाहिए और मेहनत तुम करो ना रत्ती भर तो नहीं हो पाता तो मेहनत करनी शुरू कर दो बाकी रही बात ब्रेक की मैं दे दूंगी ध्यान से सुनिए तीन ग्राफ कराऊंगी तीनों के तीनों ग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है चलो दो ग्राफ सीखो पहले ये अठारह और ये नाइनटीन यहां पर मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और यहां पर मैंने लिखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी और यहां पर लिखा काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो बच्चे मान लो कोई भी मेटल का सरफेस है उसको कम से कम कम से कम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी दोगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उससे कम पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा तो मान लो आपने जो इंसिडेंट फोटोन दिया उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से भी कम है तो भैया इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट ही नहीं होगा सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट ही नहीं होगा तो किस प्रकार की काइनेटिक एनर्जी मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे छोटे भाई को कहा जा उठाया उसको है ना, ना वो सोया पड़ा है तुम्हारा छोटा भाई आके कह रहा है भैया उठ जाओ फिर तेज बोल रहा है भैया उठ जाओ फिर कान में आके बोल रहा है भैया उठ जाओ चूनी मार रहा है तुम्हें भैया उठ जाओ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि तुम्हें उठने के लिए कम से कम तुम्हारे पापा की आवाज आनी जरूरी है तो अगर जब तुम उठोगे ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी तो किस बात की समझ रहे हो तो शुरू शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो 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 जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट तुम्हें मिली तब भी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी जीरो है मगर आगे ये पता ना आ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है न्यू न्यू माइनस नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सही है तो जैसे जैसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या ये ग्राफ सबको क्लियर हुआ ये ग्राफ है बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सॉर्ब फोटॉन पॉइंट नंबर टू मान लो मैंने इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी ली कि एक छोटा बल्ब एक बड़ा बल्ब मतलब इंटेंस बल्ब एक बहुत डिम एक थोड़ा सा अच्छा एक और अच्छा एक और अच्छा एक और अच्छा एक और अच्छा और अब मैं कह रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ ग्राफ प्लॉट करें बच्चे एक बात बताओ इंटेंसिटी कम लूं या ज्यादा लूं उससे क्या फर्क पड़ता है जबकि कम इंटेंस लो या ज्यादा इंटेंस लो न्यू की वैल्यू तो सेम रहेगी अगर न्यू की वैल्यू सेम है तो एच न्यू की वैल्यू भी सेम होगी और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए तो एच न्यू नॉट ही चाहिए तो चाहे कम इंटेंस बल्ब ले लो या ज्यादा इंटेंस बल्ब ले लो काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा कॉन्स्टेंट ही रहेगा क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई क्या ये बात अच्छे से सबको क्लियर हुई कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए एनी प्रॉब्लम मी नो कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं डन एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे एक question करके दिखाइए आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मुझे भी बढ़िया लगेगा hmm, कौन सा क्वेश्चन दें जेई मेन 2019 का सवाल है ठीक है यह सवाल है जेई मेन 2019 ये कर लो उसके बाद अगर चाहते हो तो ब्रेक ले लेना कोई टेंशन नहीं है जेई मेन 2019 का सवाल है बच्चे सवाल मैं बोर्ड पर ही लिख देती हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स विच आर शोन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट ठीक है डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन विच इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस यानी कि इनमें से कौन सा ग्राफ गलत है मैं चार ग्राफ बना रही हूं ग्राफ नंबर वन यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पर दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई एन टी एन एस आई टी वाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्राफ नंबर बी है ग्राफ कुछ इस प्रकार से दे रखा है पॉइंट ऑप्शन नंबर सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दे रखा है सी और एक अगला ग्राफ बना देती हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नीचे दे रखा है एनर्जी ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट एबीसीडी में से आंसर दीजिए क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का समय लीजिए आंसर दीजिए क्वेश्चन है जेई मेन 2019 समय लीजिए आंसर दीजिए क्वेश्चन ये है which of the following graph does not represent the correct relationship between the incident light which of the following graph does not represent the correct relationship between the incident light and the electron which is ejected from the metal surface which of the following does not represent the correct photoelectric effect which is incorrect about the photoelectric effect Deekhye. जेई मेन 2019 का सवाल है आंसर करिए टाइम लीजिए आंसर करिए हमें कोई टेंशन नहीं है हमें जल्दी आगे नहीं बढ़ना एक और क्वेश्चन भी करेंगे आई आंसर सी देखना कह रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ये न्यू नॉट जब तक न्यू नॉट नहीं हुई इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट हुआ न्यू नॉट हो गई इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया अब new knot, new आपने बढ़ाते गए देखो बढ़ाने से number of पे कोई फर्क नहीं पड़ता तब चेंज होगी हो तो ए तो करेक्ट है इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी सही बना रखा है कह रहे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भैया ये क्या जब तक न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी नहीं आई तब तक तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही नहीं उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए तो C incorrect है। ये कह है एनर्जी एनर्जी बस यही वाला ग्राफ गलत है तो आई आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा सी इज द करेक्ट आंसर आ गया सी इज द करेक्ट आंसर कोई टेंशन तो नहीं है ठीक है जेई मेन का सवाल एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे एक और क्वेश्चन करके दिखाओ ठीक है ये जेई मेन 2014 का है जेई मेन बच्चे 2020 21 22 वाले सवाल तो मैं आपको करा रही हूँ थोड़े पुराने जो अच्छे सवाल है वो भी करा रही हूं ध्यान से देखो आपको बताना है देखो इफ लैमडा नॉट एंड लैमडा दे रिप्रेजेंट फ्रेश होल्ड वेवलेंथ

सोच समझ के बताइएगा वेलोसिटी निकालनी है पहला है अंडर रूट टू एच डिवाइडेड बाय एम और है एक मिनट मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ इसको क्वेश्चन तो देखने पड़ेंगे मुझे टू एच बाई एम अंडर रूट ऑफ लैमडा नॉट माइनस लैमडा बाय लैमडा इंटू लैमडा नॉट ये फर्स्ट ऑप्शन है दूसरा है अंडर रूट टू इंटू एच इंटू सी डिवाइडेड बाई एम लैमडा नॉट माइनस लैमडा बाय लैमडा इंटू लैमडा नॉट ऑप्शन नंबर सी है अंडर रूट टू एच बाय फिर है लैमडा नॉट माइनस लैमडा बाय लैमडा इंटू लैमडा नॉट और ऑप्शन नंबर डी है अंडर रूट टू एच बाय एम वन बाय लैमडा नॉट माइनस वन बाय लैमडा टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन समय लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर कर लेता है उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बी किया कैलकुलेट किया आ गया बी आंसर आ रहा है सबका आ रहा है क्या बात है देखना ये जेई मेन 2014 का सवाल है क्या मैं लिख दू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कितना होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर So, h इंटू सी बाई लैमडा माइनस एच इंटू सी बाई लैमडा नॉट कितना हो गया हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर मुझे velocity है. मैंने h और c को कॉमन ले लिया वन बाई लैमडा माइनस वन बाय लैमडा नॉट टू को ऊपर ले गई m को नीचे ले आई अंडर रूट कर दिया ये v आ गया यानी कि अंडर रूट टू इंटू एच इंटू सी बाय एम ये कितना आ जाएगा लैमडा इंटू लैमडा नॉट लैमडा नॉट माइनस लैमडा चेक कर लो सी वाला एक ही ऑप्शन है यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर बी फॉर आई आई टी बॉम्बे आ गया जेई मेन दो हजार चौदह का सवाल अब मैं ऐसे सवाल मैंने अपने स्लाइड्स में नहीं डाले बिकॉज मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है जो स्लाइड में सवाल डाले वो एकदम यूनिक और डिफरेंट सवाल है बट स्टिल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी करा रही हूँ जेई मेन 2014 का करा 2019 का किया फिर 2022 वाला भी अभी किया था तो अब कॉन्फिडेंस आ गया कि हो जाएगा कॉन्फिडेंस आ गया कि हो जाएगा हैप्पी हो अब बच्चे मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो एंड नाउ आफ्टर यू नो ब्रेक आई वांट टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक थियोरी वो अपने आप में एक घंटा हमारा टॉपिक कंज्यूम करेगा मतलब एक सवा घंटा बोर्स एटॉमिक थियोरी में ही लगेगा बट उससे पहले एक छोटा सा कनेक्टिंग टॉपिक है वो एनसीआरटी में कहीं नहीं दे रखा यार देखो रहा वाले कुछ नहीं देते हैं बहुत कम चीजें देते हैं तो मैं वो टॉपिक छुडवाना नहीं चाहती बहुत अच्छा टॉपिक है नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये बहुत आसान है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वेरी वेरी सिंपल टॉपिक ध्यान से देखना देखो एक काम करते हैं इसको की पहले यार तुम आज तुम मतलब वो हो हो यार तुम मुझे एक बार भी नहीं कह रहे हो कि मैम सेव कर लो बस यही प्यार यही मोहब्बत मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अभी लाइट गई नहीं सारे नोट्स गायब हो जाने हैं ऐसे मत करो मुझे याद दिला दिया करो मेरे को दूसरी बार भी खुद याद आया कि मैंने सेव करना है एटी नाइन स्लाइड पे हूं मैं <coughs> स्लाइड, सारी हैंड रिटन है तो मुझे याद दिला देना नहीं तो सब गायब हो जाएगा चलो मुझे क्या करना था आ, एक चीज तुम्हें दिखानी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जी कोई एक जी बनाते हैं ये देखो देखते हैं ये जिफ है या नहीं है कहा चल क्यों नहीं रही लिखा तो हुआ था एक मिनट ना ये वो भी तो कर सकते थे ना मोर करते हैं टूल्स करते हाँ टूल्स एक मिनट एक मिनट टूल्स में जाते हैं टाइप में जाओ, जी में जाओ जाओ बताती हूँ चलो मैं वैसे ही समझा देती हूँ क्यों नहीं आ रहा रिफ्रेश कर लेती हूँ एक मिनट एक मिनट अभी करके देखते हैं लिखा तो हुआ है भैया जी आई एफ है चलो कोई बात नहीं देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट ही दे देती हूँ मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ डब्बा इस तरीके से दिखाई देता है जाने क्या समझा रहे हो आप तो कोई बात नहीं बच्चे नहीं समझ आ रहा तो चले जाओ मैं कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रही थी जरा सा एक्सपेरिमेंट करो तुम दुखी हो जाते हो चले जाओ यार कोई मना नहीं ध्यान से देखो समझना मैंने एक ना ग्लास की ट्यूब रख ली सील्ड है इसके अंदर एक मेटल प्लेट लगा दी ठीक है वही मेटल प्लेट जो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं अब मैंने इस मेटल की प्लेट को ना एमीटर से कनेक्ट कर दिया फिजिक्स में जानते हो ना एमीटर क्या करता है एमीटर क्या करता है भाई करंट के फ्लो को या करंट को डिटरमिन करता है फिर मैंने इस प्लेट को बैटरी से भी जोड़ दिया बैटरी लगा दी और यहां पर मैंने बल्ब लगा दिया यहां पर एक और मेटल की प्लेट लगा दी कुछ इस तरीके का ग्राफ मतलब फिगर क्लियर हुई चलो ये जब जिफ आ ही नहीं रहा तो क्यों ना मैं अपने हाथों से ही बना के दिखा दू है ना ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इस चीज को समझना समझना है मैंने एक मेटल मैंने एक डब्बा लिया ठीक है यहां पर मैंने वो मेटल की प्लेट लगा दी इस मेटल की प्लेट को हमने एमीटर से जोड़ दिया फिर हमने एक बैटरी लगा दी यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया और यहाँ ऐसा सा कुछ लगा दिया ठीक है ये एक सिस्टम बना दिया मैंने क्या किया ध्यान से देखना मैंने क्या किया इसके एक फोटो इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना था तो मैंने इस पर एनर्जी डाली मैंने इस पर एनर्जी डाली अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकला ये नॉकआउट हुआ ध्यान से समझना ये नॉकआउट हुआ ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली ये क्या है ठीक है ना ये सामने वाला पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन इसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगा समझ रहे हो जब देखो इलेक्ट्रॉन निकला इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा अगर वायर के थ्रू तो करंट आएगा एमीटर में करंट आएगा बल्ब जलेगा इतना समझ आ गया करंट आएगा बल्ब जलेगा इतना समझ आ गया अब मैंने अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया मैंने कहा ये सब हटाओ ये सब हटा दो और मेरी इस बात को ध्यान से सुनो ये मेरा मेटल ये क्या है मेरा मेटल का प्लेट और इसके ऊपर मेरे पास एक फोटो इलेक्ट्रॉन है और इसको निकालने के लिए मैंने एच न्यू एनर्जी डाली इंसिडेंट एनर्जी डाली अब मैंने कहा मान लो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा था जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ये नेगेटिव है तो इसके सामने मैंने एक पॉजिटिव प्लेट चिपका दी मैंने इसके सामने एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया समझना पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया तो आप मानते हो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से इस पॉजिटिव पोटेंशियल के टूवर्ड्स मूव करेगा जल्दी से खींचेगा इसको मानते हो अब मैंने क्या किया इस प्लेट के ऊपर अपना जो पॉजिटिव मान लो पहले दस पॉजिटिव एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस पॉजिटिव थे इलेक्ट्रॉन फटाफट खींच रहा था मैंने धीरे धीरे पॉजिटिव को कम कर दिया दस से कितना कर दिया आट. अब ये इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से इस पॉजिटिव प्लेट के नहीं जाएगा फिर मैंने दो और पॉजिटिव कम, कम कर दिया और धीरे से जाएगा फिर मैंने बिल्कुल पॉजिटिव खत्म कर दिया मतलब अब इलेक्ट्रॉन बस जा है दैट्स से नहीं जाएगा मानते हो अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया इस पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल रखने की नेगेटिव लगाना शुरू कर दिया अब भैया ये इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है ये कहेगा कि अरे बाबा मेरे मैं हाथ जोड़ता हूं बट मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा क्यों क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट पर जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी मान रहे हो धीरे स्पीड से जाएगा मैंने नेगेटिव और बढ़ा दिया अब ये इलेक्ट्रॉन और स्लो स्पीड से चलेगा मैंने नेगेटिव और बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन और स्पीड से कम स्पीड से चलेगा बहुत ही कम स्पीड से अब इलेक्ट्रॉन इसके टूवर्ड्स मूव कर रहा है मैंने इस पर इतना नेगेटिव अप्लाई कर दिया कि अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता यानी कि अगर मैं फोटो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को स्टॉप करना चाहती हूँ। इफ आई वांट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो मुझे कम से कम कितना पोटेंशियल कितना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल द मिनिमम पोटेंशियल एट व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो कम से कम मुझे कितना नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल अब वही की वही कहानी मैं तो रस्ते पे जा रहा था भेलपुरी खा रहा था ध्यान से देखो क्या आप मान सकते हो टू स्टॉप अ फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक को अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं यानी कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर अब एक बात बताओ एक क्यू चार्ज के पार्टिकल को ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला इस पे चार्ज कितना है e या Q? एक Q चार्ज के पार्टिकल को अगर आप नॉट पोटेंशियल डिफरेंस से एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाना चाहते हो तो उस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्यू इन वी नॉट होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स फिजिक्स में पढ़ते हैं तो अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी

कि पिछले वाले से थोड़ा इंप्रूव्ड आपको पढ़ाए पिछले वाले में जो कुछ टॉपिक में नहीं डिस्कस कर पाई थी आ, पिछले वाले में मैंने आपके नाइनटीन 20 के क्वेश्चंस कराए थे इस बार मैं कोशिश कर रही हूं कि 22 वाले सारे क्वेश्चंस कराऊँ सो क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ डिफरेंट है आ, थोड़ा सा देखो ऑल्टरेशन तो हैं भाई जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये टॉपिक अब नहीं ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया ये नए टॉपिक्स हैं इन पर ज्यादा फोकस करना है तो उन टॉपिक्स पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ जो पिछले साल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे फोकस क्या था पिछले सालों के ट्रेंड को देख के अब अब जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करके बता रहे हैं बस यही कर सकते हैं ठीक है मैक्सिमम ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही है यह जी दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अरे अरे ये वही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी भी मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी है उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए यहां से आ जाएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल करोगे एक क्वेश्चन करोगे विल यू डू मी वन क्वेश्चन एंड देन यू विल गेट द ब्रेक जस्ट वन क्वेश्चन एंड यू गेट द ब्रेक लिखो वेन अ सर्टेन मैं लिखती हूं मुझे आंसर दो बहुत ही फास्ट आंसर देंगे वेन अ सर्टेन एक क्वेश्चन करके दिखाइए वेन अ सर्टेन सरफेस इज इल्यूमिनेटेड

द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई टू ये वैल्यू हमको गिवन है व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ बाई टू वेन द सेम सरफेस

कैलकुलेट द थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी चलिए टाइम लीजिए आंसर करके बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा टाइम लीजिए आंसर करके बताइए प्लीज टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर जेई मेन का सवाल है अ क्वेश्चन अ प्रीवियस ये मेन जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है समय लीजिए आंसर करिए लेट सी हाँ सेव पी डी एफ अभी कर लेते हैं बच्चे व्हाइट बैकग्राउंड में ना इतनी देर पढ़ने से ना वो हो जाता है मतलब लास्ट ईयर भी मैं करती थी बट आंखें एकदम ना थक जाती है मतलब चार पाँच घंटे के बाद ऐसे होता है कि बस और नहीं पढ़ा सकते तो मैं इसलिए इस बार बैक ब्लैक में पढ़ा रही हूँ तुम्हें भी अच्छा लगेगा भाई दस छः सात घंटे इतना कंटिन्यूसली स्क्रीन देखोगे वाइट में बहुत स्ट्रेन आता है आंखों में मतलब इसीलिए मैंने अपनी केमिस्ट्री की और मैं फिर कुछ लिख मतलब लिख के भी नहीं लाती है ना तो मुझे लिखना ही होता तो मुझे लगता है कि इतनी देर लिखना है इतनी देर बोर्ड को फेस करना है तो ब्लैक से ही करो आंसर करके बताओ आंसर करके बताओ ऑप्शन दे दू ऑप्शन है फोर एफ बाई थ्री थ्री एफ बाई टू फोर एफ बाई थ्री थ्री एफ बाई टू फाइव एफ बाई थ्री और डी है फोर एफ बाई टू आगे आंसर मैं करूं लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद ब्रेक ले लो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद यू कैन टेक अ ब्रेक नो वरीज आंसर आया थ्री एफ बाई टू वेरी गुड बी इज द करेक्ट आंसर नाइस करके देखते हैं कह रहे व्हेन अ सर्टेन सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ कह रहे एक सरफेस है इस पे एफ फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज माइनस वी बाय टू स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है माइनस वी नॉट बाई टू फिर आगे क्या कह रहा है कह रहे वेन द सेम सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड बाई द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ बाई टू अगर एफ बाई टू की लाइट डाली तो अब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो चुका है माइनस वी नॉट ये तो डेटा दे रखा है कह रहे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो मैंने कहा एक काम करो एच इन न्यू एच इन टू एफ माइनसेंसी को मतलब uh, बोल दू, H new, uh, बोल दू, तो भी चलेगा भाई थ्रेश होल्ड या जो वर्क फंक्शन है वो फाइव है दिस विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई टू ये इक्वेशन नंबर वन है अब मुझे क्या दे रखा है अगर मैंने एच इन टू एफ बाई टू डाला माइनस फाइव वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा दिस दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इज इक्वेशन नंबर क्या सही बात है इक्वेशन वन और इक्वेशन नंबर टू डन है अब क्या मैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जल्दी से बताओ हाउ शुड आई सॉल्व इट डन एक काम करूं एक काम करूं यहाँ से मैं ले लू एच इंटू एफ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वी नॉट डिड बाई टू प्लस फाइव और यहाँ से मैं ले लू एच इंटू एफ बाई टू विल बी इक्वल टू माइनस वी नॉट प्लस फाइव हो जाएगा ये ठीक है अब इसको इक्वेशन ए बोल दो इसको इक्वेशन बी बोल दो तो अगर आप ए और बी को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा एच एफ डिवाइडेड बाई एच इंटू एफ डिवाइडेड बाई टू तो टू ऊपर चला जाएगा माइनस वी नॉट बाई टू प्लस फाइव और नीचे क्या आ जाएगा माइनस वी नॉट प्लस फाइव ठीक है यहाँ से यहाँ गया ये यह टू से मल्टीप्लाई करो माइनस टू वी नॉट प्लस टू इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई टाइव एक काम करो फाइव को इधर ले टू माइनस वी नॉट बाई टू वी नॉट तो टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई कर दो फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर में से वन गया थ्री वी नॉट डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो ये कितना हो जाएगा एच इंटू मतलब जो न्यू था थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी एच इंटू न्यू ये जो न्यू नॉट था इसकी वैल्यू कितनी आ रही है थ्री इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई टू कितना आ गया थ्री इंटू एफ बाई टू आ गया आंसर थ्री इंटू एफ बाई टू डन कहां पे है बी इज द करेक्ट आंसर हो गया डन 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 समझ गए हाँ तो एच कहाँ गायब हो गया अरे एच कहीं गायब नहीं हुआ मैंने क्या किया ये इसको लिया था ना ये देखो ये इधर आ गया और ये थ्री वी नॉट बाई टू हमें दे रखा है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है समझ गए डन है हैपी? तो यहां तक हमारे काफी सारे क्वेश्चन जो हैं हमने complete है हमने कंप्लीट कर लिए हैं मैं एक बात बताती हूं आठ हमारे सब टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं हाउ मेनी सब टॉपिक्स वाह 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 आठ हो टॉपिक तो इसको मार्क करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक दो तीन चार पाँच ये छत ये ये आठ आठ कंप्लीट हो चुके हैं बाईस सब टॉपिक्स जो हैं बचे हैं एक मिनट बाईस सब टॉपिक्स में से भी एक मिनट में देख लेती हूँ वन सेकेंड नहीं 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 सॉरी नौ सब टॉपिक्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं नाइन कंप्लीटेड नाइन कंप्लीटेड अब जब हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे तो ब्रेक के बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद बोर्स एटॉमिक मॉडल सेव पीडीएफ अरे थैंक यू बच्चे ये सेव करते हैं फाइल सेव एज डेस्कटॉप सेव यस ये मेरे को याद दिलाते जाना सेव नहीं तो ये सौ पेज मैं लिख चुकी हूँ सारे बेकार चले जाएंगे फिर हैंड रिटन नोट्स में दोबारा नहीं लिख के दूंगी चलो तो अब हमारे ट्वेंटी वन जो टॉपिक्स हैं ये हमारे बचे हैं एक एक करके हम ये सारे ट्वेंटी वो कंप्लीट कर लेंगे घबराना मत अभी आपने देखा ना यहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लगा था बट यहाँ से यहाँ पहुंचने में जल्दी हो गया क्योंकि अब टॉपिक्स छोटे छोटे हैं बेस वैसे ही बन चुका है तो अगले ब्रेक के बाद हम करने मतलब इस ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं बोर्स अटोमिक मॉडल तो बोर्स अटोमिक मॉडल लगभग चार पांच सब टॉपिक्स हमारे कंप्लीट कर देगा ठीक है चलो So, अभी ब्रेक ले लो ठीक है अभी ब्रेक ले लो बेशक और ये क्यों लगाया मैंने ब्रेक लगा काउंट डाउन hmm. ब्रेक लगा देते कितने मिनट का लोगे बीस बाईस बाईस का ही रखते हैं हमारा स्टैंडर्ड है देखो ना हम पच्चीस देते हैं ना हम uh, बीस देते हैं बाईस मिनट का ब्रेक है आपके पास उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर क्वेश्चन ठीक है चलिए स्टार्ट

हां जी बच्चे सो वेलकम बैक टू द सेशन आ चुके हैं सब बच्चे कैन यू ऑल मी आ गए सब बच्चे आ गए बंद कर देते हैं टिक चलिए सो so करें वापस से स्टार्ट हेलो 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 जल्दी से बताइए आ गए सब लोग <coughs> डन है डन है यस आई थिंक मेरी आवाज भी आ रही है और सब बच्चे वापस भी आ चुके हैं सो so, बच्चे अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अपना पहला ब्रेक ले चुके हैं काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं जस्ट वन सेकेंड एक मिनट ओके okay. So, बच्चे स्टार्ट करते हैं वापस से रिज्यूम करते हैं हम अपना आज का सेशन आई थिंक हम नाइन सेक्शन चैप्टर के नौ सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे राइट right? एक बार लेट मी लेटमी क्रॉस चेक नाइन कंप्लीट हो गए थे ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दसवां सेक्शन जो कि बहुत ही प्यारा है बस मुझे याद दिला देना कि मुझे हर पंद्रह से बीस मिनट बाद अपने जो नोट्स से हैं उनको सेव करना है अदरवाइज मैं भूल जाऊंगी और कुछ लाइट वाइट चली गई तो भाई साहब ये सारे हैंड रिटर्न नोट्स हो जाएंगे बर्बाद तो मुझे ये याद दिला देना ठीक है स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया था नाइनटीन सब टॉपिक्स हमारे हो चुके थे स्टार्ट करते हैं अपने बीसवें सब टॉपिक से हैश डालिए टॉपिक नंबर ट्वेंटी और इसका नाम है बॉर्स एटॉमिक थियरी अब आप, आप एक घंटा निश्चिंत होकर बैठिए इस एक घंटे में आपके बहुत सारे टॉपिक सब टॉपिक्स भी और वो चैप्टर के सेक्शंस भी हम कम्प्लीट कर लेंगे और खूब सारे जेई मेन और जेई एडवांस के पी क्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे तो घबराइएगा मत अगले एक घंटे हम लोग करने वाले हैं बोर्स अटोमिक थ्योरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें से भर भर के सवाल आते हैं चलिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इन बोर्स अटोमिक थियरी मेरे को इनकी ना प्रोनाशिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इनको बोहर बोहर पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं सो ठीक है मेरी प्रोनाशिएशन के लिए मुझे माफ़ करिएगा याद रखिए ये जो हमारी बोर्स एटॉमिक थियोरी है सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज खूब सारे इसके ऊपर ऐसे टिक मार्क कर लीजिए सो दैट आपको याद रहे बच्चे ये केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है यानी कि ये केवल केवल उन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो जैसे हाइड्रोजन हो गया ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है मगर अगर आपने हीलियम पे एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिया तो अब इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है ये ये जो थियोरी है ये लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है लिथियम प्लस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है मगर लिथियम टू प्लस के लिए एप्लीकेबल है तो क्या ये बात सब याद रखेंगे दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या ये बात सबको सही है ध्यान से देखिए बोर्ड ने क्या किया जो रदरफोर्ड ने बात बोली थी लिटरली वैसी ही बात बोली कहते एटम के जो सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है है ना इसको न्यूक्लियस बोलते हैं इसका पूरा का पूरा मास एटम का लगभग पूरा पूरा का मास न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर ही न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन्होंने क्या बोला कि द एटम हैज अ वेरी सेंट्रल मैसिव मास जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं ठीक है अब देखो रदरफोर्ड वर्सेस बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में मैं बताती रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ये हमारा न्यूक्लियस और इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है अब देखो रदरफोर्ड फेल क्यों हुआ रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा तो एक चार्ज स्पीशीज दूसरी चार्ज स्पीशीज के अगर फील्ड में मूव करेगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो धीरे 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 इसका सर्कुलर मोशन छोटा 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 होता जाएगा यानी कि एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही ना गिर जाए तो रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था तो इसीलिए इसको बोलते फेलियर ऑफ रदरफोर्स अटोमिक मॉडल बॉन्ड ने आपके थोड़ी सी स्पेसिफिक बात करी कहते ये बात ठीक है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है जो काफी भारी है वो स्टैटिक है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है ये बात भी ठीक है मगर इन्होंने एक नया वर्ड ऐड कर दिया कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना ये नॉन रेडिएटिंग आर ए डी आई ए टी आई एन जी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स में घूमता है यानी कि ये स्टेशनरी एस टी ए टी आई ओ एन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुई या नहीं कहते इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेशनरी यानी कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो ना तो वो इस ऑर्बिट के अंदर जा सकता है ना बाहर जा सकता है and आप उसके साथ कुछ छेड़खानी करो अंटिल आप उस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दो वो अपनी फिक्स एनर्जी में घूमता रहेगा क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई ठीक है ऐसा क्यों होता है हाँ अभी इसके बारे में सारी चीजें डिस्कशन करते हैं ये तो बोर्ड ने ऐसे पॉस्टूलेट दिए अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है या बॉर्ड ने इसके बारे में और क्या कहा देखो थर्ड पॉइंट के बारे में मैं बात करती हूँ ध्यान से देखना ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है बच्चे एक बात बताओ न्यूक्लियस के चारों तरफ मैं कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बना सकती हूँ इस न्यूक्लियस के मान लो ये न्यूक्लियस है या ये न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मैं कितने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बना सकती हूँ इन्फानाइट मेरा जितना मन करे मैं उतने बना सकती हूँ तो एक बात बताओ या अगर मान लो आपने ऑर्बिट भी कंसीडर किया कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मैं कितनी ऑर्बिट बना सकती हूँ तो मैं इंफानाइट ऑर्बिट बना सकती हूं मगर यहां पर बोर जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिन ऑर्बिट्स में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीगरल आई एन टी जी आर एल विल बी इंटीगरल मल्टीपल ऑफ एच कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिन ऑर्बिट्स में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच पाई एच बाई टू पाई ये इतना इंपॉर्टेंट है मगर बच्चे ये इस चीज को ऐसे मतलब नजरअंदाज करते हैं एज इफ ये इंपॉर्टेंट पॉस्टिट नहीं है बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के डायरेक्ट सवाल इससे बनते हैं देखो कहने का मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक दो तीन चार पांच ना जाने में कितनी ऑर्बिट बना सकती हूँ करोड़ों ऑर्बिट बना सकती हूं, हूं इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई तो ये लाइन मैंने तीन बार बोली है, सो ये लाइन आपको याद रहे बाकी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा केवल इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अब मैम एंगुलर मोमेंटम मतलब ध्यान से सुनो बच्चे अगर एक मास एम वी वेलोसिटी से लीनियर मोशन शो कर रहा है तो उसके पास एक एसोसिएटेड लीनियर मोमेंटम होता है फिजिक्स में पढ़कर आए हैं लीनियर मोमेंटम इसकी वैल्यू क्या होती है m इंटू पढ़ के आए हैं बचपन में नाइन्थ में पढ़ाया जाता है और अगर मान लो एक पार्टिकल m जिसका मास एक पार्टिकल जिसका मास एम है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है मगर वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में और सेंटर से उसका रेडियस है तो क्या डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ये वैसे फिजिक्स में वो वेक्टर क्वांटिटी में आपको पढ़ाया जाता है बट इतना हमें नहीं समझना हमें तो हम तो बोर ने हमें यह कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम मतलब एम इंटू वी इंटू आर दिस विल इक्वल टू एन इंटू एच बाई टू मतलब इट विल बी इंटीग्रल ऑफ़ पर N की वैल्यू या तो हो 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 सकती 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 है 3 हो सकती है 4 हो सकती है so. है क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आई क्या ये बात अच्छे से सबको समझ आई और बचपन में याद आप पढ़कर आए थे कि हमारे पास जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जहां पर एम वी आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी एनएच बाई टू पाई और एन की वैल्यू क्या क्या है वन टू थ्री फोर एन सो वन एंड पता है ये वन टू थ्री फोर वही वैल्यूज है जिनको बचपन में आप के शेल एल शेल एम शेल एन शेल एंड सो ऑन बोला करते थे क्या ये बात सबको याद आई क्या ये बात सबको अच्छे से याद आई ये है बोर्स एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉस्टुलेट जिसको आपको याद रखना है अभी मैं जेई मेन में इसका क्वेश्चन कराऊंगी पहले ये समझ लो ये क्लियर हो गया इस बात की क्लैरिटी इस बात का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबको हो गया अब देखो अगर मैं जेई मेन की बात करूं ना तो मैं आपको चार फॉर्मूला बता सकती हूँ और उन चारों फॉर्मूला को तुम रट लोगे ना तुम्हारा जेई मेन का बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएगा बस रटना है फॉर्मूला मगर क्योंकि मैं तुम्हें एडवांस की चीजें पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एडवांस के सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो इसीलिए बच्चे आई विल बी टीचिंग यू वन डेरिवेशन ये डेरिवेशन आपको मेन में कोई दिन पूछी नहीं जाएगी नीट में कोई दिन पूछी नहीं जाएगी तो जो बच्चे केवल मेन और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं आप डेरिवेशन को गोली मारो केवल फार्मूला भी अगर रट लोगे तो नंबर आ जाएंगे मगर अगर एडवांस की बात आई तो जिन बच्चों ने केवल फॉर्मूला रट रखा उनका एडवांस क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको सिखा रही हूं अपने दिल से, बाकी आप खुद से जज करो कि भाई आपको केवल मेन लेवल की पढ़ाई करनी है या एडवांस एडवांस अगर एड़्वान्स लेवल की करनी करनी है है तो ये डेरिवेशन आपको करनी जरूरी है। ध्यान से देखिए डेरिवेशन करते हैं और उसके बाद शॉर्टकट सब शॉर्टकट बताऊंगी घबराना मत देखो बच्चे मान लो ये हमारा क्या है न्यूक्लियस ये हमारा क्या है न्यूक्लियस डन

मान लो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बिल्कुल क्या मैं बोल दूं कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देर विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस सही बात है अब एक बात बताओ कभी तुमने देखा है कि मान लो मैंने एक धागा लिया धागे को एक पत्थर से बांध दिया ठीक है और धागे का एक पॉइंट मैंने पकड़ा और पत्थर वाला पॉइंट इधर है अगर मैं ऐसे जोर जोर से जोर जोर से धागे को घुमाऊं तो पत्थर उस सर्कुलर मोशन में चलता है याद है बट अगर मैंने अपने हाथ को घुमाने की स्पीड धीमी कर दी तो वो पत्थर ऐसे गोल 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 घूम ना ना घूम करके पहले तो छोटा 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 और फिर टेंजेंशियल गिर जाता है याद है याद है नहीं ये फिजिक्स में पढ़ाते हैं 9th में भी पढ़ा था 10th में भी पढ़ा है क्या मैं बोल दूं एक एक कोई भी पॉइंट को एक कोई भी मास m को सर्कुलर मोशन में चलने के लिए देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड याद है अब एक बात बताओ इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है तो कहीं ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही ना चला जाए बट ऐसा नहीं हो रहा क्यों क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है इट इज एक्चुअली बैलेंसिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड कि भैया इलेक्ट्रॉन उसी सर्कल में घूमता रहे तो इसके लिए मुझे उसको कुछ सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है एंड उसकी वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू द एट्रेक्टिव फोर्सेस ये चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाया था तभी तो रदरफोर्ड के टाइम पे हमने कहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा धीरे 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 वो उसके अंदर गिर जाएगा मगर बोर्ड ने कहा वो उसके अंदर नहीं गिरेगा क्यों क्योंकि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इट इज एक्चुअली बैलेंस्ड बाय द देंट्रिपिटल फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई अब देखो बच्चे अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे अट्रैक्टिव फोर्स कैसे निकाला था सिखाया था ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला था के Q1 वन इन क्यू टू डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम याद आया और यहाँ पर चार्ज का साइन नहीं लेते थे केवल मैग्निट्यूड लेते थे तो K को K रखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना E न्यूक्लियस पे चार्ज कितना Z इन और स्क्वायर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आर तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ठीक है अट्रैक्टिव फोर्सेस क्लियर हो गए अगर आपसे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर जो पार्टिकल जिसका मास एम है अगर वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आर डिस्टेंस से मूव कर रहा है आर इज द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कितना होता है एम वी स्क्र बाय आर क्या ये बात ठीक है अब क्योंकि बोर्ड ने हमें कहा कि इन दोनों को मुझे इक्वेट करना है तो क्या मैं लिख सकती हूं F एट्रैक्टिव इज इक्वल टू F सेंट्रिपिटल यानी कि के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय R के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अब बच्चे डेरिवेशन सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है मेन के लिए किसी काम की नहीं है डेरिवेशन मेन के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आप ऐसे चुटकी भर में कर लोगे मगर एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए ये आना चाहिए तो यहां से मैं क्या लिख इन टू जेड इंटू स्टर कट गया तो मेरे पास आ गया एम वी स्क्र की वैल्यू कितनी के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दू रटनी नहीं है क्या मैं इसको इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दू अभी थोड़ी देर पहले हमने बोर का एक पोस्टुलेट पढ़ा था क्या कहा था बोर के पोस्टुलेट ने कि nvr nh 2π ये याद है ग्रीन वाला अभी मैंने आपको पढ़ाया था बोर्स का पोस्टुलेट इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h 2π सही बात है एक काम करोगे मेरे लिए v की वैल्यू निकालोगे v की वैल्यू क्या हो जाएगी n into h by 2 into pi into m into r इसको इक्वेशन नंबर टू कह दो कैन आई कॉल इट इक्वेशन नंबर टू क्या आप इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर सकते हैं कैन यू पुट इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगा m v square का क्या फॉर्मूला m2 r2 इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी k z e2 डिवाइडेड बाय r2 सॉरी kz d2 डिवाइडेड बाय r दिस विल बी इक्वल टू kz d2 डिवाइडेड बाय r पहले चेक करके बताइए किसी को कोई दिक्कत है चेक करके बताइए कोई दिक्कत है मैं सब सब कुछ सॉल्व करके दिखा रही हूँ एडवांस के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है देखना r से मैंने r काट दिया n है h है 4 पाई स्क्वायर m तो मैं आर को राइट हैंड साइड पे ले जाती हूं ये M से एम M कट गया आर को राइट हैंड साइड पे ले जाओ क्या आएगा एन स्क्टूच e r डिवाइडेड ये फॉर्मूला निकल के आया आर का फॉर्मूला चेक करो कोई गलती तो नहीं करी मैंने एच स्क्न स्क्वायर क्या ये बात सही है क्या ये फॉर्मूला सही है मैम मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट लास्ट ईयर का अभी आईआईटी पटना में हूँ अच्छा लग रहा है आपको वैसे देखकर अरे नाइस nice. ठीक है हाँ बच्चे वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फिजिक्स वाले ज्यादा डिटेल में बोलते हैं भाई अंदर वाला बाहर वाला मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना ये डायरेक्शन फिजिक्स वाले मैंने कहा ना इस पूरे चैप्टर में ना शायद मैं उतने अच्छे टर्म्स उतनी अच्छी फिजिक्स आपको यूज ना करवा पा रही हूँ क्योंकि

आर रेडियस ऑफ एन एथ ऑर्बिट मैंने कहा मान लो एन एथ ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना इसका नाम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने एनएथ ऑर्बिट कर दिया इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी एन का स्क्वायर एच के स्क्वायर की वैल्यू फिक्स होती है मैंने साइड में लिखा फोर की वैल्यू फिक्स होती है पाई की वैल्यू फिक्स होती है एम की वैल्यू फिक्स होती है के की वैल्यू फिक्स होती है ई e स्क्वायर की वैल्यू फिक्स होती है एन स्क्वायर बाय जेड कर दो मतलब यार हर न्यूक्लियस के लिए जेड डिफरेंट है हर ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू डिफरेंट है बाकी सबकी तो वैल्यू सेम है अगर मैंने एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी फोर की ट्वेंटी टू बाई सेवन लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा के की वैल्यू रखी ई e की वैल्यू रखी तो ये सारी वैल्यूज तो मुझे बारी बारी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना सारी की सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है अब जो बच्चे जेई मेन और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो इवन एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा एडवांस वालों को डेरिवेशन आनी चाहिए मेन वालों के लिए डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है फॉर्मूला लिखिए रेडियस ऑफ एनएथ ऑर्बिट इज इक्वल टू जीरो एंगस्ट्रॉम यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट में घूम रहा है एन की वैल्यू वैल्यून टू थ्री फोर फाइव सिक्स करोड़ दो करोड़ कुछ भी हो सकती है Z is but और ये है जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन और ये जो रेडियस आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आना चाहिए हर बच्चे को फॉर्मूला हमारे पंजाबी में बोलते हैं मू जबानी याद होना चाहिए मतलब ऐसे मतलब बाय हार्ट होना चाहिए फिंगर टिप्स पे होना चाहिए रेडियस ऑफ एनथ एथ ऑर्बिट इज पॉइंट फाइव टू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम ये भी पता होना चाहिए एन का स्क्वायर ऊपर आएगा जेड नीचे आएगा दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मेन और एडवांस वाले बच्चों को याद रखनी कंपलसरी है ठीक है आगे देखिए जिस तरीके से हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला अब एक काम करते हैं हम वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं डेरिवेशन अगेन एडवांस के लिए ही इंपॉर्टेंट है मेन और नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सामने देखिए टॉपिक डालिए ठीक है, है ये तो चलो ये ठीक है ना ये सारा का सारा कर ही रहे थे बोर्स एटॉमिक थियोरी ट्वेंटी पॉइंट हो गया ये टॉपिक नंबर हैश टैग टॉपिक नंबर ट्वेंटी वन ये क्या कहलाता है रेडियस ऑफ एन एथ ऑर्बिट ये एनएथ ऑर्बिट का रेडियस है जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया आगे देखिए आप सब बच्चे जानते हैं कि बोर्ड ने कहा था एम वी आर इज इक्वल टू एन इन टू एच बाई इक्वेशन नंबर वन क्या मैं यहां से V की वैल्यू निकाल लू एन एच बाई टू पाई एम इन टू आर क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर टू कह दू कह दू क्या यहां R की वैल्यू निकालना R की वैल्यू क्या थी एन स्क्वेर इंटू एच स्क्वाइडेड बाई फोर पाई स्क्र एम के जेड ई स्क्वायर ये भी सब जानते हैं इक्वेशन नंबर थ्री फोर पाई स्क्तर ये जानते हो कैन यू पुट इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर थ्री सेकेंड को थर्ड में पुट कर सकते हैं क्या आप सेकेंड को थर्ड में पुट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं चलो मेरे साथ करके देखते हैं आर का फॉर्मूला क्या हो गया एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एक काम करो ना अरे 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 मैंने गलती कर दी मेरे को ना इसको पुट करना था कैन आई पुट इक्वेशन नंबर थ्री इन इक्वेशन नंबर टू मुझे थ्री को टू में पुट करना है वापस लिखते हैं वापस वापस लिखती हूँ मुझे थ्री को टू में पुट करना है ठीक है ना ये लिख लेना मुझे रेडियस को वेलोसिटी में पुट करना है तो आई विल राइट पुट इक्वेशन नंबर थ्री इन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री टू क्या है वी इज इक्वल टू एन एच का टूला लिखना एन स्क्र एच स्क्र बाई फोर पाई स्क्वा सही है ये पूरा पुट तो कर सकते हो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब जब सब कुछ सॉल्व वॉल्व करोगे ये रटना नहीं है जब सब कुछ सॉल्व करोगे एक फॉर्मूला निकल के आएगा फॉर्मूला है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एथ ऑर्बिट यह हैश टैग टॉपिक नंबर ट्वेंटी टू क्या है टॉपिक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएथ ऑर्बिट एनएथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की विलोसिटी इज इक्वल टू टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू दी पार सिक्स Z by n meters per second। जो बच्चे मेन और एडवांस की या नीट की तैयारी कर रहे हैं फॉर्मूला सब बच्चों को रटा होना कंपलसरी है। हर बच्चे को फॉर्मूला रटा होना कंपलसरी है ठीक है सेव पीडीएफ। थैंक यू सो मच बच्चे थैंक यू सो मच फाइल, सेव एज एक मिनट में सेव कर लेती हूँ नहीं तो पता चले गायब हो गया सारा पीडीएफ कर लेते हैं बच्चे वापस बोल रही डेरिवेशन उनके लिए है जो पे फोकस कर रहे हैं फॉर्मूला हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप मेन के स्टूडेंट हो या फिर एडवांस के स्टूडेंट हो फॉर्मूला तो आना ही आना चाहिए का रटा होना चाहिए रेडियस का फॉर्मूला रटा होना चाहिए एक और डेरिवेशन और अब जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं ना ये डेरिवेशन जेई एडवांस 2021 में जेई एडवांस 2022 में दोनों साल इस डेरिवेशन से फॉर्मूला पूछा गया है आई I मीन mean, इस डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक डालिए ट्वेंटी थर्ड हैश टैग ट्वेंटी थर्ड दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट किसी भी एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैसे निकालते हैं सामने देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कुड बी टेकन एज अ सम ऑफ उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी सही बात है इट विल बी इक्वल टू बई कभी भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्योंकि वो घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जरूरी है क्योंकि वो एक न्यूक्लियस के फील्ड में घूम रहा है यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी

ये ठीक है यानी कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन गया के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर ये किसकी एनर्जी है दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है डन दिस इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डन है आगे देखिए ये सब मॉडर्न फिजिक्स में वापस आएगा मतलब हाँ फिजिक्स में तो यार तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं बट बच्चे ना अब देखो इस बार जेई में क्वेश्चन आया था ये फिजिक्स वाले टीचर्स ने भी सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन ये हम केमिस्ट्री वालों ने भी भी किया था तो अब ज, जिस तरीके से आपको करना, करना है करना तो है ही फिजिक्स में समझ लो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में मेहनत करोगे तो फिजिक्स में भी आसान हो जाएगा वहां मेहनत करोगे तो यहाँ भी आसान हो जाएगा ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी सबको निकालनी आ गई एवरी वन अंडरस्टेंड हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू सही है के को के लिख दो क्यू वन और यहां पर चार्जेस को इंक्लूड करना है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है माइनस ऑफ ई तो लिखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना माइनस न्यूक्लियस e. पे चार्ज कितना जेड इंटू e. और डिस्टेंस कितना आर तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया माइनस के पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप क्लियर हो गया इन दोनों में रिलेशनशिप और देखो घबराओ मत टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दूं ये डेरिवेशन केवल एडवांस के लिए मेन में नीट में नहीं आएगी काइनेटिक एनर्जी क्या था के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर ये क्या है माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड आई मीन टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर डन है अब वापस से आप आर को सब्सटीट्यूट करें जो कि आप कर सकते हैं मैं आपको फाइनल फॉर्मूला बताती हूं द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एथ ऑर्बिट इज माइनस थर्टीन पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो एन एथ ऑर्बिट में घूम रहा है ये एनर्जी किस यूनिट में आई है ये एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के यूनिट में समझ गए और अगर मुझे इसको जूल्स की यूनिट में लिखना है तो आंसर आएगा माइनस ट्वेंटी बाय एन जूल पर एटम आपको जूल को ईवी में ईवी को जूल में कन्वर्ट करना आता है तो आपको दोनों याद रखनी हो आपकी मर्जी नहीं तो ये ऊपर वाली याद रखनी महा 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 इंपॉर्टेंट है ये दोनों याद रख सकते हो तो बढ़िया नहीं तो ऊपर वाली याद रख लेना नीचे वाली आप अपने आप से कैलकुलेट कर लेते हैं क्या ये बात क्या ये डेरिवेशन सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुई है ठीक है <coughs> बोर ही कर दिया आकांक्षा जोशी बच्चे मैं आपको एक बात बोलूं मैं लास्ट डेढ़ घंटे से देख रही हूं पूरी क्लास में एक आप ही हो जो बोर हो रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा जिसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैम इतना क्या समझाने की कोशिश कर रही है बच्चे यार ट्राई टू फाइंड आउट अ गुड टीचर फॉर यू आई एम एन एजुकेटर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू बट आई थिंक आई एम नॉट द राइट वन फॉर यू क्यों टाइम पास कर रहे हो बच्चे जब आपको पता है कि मैम गंदा समझा रही है तो प्लीज लीव द क्लास बाकी बच्चों को पढ़ने दो ठीक है ये ये जितनी कॉन्टेंट तुम्हें मैं यहाँ पे दे रही हूँ ना वैसे तुम शर्ट लगा लो अगर किसी टीचर ने इतना डिटेल तुम्हें कभी मतलब कराया भी हो क्लासेस में भी मतलब रेगुलर क्लास होती है ना रेगुलर जब हम हर महीने एक-एक चैप्टर बच्चे को कराते हैं तब भी कई टीचर्स को मैंने देखा है दे डायरेक्टली एंड अप राइटिंग द फॉर्मूला ऑन द बोर्ड कि बच्चे ये चार फार्मूला रट लो काम हो जाएगा ये डेरिवेशन मैं तुम्हें एक-एक के-के एक एक के एक डेरिवेशन करा रही हूं और बोल रही हूं ये मेन में कोई दिन नहीं आएंगी केवल एडवांस में आएगी फिर भी टाइम पास मार रहे हो कि नहीं समझ आ रहा बोर हो रहे हो डांस करूंगा यहाँ पे मैं जोक सुनाऊ क्या मेरे को बहुत सही है मतलब मेरा स्क्रीन प्रेजेंस पता है अच्छा भला चैनल है मेरा बहुत सही कर रहा है जिसमें बच्चे फनी वीडियोस देखते हैं तो ऐसा कुछ देखना हो ना उस चैनल पे चल जाओ यहाँ पे ना तो मैं डांस कर सकती हूँ ना अपने घर की सारी बातें शेयर कर सकती हूँ देखो आज हमने ये खाया आज ये किया बोर हो रहे हैं क्या मतलब है एडवांस लेवल की पढ़ाई कराओ तो लिख रहे हैं बोर हो रहे हैं मतलब अलग ही किस्म के इंसान हो

हमारी क्लास ऐसी ही चलती है एडवांस की क्लासेस ऐसी ही होती है मैं यहाँ पे गाने नहीं सुनाऊंगी कि भाई बच्चों को ना एडवांस लेवल की क्लास में ना गाने सुना दो ताकि बच्चों को भाई मजा आ रहा है नहीं हूं मैं ऐसी टीचर बड़े आए बोर हो रहे हैं बंदा खड़े होकर कंटिन्यूअसली तुम्हें पढ़ा रहा है क्या ही मतलब मैं बोलू चिल मारो समझ गए तो मैं वापिस अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ जो बच्चे जे मेन या केवल नीट लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं जिन चार फूला को मैंने डब्बे में लिखा है आपके लिए केवल यही चार फॉर्मूला रिक्वायर्ड है नॉट मोर देन दैट बट अगर आप एडवांस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो अगर आपको एडवांस के क्वेश्चंस बनाने हैं तो जिस तरीके से डेरिवेशन मैंने आपके सामने करी है आपको ये करनी आनी चाहिए रटनी नहीं है बट ये डेरिवेशन आनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि मैं कब कहां से क्या चीज सब्सिट्यूट कर रही हूँ ठीक है चलिए अब एक और काम करते हैं बच्चे टोटल एनर्जी को देखो पोटेंशियल एनर्जी को देखो काइनेटिक एनर्जी को देखो तो यहां से आपको एक और रिलेशन है जो डेफिनेटली याद रखना है वो ये कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टू ये जो रिलेशन है ना ये आपको एज सच जेई मेन के लिए याद रखना है कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है कोई ऐसा बच्चा जिसको ना क्लियर हुई हो तो प्लीज बताइए एनी वन अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी आगे देखिए एक और छोटी सी चीज बताती हूँ एक और बड़ी प्यारी सी चीज उसके बाद क्वेश्चन करते हैं बच्चे अगर मैं हाइड्रोजन एटम प्योर हाइड्रोजन को कंसीडर करती हूँ तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम अच्छा देखो ये जो रेडियस का फॉर्मूला सिखाया रेडियस में क्या था 0.529 फाइव टू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम तो पहला तो एंगस्ट्रॉम याद रखना है फिर याद रखना है एन स्क्वायर बाय जेड था वेलोसिटी क्या सिखाया था 2.18 पॉइंट वन एट इंटू मीटर पर सेकेंड एनर्जी क्या है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स पर एटम ये देखना तीनों फॉर्मूले लगभग देखने में बड़े सिम, सिमिलर लगते हैं तो कई बार क्या होता है ना आता फॉर्मूला बट फिर भी गलत हो जाता है बच्चों का क्यों क्योंकि याद ही नहीं रहता कहार बाय था 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 या by Z था। तो प्लीज मैं आपको वापस बोल रही हूँ ये चारों फॉर्मूला इतने इंपॉर्टेंट है आना ही आना है इससे सवाल किसी भी शिफ्ट में आए मगर आएगा जरूर तो प्लीज इसको याद रखना ऐसे नहीं कि वहां पे जाके कंफ्यूज हो गए अच्छा देखो बच्चे हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू है है हमेशा सही है. तो हाइड्रोजन के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बन गया माइनस अगर मैंने एन की वैल्यू वन रखी एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आएगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स ईवी पर एटम डन है डन है अगर मैंने एन की वैल्यू टू रखी तो एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर आंसर आता है माइनस 3.4 ईवी पर एटम नेक्स्ट आएगा माइनस 1.51 ईवी पर एटम नेक्स्ट आएगा माइनस 0.85 ईवी पर एटम ये चार वैल्यूज़ अगर आप डायरेक्टली याद रख सकते हो तो पेपर में बड़ा हेल्प हो जाएगा कंपल्शन नहीं है ये रटना

ठीक है कैसे याद रखें लिख कर देखना ऐसे वो तीन आज एक फॉर्मूला हाथ पे लिख लो कल एक लिख लेना परसों एक लिख लेना दिन में दस पंद्रह बार उसको देखोगे याद हो जाएगा कोई तुक्का बनाना चाहो कोई तुक्का बना लो हो जाएगा याद चलिए तो यहां तक मैं पहले आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर कर देती हूँ ठीक है कुछ अच्छी अच्छी बातें हम कर लेते हैं वन वन जीरो डिवाइडेड बाय ओके पहले तो कुछ अच्छी अच्छी बातें है ना कुछ खुशी बांट लेते हैं इतना करने के बाद हमें ये पता चला है कि हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वी आर लेफ्ट विद जस्ट अ फ्यू मोर सेक्शंस और फिर हमारा कितने रह गए अठारह और उन्नीस सेक्शन रह गए एंड देन हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अब जेई के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ठीक है ना जेई के कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कौन-कौन से क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे अभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं बनेगा रुकिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं बनेगा चलिए टाइम लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए रेडियस ऑफ एनएथ ऑर्बिट इस तरीके का सवाल है टेक योर टाइम ये जेई 2022 का सवाल है टाइम लीजिए अभी एडवांस का भी सिखाती हूं जेई 2022 का सवाल है टाइम लीजिए आंसर करिए टाइम लीजिए आंसर करिए प्लीज करिए करिए आ गया बी देखते हैं कह है इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आर थ्री आर थ्री इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू थ्री का स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड हाइड्रोजन इज वन ना, इसकी R3 है रिलेशन एक काम करो आर थ्री और डिवाइड करेंगे से 9 गया, 9 आ जाएगा, तो क्या मैं लिख दू आर फोर इज सिक्सटीन बाई नाइन टाइम आर थ्री आर फोर इज सिक्सटीन बाई नाइन टाइम्स आर थ्री क्या ये क्वेश्चन ऐसा था अरे मैम हमसे तो हो ही नहीं पाएगा ये क्वेश्चन जेई मेन 2022 का सवाल था लिटरली एक सस्ता सवाल जेई मेन 2022 का ए कैसे आ रहा है ए कैसे आ रहा है आर फोर को इधर लेके जाओ तो 16 ऊपर ही आएगा ना 16 बाई नाइन इंटू आर थ्री आएगा ये अब ऐसे क्वेश्चन भी मैम आपको पता नहीं होगा बट आप अच्छा नहीं पढ़ाते पीडब्ल्यू बेटर है बच्चे थैंक यू सो मच यार मतलब थैंक यू सो मच यार मुझे तो पता ही नहीं था Surprised कि मैं इतनी गंदी टीचर हूं, फिर भी आप मेरी क्लास में आ रहे हो। oh so बच्चे, thank you so much. Really appreciable, बच्चे, दो really मेन 2022 का सवाल आप सब लोगों ने अच्छे से खुद से करा है अब मैं एक सवाल आपको देती हूँ ठीक है आई गिव यू दिस क्वेश्चन चलो एक क्वेश्चन है पहले आप क्वेश्चन को करो उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये कौन कहां का क्वेश्चन है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा इज द एनर्जी ऑफ इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो मैं आपको चार वैल्यूज दे रही हूं इनमें से विच ऑफ देम इज द पॉसिबल एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आंसर है माइनस थ्री पॉइंट फोर ई वी प्लस सिक्स पॉइंट एट ई वी प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स ई वी एंड देन यू हैव माइनस सिक्स पॉइंट एट ईवी एक बार क्वेश्चन का आंसर करिए फिर मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया है टेक योर टाइम क्वेश्चन का आंसर करिए आंसर करिए ए बी सी डी कह इनमें से चार वैल्यूज में से हाइड्रोजन की किसी भी एक्साइटेड स्टेट की कौन सी पॉसिबल एनर्जी है अभी अभी आप बच्चों ने किया था वेरी गुड वेरी गुड ऑसम हर बच्चा ए आंसर दे रहा है हर बच्चा अभी अभी आपने किया था हाइड्रोजन की पहली एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स 4, -1. 5, 1, 85, देखो वैल्यूज मैंने दुबारा दुबारा आपके लिए लिखी है। तो कौन सी पॉसिबल एनर्जी है आप बिना कैलकुलेशन के आंसर आया ये मेन का सवाल है आई एम नॉट किडिंग मेरे पे विश्वास नहीं होता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा के देख लो आई एम नॉट किडिंग आपके अपने आप आंसर आ जाएगा यू विल गेट द आंसर बायर सेल्फ अगला क्वेश्चन करिए अगला क्वेश्चन करिए क्वेश्चन ये है अच्छा यहाँ तो बचा ही नहीं है नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा रुको फिर एक और क्वेश्चन कर लो फिर एडवांस का कराती हूँ एक और क्वेश्चन कर लो फिर जेई एडवांस .E. का क्वेश्चन कराते हैं ये रहा जेई एडवांस .E. का पहले ये क्वेश्चन करो क्वेश्चन ये है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटमाइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स चलो पहले सीधा एडवांस का ही कर लो ये और आसान है ये बाद में कर लेंगे एडवांस का एक क्वेश्चन करो ओके दो एडवांस 2019 का सवाल आप सबके सामने अब जो बच्चे क्लास में ये बोल रहे थे ना मैम जब आप डेरिवेशन करा रहे थे हम ना बोर हो रहे हैं है ना तो वो बोरियत वाले बच्चों से अब ये क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट यू नीड टू डू द डेरिवेशन राइट इन पेपर पेपर में डेरिवेशन वाला क्वेश्चन जेई एडवांस 2019 में मैच द फॉलोइंग टाइप में पूछा गया था टेक योर टाइम और मुझे आंसर बताइए कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है खुद से करके देखना है आंसर आएगा टाइम लीजिए आंसर करिए बच्चे टाइम लीजिए आंसर करिए I आंसर एक बार ऑप्शन दिखा दो कर लो कर लो टाइम ले लो आपके पास चार क्वेश्चन है डी और ये पी क्यू आर एस टी यू ऑप्शन दे रखे हैं ये एक बार प्लीज ऑप्शन लिख लोगे सो दैट मुझे बारी बारी स्विच ना करना पड़े ये कह रहा है थ्री का आंसर है एस फोर का आंसर है क्यू थ्री का आंसर है पी या फोर का आंसर है क्यू मल्टी करेक्ट है प्लीज टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर मल्टी करेक्ट है टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर डन चलिए सामने देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कर लो अभी टाइम चाहिए तो बेशक कर लो

सो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर तो वन का आंसर टी आना चाहिए अरे अरे मतलब ये ना मल्टी करेक्ट था इसके पांच छह ऑप्शन थे ठीक है इसके पांच छह छप्शन थे तो मैंने एक ही क्वेश्चन आपको दिया तो या तो मैं थ्री और फोर को ही चेक कर लेती हूँ बाकी इसका आंसर क्या था टी ठीक है इसका आंसर था टी आगे देखिए कह रहे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एम इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू एन इंटू एच बाई टू पाई तो क्या मैं बोल दू एंगुलर मोमेंटम देखो ये पूरा एंगुलर मोमेंटम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन तो ये टी ये एस होना चाहिए था ठीक है अब थर्ड और फोर्थ को मुझे चेक करना है कह रहे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट मैंने दिमाग लगाया मैंने कहा एनेथ ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैसे तो देखो मैं एक बात बताती हूँ e so दिमाग लगाया मैंने कहा देखो मैंने कहा मैम ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रटवाया नहीं मतलब नहीं रटवाया था मैंने तुम्हें सिखाया था ये निकालना कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टू सही बात है

Two, कि थ्री का आंसर पी आना चाहिए थ्री का आंसर पी आना चाहिए क्या ये सही बात है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यही आना चाहिए ना पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है दिस इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टू तो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 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 टू टाइम्स टोटल टोटल कितनी फोर कि तो कि का आंसर भी क्या आना चाहिए पी आना चाहिए फोर का आंसर पी कहीं दे नहीं रखा इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आ गया ये जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन था JEE दो 2019 का क्वेश्चन क्या ये क्वेश्चन ऐसा था कि ना हो और तुम्हें बता दू एडवांस या JEE main 2019 का पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का अच्छा पेपर आया था तो दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है बस अपने अंदर जो डर है ना अगर आपने वो डर निकाल दिया तो भाई साहब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो बस अंदर का डर डर रह गया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा डन है ओके आई गोट दैट कोई बात नहीं यार बच्चे इसको लिखने दो अब ये स्पैमर्स को मैं कितनी देर मना करूं मतलब, यार, happy, है, मतलब यार मतलब ये बच्चे भी नहीं होते ये पेड़ लोग होते हैं इनको पैसे दिए जाते हैं दूसरे टीचर्स की क्लास में आके ये सब गंद मंद लिखने का मतलब दैट इज ओके मतलब आई हैव नो वर्ड्स आई जस्ट हैव शेम ऑन दीज पीपल जो किसी टीचर मतलब मैं कहती हूँ यार तुम ए बी सी डी कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो पढ़ाई का कोई भी उठा लो हर टीचर अपनी मेहनत कर मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है क्या ये मेहनत नहीं है मैं तीन चार घंटे से यहाँ पे खड़े होकर तुम्हें पढ़ा रही हूँ बट नहीं दिखता लोगों को मतलब दे जस्ट वॉट इज जस्ट स्पैमिंग एंड किसी को नीचा दिखाना तो दैट इज ओके ठीक है एक प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है मैं अच्छी नहीं हूँ दूसरा अच्छा है ग्रेट बढ़िया मतलब मैं अब इन इन बच्चों के ऊपर गिव अप कर चुकी हूँ मतलब आई हैिवन ऑन दीज काइंड ऑफ पीपल सो बढ़िया चिल डन चलिए अब मैं आपको आगे नया टॉपिक यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो थोड़ा सा और नया टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं यहाँ तक हो गया था कितने टॉपिक्स हो गए थे पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ये जेई मेन के क्वेश्चन उन्नीस अच्छा आगे भी हो गए थे ना इक्कीस हो गया बाईस हो गया तेईस हो गया हाइड्रोजन पहले तो टोटल तो एनर्जी वाला क्यों नहीं लिखा ये टॉपिक नंबर हैश ये हो गया टॉपिक नंबर हैश टैग ट्वेंटी फाइव यह भी हो गया चलिए बच्चे ट्वेंटी सिक्स टॉपिक पे आइए ध्यान से देखते हैं नाम है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी ए बी एस ओ आर पी टी आई एन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी ध्यान से समझिएगा बच्चे जैसे आपने हाइड्रोजन आइटम के लिए लेवल्स डिफाइन किए माइनस ना मतलब N 1, 2, 3, 4, 5, तो आप देखोगे पहले और दूसरे में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है दूसरे और तीसरे में एनर्जी गैप थोड़ा कम है थर्ड और फोर्थ में एनर्जी गैप और कम है फोर्थ और फिफ्थ में और कम है फिफ्थ और सिक्सथ में और कम है सिक्स और सेवेंथ में और कम है सेवेंथ और एट्थ में और कम है फिर धीरे धीरे एनर्जी के लेवल्स पास पास आ जाते हैं जब लेवल्स बहुत दूर दूर होते हैं इनको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज काफी दूर दूर है बाद में हम बोलते हैं कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे एक कंटिन्यूएशन आ जाती है मतलब वैल्यूज में डिफरेंसेस बहुत कम है आगे देखिए बच्चे ये जो एन इज इक्वल टू वन लेवल है ये एन टू ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सो ऑन ठीक है इस तब से अगर इलेक्ट्रॉन और यहां पर है न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जस्ट नेक्स्ट वाले लेवल में रहता है तो इस लेवल को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल लेवल में रहना चाहता है अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आपने ऊपर वाली स्टेट में भेजा तो क्योंकि पहली बार एक्साइटेड हुआ है इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्योंकि पहली बार एक्साइट हुआ तो एन इज इक्वल टू टू का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन इज इक्वल टू थ्री का मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फिर इसको क्या बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सोन क्या ये बात सबको समझ आई फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है दिस इज क्लियर टू एवरीवन आगे देखिए बच्चे क्या होता है मान लो ये हमारा न्यूक्लियस ठीक है ये हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये हमारी एन इज इक्वल टू वन लेवल है और मान लो ये हमारा एन इज इक्वल टू ध्यान से सुनिएगा बच्चे अगर एक इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू वन में बैठा है वन में घूम रहा है तो ये एन इज इक्वल टू वन में ही घूमता रहेगा बट अगर आपने इसके ऊपर कुछ एनर्जी डाली मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन ने बाहर से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी तब जाके ये जंप करेगा हाइयर एनर्जी स्टेट में तब जाके ये किस में जंप करेगा हाइयर एनर्जी स्टेट में क्या ये बात सबको समझ आई अब देखो अगर एनर्जी हायर ऑर्बिट में जो भी है माइनस अगर एनर्जी लोअर ऑर्बिट में जो भी थी तो आपने कितनी एनर्जी का फोटोन डाला इट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ टू लेवल यानी कि जब और डिफरेंस इन एनर्जी मतलब एच इन न्यू कहने का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से एक्साइटेड लेवल पर जाएगा वो तभी जाएगा जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सिमिलरली, अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊ ये एन इज इक्वल टू वन लेवल ये एन इज इक्वल टू टू लेवल अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर आएगा वो तभी आ सकता है अगर उसने कुछ एनर्जी एमिट करी यानी कि द इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन ऑर्बिटिंग इन द सेम लेवल अनलेस अनलेस द द एनर्जी इज गिवन टू इट और इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग आउट सम एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर ऑर्बिट में जाना है इट हैज हैजू एब्सॉर्ब एनर्जी और अगर इलेक्ट्रॉन को हायर से लोअर ऑर्बिट में जाना है इट हैज टू एमिट सम एनर्जी क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई यहां तक सारी चीजें अच्छे से सबने क्लियर कर ली एक क्वेश्चन करके दिखाओगे अभी आप क्वेश्चन करना फिर मैं बताऊंगी कि यह क्वेश्चन uh, कौन से पेपर का है ठीक है क्वेश्चन है आपके सामने द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स ईवी ये दे रखा है क्वेश्चन में द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इज हीलियम प्लस की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताएंगे ऑप्शन में लिखकर दे रही हूं ए बी सी डी माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट फोर ई वी माइनस थ्री पॉइंट फोर ईवी माइनस सिक्स पॉइंट जीरो फोर ईवी माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू ईवी टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर आप पहले क्वेश्चन करेंगे उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये कौन से पेपर का सवाल है टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर एबीसीडी मैम आप हार्ट ही नहीं मांगती अब हाँ सही बात है मैं आप पढ़ाने में इतना बिजी होगी कि मैंने हार्ट मांगना बंद कर दिया तो बच्चे सेशन पसंद आ रहा है तो मुझे मैं बताती हूँ लास्ट ईयर ना मैं हमेशा ये कहती थी कि चलो इतना हो गया अब हमें व्हाइट हार्ट चाहिए रेड हार्ट्स चाहिए तो हाँ इस मोमेंटम को हम वापस लेकर आते हैं मगर लास्ट ईयर ना ऐसे बच्चे नहीं होते थे जो ये सब बकवास लिखते थे सारा मूड मतलब खराब कर देते हैं ये बच्चे आके कि इस टीचर को कुछ नहीं आता ये टीचर बोर कर रही है ये प्लेटफॉर्म अच्छा है इसके टीचर्स अच्छे हैं मतलब ऐसे लगता है कि यार वाह मतलब लिटरली इस बात में ना मतलब तुम देख रहे हो पहले मैं कितना स्माइल कर करके पढ़ा रही थी बहुत अच्छे से अंदर मन से पढ़ा रही थी फिर ये जो बच्चे आते हैं ना फिर इनको डांट मारने के चक्कर में लिटरली ऐसा होता है कि यार फिर मुझे अंदर से ये लगता है कि मैंने क्यों पांच मिनट इनके साथ मत्था मारा इस पांच मिनट में मैं अपने बच्चों को कुछ और अच्छा सिखा सकती थी तो वो सारा मतलब जो मोटिवेशन होता है ना वो खराब हो जाता है मतलब इन्हीं बच्चों की वजह से एंड इनका टारगेट भी यही होता है कि आए टीचर को डिस्ट्रैक्ट करें टीचर दुखी हो बढ़िया है मतलब सही है सही चल रही है चलो डन हाँ, यहाँ मतलब लिटरली दूर दूर के मतलब बैचेस के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं के सब्सक्रिप्शन ले रखे पढ़ते बाउंस बैक में तो फिर भी कई लोग आके ये लिखते तो क्या करें चलो कोई बात नहीं यार मतलब मेरे को एक बात पता है कि दिल से पढ़ाएगी चीज और दिल से करी हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाती है देखो क्वेश्चन आ गया आंसर देख लेती हूँ ए बी सी डी ए बी सी डी मिक्स आंसर कैसे आ रहे हैं भाई मिक्स आंसर कैसे आ रहे हैं सामने देखिए सी वेरी गुड कह रहे ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन आटम की एनर्जी पहली लाइन बिल्कुल टाइम पास लिख रखी है एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस तो सबसे पहली चीज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला कितना माइनस अगर निकालना है तो माइनस को ऐसे लिखते हैं एक बात बताओ यहां पर एच की वैल्यू जेड की वैल्यू कितनी हीलियम की वैल्यू टू इंटू टू फोर आ जाएगा डिवाइडेड बाई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू कितनी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टेट मतलब एन की वैल्यू कितनी तीन ये ठीक है एन की वैल्यू कितनी तीन तो तीन का स्क्वायर कितना नाइन तो सॉल्व कर लीजिए अच्छा एक और बात बताऊं ये देखो ये तो हाइड्रोजन की है ना हाइड्रोजन की हाइड्रोजन में क्या होता था जेड को वन पुट करो नीचे से जो भी कर लो वो हाइड्रोजन के आगे तो हाइड्रोजन की थर्ड लेवल की एनर्जी कितनी होती थी माइनस वन पॉइंट क्या ये आ गया को चार से मल्टीप्लाई करोगे तो डेढ़ चार छह आएगा तो माइनस सिक्स पॉइंट जीरो फोर सी इज द करेक्ट आंसर एंड टू योर सरप्राइज ये क्वेश्चन जो आपने किया ये मेन दो हजार उन्नीस का सवाल है आई एम नॉट किडिंग ये जेई मेन दो हजार उन्नीस का सवाल है विश्वास ना हो तो भले चेक करके देख लीजिएगा चेक करके देख लें हमें कोई टेंशन नहीं है डन तो यहां तक हमने एक और जो अपने चैप्टर का सेक्शन है वो भी कंप्लीट कर लिया है वन मोर सेक्शन तो एक बार टिक मार देते हैं फिर सेव पीडीएफ कर लेंगे भाई साहब ओ नाइस बारह सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं केवल अठारह सेक्शंस बचे हैं ये भी एक एक करके हम सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे फाइल सेव एस डेस्कटॉप सेव ठीक है अब और कंटिन्यू करते हैं <coughs> shocked it was that easy. अरे मतलब बस अपने अंदर का डर हटा दो जे मेन के सवाल तो ऐसे चुटकियों में होंगे जब एडवांस के चुटकियों में कर रहे हो तो मेन के तो कर ही लोगे आगे देखते हैं सामने मूविंग फर्दर थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं टॉपिक नंबर ये ट्वेंटी सिक्स हो गया ये तो क्वेश्चन टॉपिक नंबर ट्वेंटी सेवन हैश टैग ट्वेंटी सेवन सामने देखिएगा एक छोटी सी डेरिवेशन कराऊंगी उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं पहले एक मिनट चेक कर लेते हैं

मैंने अभी क्या बोला जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को एक लोअर लेवल से हाइयर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी और जब कभी आप इलेक्ट्रॉन को आउटर लेवल से इनर लेवल पर लेकर आना चाहते हैं यानी कि हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में लेकर जाना चाहते हैं तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करनी पड़ेगी सही बात है फिर मैंने आपको बोला कि ये जो डिफरेंस आएगा हायर लेवल में माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल दिस विल बी इक्वल टू एच इन टू न्यू इतना भाई, new, या lambda, सही बात है। अब ये डेरिवेशन मैं अपने दिल से स्किप कर रही हूँ नॉट बिकॉज कि ये आ, मुश्किल है या कुछ ऐसा बट ये इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसकी घबराइए मत इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना मेन में ना एडवांस में यहां पर आज हम शॉर्टकट सीखने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाती है ध्यान से देखिए बच्चे वॉट इज द वेव नंबर ऑफ वेव किसी भी वेव का क्या वेव नंबर है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो दैट विल बी इक्वल टू वन बाय लैमडा विच विल इक्वल टू आर एच इन टू जेड का स्क्वायर वन बाय लोअर स्क्वायर माइनस वन बाय एन हाइयर ऑर्बिट का स्क्वायर एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जरूर पढ़ा होगा याद आया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था आपने बचपन में पढ़ा होगा भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली लेवल से नीचे वाली लेवल पे जब भी जाएगा देखो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है हाइयर ऑर्बिट में इसकी कुछ एनर्जी है जब ये इलेक्ट्रॉन और ये है लोअर ऑर्बिट में जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर से हाइयर ऑर्बिट में जाएगा तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कुछ वेव एब्जॉर्ब करेगा उस वेव का वेव नंबर क्या होगा न्यू बार विल बी इक्वल टू वन बाय लैम्डा इनटू आर इनटू जेड का स्क्वायर बच्चे ये जेड का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं एनसीईआरटी में जेड का स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा मगर जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है ना वहां पे इन्होंने z स्क्वायर का सिग्निफिकेंस बता रखा है 1 by n लोअर का स्क्वायर माइनस 1 by n हायर का स्क्वायर और ये जो rh है ये एक कांस्टेंट है जिसका नाम है रिडबर्ग r y d b e r g रिडबर्ग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेवलेंथ कैलकुलेट करो इस फॉर्मूला में तो आपने वन बायडा कैलकुलेट किया तो अगर वेवलेंथ कैलकुलेट इंटू वन हमेशा लोअर का स्क्वायर माइनस वन बाय हाइयर का स्क्वायर आपसे वो ये नहीं वेवलेंथ कैलकुलेट करो आपसे पूछता है कि वेवलेंथ कैलकुलेट करो लैमडा तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको वन बाय आर एच इन टू जेड वन बाय एन लोअर स्क्वायर माइनस वन बाय एन स्क्वायर ये करना पड़ेगा हमेशा ये सब ठीक है जेड भी ठीक है ये भी ठीक है मगर भैया वन बाय वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन की बारी 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 बारी, बारी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है इसीलिए याद रखना हैश एस वी शॉर्टकट प्लीज ये याद रखना बहुत हेल्प करेगा बच्चे ये जो वन बाय आर एच कभी भी दिखा इसकी वैल्यू होती है नौ सो बारह एंगस्ट्रॉम वैसे आप बचपन में पढ़ते हो ना नौ दो ग्यारह हो जाए ये मुहावरा होता है ना हिंदी में नौ दो ग्यारह हो जाओ तो ऐसे याद रख लो नौ सौ बारह नौ दो ग्यारह नौ सो बारह वन बाय आर एच की वैल्यू बारी बारी करके नहीं देखोगे वन बाय वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन फिर डिवाइड करके देख रहे हैं बहुत खतरनाक है वन बाय आर एच की वैल्यू लगभग लगभग नौ सौ बारह एंगस्ट्रॉम बड़े आराम से आप ले सकते हैं बड़े आराम से लीजिए कोई मना नहीं है सब हो जाएगा डन कर लेंगे हो गया यहां तक सबका ठीक है डन एक मिनट रुको 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 मैं जरा वन सेकेंड हेलो गोकुल यार चैट में दो तीन बच्चों को ब्लॉक कर दो के बहुत गंदा स्पैम कर रहे हैं ये ठीक है ओके ठीक है चलो डन अब ये स्पैमर्स नई नई आईडी से आना शुरू करेंगे देखो इनके पास और कोई काम धाम तो है नहीं डन एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर हम आगे चलते हैं लेट्स डू वन एन अदर क्वेश्चन एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे क्वेश्चन वंस अगेन जेई मेन 2019 का सवाल है क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का क्वेश्चन ये है बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्लीज अच्छे से करना फॉर द एमिशन लाइन ऑफ हा अभी तो एमिशन लाइन कराई नहीं है और कोई सवाल देती रुको चलो ये ये वाला कर लो ये कर लो क्वेश्चन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन अ हाइड्रोजन एटम वेन इन अड्रोजन एटम जब एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू द स्टेशनरी स्टेट टू स्टेशनरी स्टेट ठीक है और आपको बताना है द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन एन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इनफिनिटी टू द स्टेशनरी स्टेट चार ऑप्शन दे रही हूँ ए बी सी डी आंसर करके दिखाइए 91 वन नैनोमीटर वन टू नैनोमीटर 91 वन नैनोमीटर वन नाइन टू नैनोमीटर फोर ओ सिक्स नैनोमीटर

ए मैक्सिमम बच्चे ए आंसर दे रहे हैं भाई साहब स्पीड देख रहे हो कह रहे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड वन बाय लैम्डा आर एच तो लगाऊंगी इन अ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम मतलब जेड का वैल्यू वन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू द स्टेशनरी स्टेट तो स्टेशनरी स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट वन बाय वन का स्क्वायर माइनस वन बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर अरे 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 इक्वल टू बी नाइनटी वन नैनोमीटर तो एंगस्ट्रॉम तो को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना तो मेरे ख्याल से आता ही होगा तो आंसर विल बी एन दो हजार उन्नीस का सवाल आप सबके सामने आंसर रट लिया <laughs> मतलब यही है यही ऐसे ही पूछते हैं और मतलब कोई बड़े भयानक और भयंकर क्वेश्चन थोड़ी ना ये आपसे पूछते कि तुम डर जाओ ठीक है भयंकर क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे कि तुमसे ना हो पाए तो यहाँ तक एक खुशी की बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ खुशी की बात ये है कि हम कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का कितने एक दो तीन चार पाँच छह थर्टींथ पार्ट तेरह पार्ट इस चैप्टर के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं

जब मैं ये वन मार्क करूंगी ना कि दिस इज डन अलग फीलिंग आती है मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं अगर बस अंदर से चाह लिया ना कि यस आई हैव टू डू 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 इट यू यू कैन कैन एवरीथिंग रियली एवरीथिंग सो मुझे चैट्स में ग्रीन हार्ट चाहिए सो फॉर दिस ग्रीन स्क्रीन अब मुझे चैट्स में ग्रीन कलर के हार्ट तो बनते ही हैं साढ़े छह बज चुकी है दो बजे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था लगभग साढ़े चार घंटे हो चुके हैं हमें पढ़ते पढ़ते uh 9 uh, 13 टॉपिक्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी 17 मोर टॉपिक्स टू बी डन टॉपिक्स नहीं सेक्शंस टू बी कंप्लीटेड टॉपिक तो यार मैंने कितने करा दिए हैं कितने टॉपिक हो गए 27 27 टॉपिक्स हो चुके हैं अब 28th टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड विद टॉपिक नंबर 28 देखो मैं बताती हूं क्या-क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास बचा है Then, uh, है, है, उसके बाद कि चलो खत्म ही होने वाला है तो जैसे क्वांटम स्टार्ट होता है अंदर से वो आ जाता है कि चलो खत्म हो जाएगा है ना नोट्स वर्ड्स अब क्वांटम के टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं तो जल्दी हो जाते हैं ठीक है ओके सो अब एक टॉपिक डालिए जिसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से देखते चलिएगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या कहता है क्या होता है ध्यान से देखिएगा बच्चे मेरे पास मैंने ना हाइड्रोजन लिया हाइड्रोजन गैस ली फिर तो जब मैंने इस हाइड्रोजन गैस को वेरी वेरी लो प्रेशर पर करने की कोशिश करी मतलब मैंने क्या किया हाइड्रोजन uh, गैस को बहुत लो प्रेशर पर हीट करना शुरू किया मैंने इसको हीट करना शुरू किया यानी कि ये H2 भी टूट जाएगा और एटॉमिक हाइड्रोजन कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हम H2 का लेते हैं या H का लेते हैं तो जब हम बहुत कम प्रेशर पे बहुत हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन लेते हैं तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्म में होगा हमारे पास जब मैंने इस एटॉमिक हाइड्रोजन के सैंपल को हीट किया मैंने क्या किया मैंने एटॉमिक हाइड्रोजन के सैंपल को या कोई भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक मोनो हाइड्रोजन के सैंपल को जब मैंने हीट किया तो सोचो ना मेरे पास कोई दो या तीन या चार हाइड्रोजन थोड़ी ना होंगे मेरे पास तो तो करोड़ों अरबों मिलियनों पता नहीं कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे एक सैंपल में जब मैंने इनको हीट करना शुरू किया पहले तो हर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था बट अब हर इलेक्ट्रॉन को अलग 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 हीट मिली तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग 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 एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे मानते हो पहले जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था वो अब हर इलेक्ट्रॉन मतलब एक हाइड्रोजन आइटम थोड़े ना हजारों हाइड्रोजन आइटम तो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो, वो मे बी मे बी मे बी किसी ना किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा सही बात है अब क्या जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो स्टेबल होता है जस्ट इमेजिन एक छोटा सा बच्चा है ठीक है वो आराम से खेल रहा था तुमने उसके हाथ से उसका खिलौना छीन लिया तो वो रोने लग जाएगा अब ये थोड़ी ना वो जिंदगी भर रोने लग जाता है जब वो नॉर्मल था तो हम उसको ग्राउंड स्टेट बोलते थे जब तुमने उसका खिलौना छीन लिया या उसको ऐसे चूंडी मार दी या थप्पड़ मार दिया तो वो रोना शुरू करेगा बट दैट डज नॉट मीन ना कि वो जिंदगी भर रोता रहेगा वो रोएगा अपना जो इमोशन है इधर उधर वो करेगा है ना इधर उधर फैलाएगा भाई किसी और चीज में उसका दिमाग लेगा फिर ही विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट तो so, इसी तरह जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो टू इट्स एक्साइटेड स्टेट वो अनस्टेबल एनर्जी स्टेट में चला जाता है बट वो वहां हमेशा के लिए नहीं रहता सो इट विल बी कमिंग बैक टू इट्स लोअर स्टेट अब जब वो अपनी लोअर स्टेट में आएगा बच्चे वो हर पॉसिबल तरीके से आ सकता है फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना मान लो ये n 1 है ठीक है ये n 2 है ये n 3 है ये n 4 है ये n 5 है मान लो एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ स्टेट में चला गया अब वो फिफ्थ स्टेट से नीचे कैसे कैसे आ सकता है उसकी मर्जी वो सीधा फाइव से फोर में आए फिर फोर से वन में आ जाए उसकी मर्जी वो फाइव से फोर में आए फोर से थ्री में आए थ्री से टू में आए से से में में उसकी मर्जी वो फाइव से थ्री में आए थ्री से टू से टू से वन मतलब इट विल कम डाउन टू इट्स ग्राउंड स्टेट इन एवरी पॉसिबल वे और जब जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो आपको याद है कि वो एनर्जी रिलीज करेगा और जब जब वो एनर्जी रिलीज करेगा वो डिफरेंट डिफरेंट की एनर्जी रिलीज़ करेगा क्या टॉपिक का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है मैंने हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन के सैंपल को गर्म किया अब वो सब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में चले गए बट जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे वो अलग अलग तरीके से आएंगे तो जब लोग अलग अलग तरीके से जंप करेंगे तो अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज होगी समझ गए तो अलग अलग लाइंस रिलीज होंगी और उन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक बहुत ही मोस्ट कॉमन फिगर आई एम श्योर आप बच्चों ने हर बार बुक्स में देखी होगी हैश टैग टॉपिक नंबर ट्वेंटी नाइन बनाती हूँ ध्यान से सीखेंगे ये एक लेवल बनाया ये दूसरा बनाया ये थर्ड बनाया ये फोर्थ बनाया ये फिफ्थ बनाया ये सिक्स बनाया ये सेवंथ बनाया मैं बनाने को हजार करोड़ तक जा सकती हूं मगर हम सिर्फ इतना ही कंसीडर कर रहे हैं ये एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सब लोग बड़े ध्यान से सामने मेरी बात सुनेंगे बच्चे जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आएगा अगर इलेक्ट्रॉन वन पे वापस आ रहा है फर्स्ट लेवल पे तो वो कहा से आ सकता है टू से आ सकता है थ्री से वन पे आ सकता है या सेवन से वन पे आ सकता है, 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 है मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वन पर आ रहा है ये सारी की सारी जो वेव इकट्ठी हुई है जो सारी की सारी लाइन इकट्ठी हुई इनको हम नाम देते हैं लाइमन एल वाई एम ए डबल एन आई थिंक लाइमन सीरीज। अगर ये सारे सारे के इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते वक्त टू पर रुक रहे हैं मे बी थ्री से टू पे फोर से टू पे फाइव से टू पे सिक्स से टू पे या सेवन से टू पे इन सीरीज को बोलते हैं बामर बालमर नहीं होता एल साइलेंट होता है बामर सीरीज आगे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन थ्री पर गिर रहा है कहां से गिरेगा फोर से थ्री फाइव से थ्री सिक्स से थ्री सेवन से थ्री इन्फिनिटी से थ्री तो इसको बोलते हैं लाइमन बामा पाश्चन पी एस सी एच ई एन पाश्चन सीरीज समझ गए आगे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन आकर के फोर्थ पे गिरते हैं तो फाइव से गिरेगा सिक्स से गिरेगा या सेवन से गिरेगा लाइमन बामा पाश्चन इसको बोलते हैं ब्रैकेट बी आर ए सी के ई डबल टी स्पेलिंग चेक कर लेना यार आई एम नॉट वेरी गुड विथ स्पेलिंग्स और एक लास्ट देखिए अगर इलेक्ट्रॉन आके फिफ्थ पे गिरते हैं इसको बोलते हैं फंड पी साइलेंट होता है इसको बोलते हैं फंड सीरीज एक और सीरीज होती है जब सिक्स्थ पे गिरता है वो एच से हम्सफ्रेड, उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आती वो खैर अपने सिलेबस में नहीं है हमसे फंड तक ही पूछा जाता है हमसे क्या ही पूछा जाता है बस फंड तक ही पूछा जाता है क्या ये चीजें क्लियर हो गई स्टार्ट करना हमेशा टफ होता है मैम हाँ ठीक है कोई बात नहीं देखो आज तुम मतलब जब सेशन एंड करूंगी ना तुम्हारे दिल से एक बात जरूर आएगी कि मैम मजा आ गया ये ये तुम खुद बोलोगे कि मैम इतना बढ़िया तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया है नाइस बस तुम पेशेंटली करते चलना मेहनत रुकना नहीं है बीच में कि ये मुश्किल है ये मुश्किल है रुक जाओगे तो कुछ नहीं होगा यहां तक डन है अभी देखो पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तुम बड़े आराम से कर पाओगे कोई टेंशन नहीं होगी घबराना मत आगे देखिए टॉपिक नंबर थर्टी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान से देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डील करने के लिए अगर मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला यूज होगा तो वो क्या है 1 RH 1 by, बच्चे ये हमेशा कम वाली ऑर्बिट अंदर हमेशा लोअर ऑर्बिट आएगी माइनस वन बाय हाइयर ऑर्बिट का स्क्वायर और जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना कोई भूलेगा नहीं स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है ठीक है जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच्चे किसी भी सीरीज के लिए जैसे लाइमन सीरीज के लिए मैं जो पहली लाइन होगी ना फर्स्ट लाइन उसको बोलूंगी एल्फा लाइन किसी भी सीरीज की पहली लाइन क्या होती है एल्फा लाइन किसी भी सीरीज की दूसरी लाइन क्या होती है उसको बोलते हैं बीटा लाइन एंड गामा लाइन एंड सो ऑन अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन तो लाइमन में गिरना कहां पे है वन पे कहां से गिरेगा टू से तो so, क्या मैं लिख दूं लाइमन में लोअर ऑर्बिट कितनी वन और हायर ऑर्बिट कितनी टू तो so, अगर ट्रांजिशन टू से वन में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अल्फा लाइन अगर गिरना कहां पे है वन पे अगर सेकंड लाइन है तो टू से वन पे नहीं 3 से वन गिरेगा हायर ऑर्बिट कितना थ्री तो अल्फा और बीटा लाइन क्या होती है सबको क्लियर हो गया Alpha और बीटा लाइन क्या होती है सबको क्लियर हो गया आगे देखिए एक होती है बच्चे हमारी लाइन ऑफ फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के लिए भी लिख देती हूँ ठीक है जैसे लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पाश्चन सीरीज पी एच सी एच एन पास्टन सीरीज मैं रटवा नहीं रही हूं मैं पूरा लॉजिक से समझाऊंगी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आगे देखिए लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फंड सीरीज देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फंड वर्सेस मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पाश्चन सीरीज घबराना नहीं है ध्यान से देखना पहले ये करते हैं आपको पता है मिनिमम वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी क्या सब बच्चे जानते हैं कम वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज्यादा एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अगर उसने मेरे से पूछा फंड सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ की लाइट बताओ मैंने कहा एक सेकेंड फंड में लाइमन बामा पाशन ब्रैकेट फंड आके कहा पर गिरेगी लाइन फाइव पे तो एन लोअर क्या हो जाएगा फाइव और एन हाइयर कहाँ से गिरेगी सोचो मैक्सिमम एनर्जी तो फंड की पहली लाइन क्या होती है देखो फंड की पहली लाइन क्या होती है सिक्स से फाइव तो लास्ट लाइन सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइन क्या हो जाएगी इनफिनिटी से फाइव तो वैल्यू क्या हो जाएगी इनफिनिटी क्या ये कैलकुलेट करना आ गया सबको क्या ये कैलकुलेट करना आ गया आगे देखो उसने पूछा लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पाश्चन सीरीज तो पहले तो देखो मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है मिनिमम एनर्जी पाश्चन का मतलब लाइमन बामर पाश्चन. मतलब लोअर ऑर्बिट की कौन सी वैल्यू थ्री और हायर ऑर्बिट की कौन सी वैल्यू मिनिमम एनर्जी की तो फोर से थ्री आएगा फोर से मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हुई ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं है अपने मेन एडवांस केमिस्ट्री के सिलेबस में थैंक यू थैंक यू बच्चे थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए फाइल सेव एस डेस्कटॉप सेव यू थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए आगे करते हैं अभी करते हैं करते हैं मैम जब बर्निंग में ऑक्सीजन यूज होता है तो ऑक्सीजन एटम्स का क्या होता है जब बर्निंग में ऑक्सीजन यूज होता है तो जिस चीज को बर्न कर रहे हो जैसे मीथेन को बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन एटम जो है वो कार्बन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है रिडक्शन हो जाता है और ऑक्सीजन दूसरे की ऑक्सीडेशन कर देता है ठीक है डन है यहां तक अब एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ सारी लाइन सारी लाइन्स को एक एक करके समझते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये टॉपिक नंबर क्या था थर्टी ये टॉपिक नंबर थर्टी वन ये टॉपिक नंबर थर्टी टू ध्यान से देखिए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की लाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं पहला है लाइमन स्पेलिंग चेक कर लेना आई थिंक एल वाई एम ए डबल एन ई होता है नहीं एल वाई एम ए एन होता है या डबल एन ये तुम चेक कर लेना ठीक है लाइमन लाइमर में लोअर ऑर्बिट की वैल्यू क्या हो सकती है वन और हाइयर ऑर्बिट की वैल्यू क्या हो सकती है टू थ्री फोर फाइव अप टू इंफिनिटी ठीक है कि वो टू से वन पे आएगा अगर वो टू से वन पे आया तो इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट लाइन है ना वो थ्री से वन पे आया तो क्या बोलेंगे सेकंड लाइन अगर कोई इंफिनिटी से वन पे आया तो इसको बोलेंगे लास्ट लाइन उस सीरीज की लास्ट लाइन ठीक है लाइमन आगे देखिए बामक बी ए एल एम ई आर बामर में लोअर वैल्यू क्या हो सकती है टू और गिरेगा कहाँ से हायर थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू इंफिनिटी डन लाइमन बामा पाश्चन पी एस सी एच पाश्चन में लोअर क्या होगी थ्री हायर क्या होगी फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू इनफिनिटी डन कर लोगे लाइमन बामा पाश्चन ब्रैकेट फन सीरीज ये सब कर लेंगे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है डन है अगला क्वेश्चन जेई मेन 2016 का क्वेश्चन हैश टॉपिक नंबर 33 मैं पहले दो तीन फॉर्मूला बता रही हूँ उसके बाद क्वेश्चन करेंगे अगर कभी आपसे पूछा जाता है एक सैंपल के लिए एक हाइड्रोजन सैंपल बच्चे सैंपल का मतलब है सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन सैंपल का मतलब है जहां पर खूब सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो जो नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस है नंबर ऑफ़ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस की कितनी यूनिक लाइंस होंगी फॉर्मूला होता है हाइयर माइनस लोअर मल्टीप्लाइड बाय हाइयर माइनस लोअर प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टू प्लीज फॉर्मूला याद रखना 2022 के पेपर में 2021 के पेपर में 2020 के पेपर में डायरेक्ट फार्मूला से सवाल आए हैं हाइयर माइनस लोअर इंटू हाइयर माइनस लोअर प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टू याद रखिएगा बहुत सारे लिटरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं डन एक क्वेश्चन करेंगे मैं देख लेती हूँ कि मेरे वाले कौन से क्वेश्चन कर सकते हो डिजेनरेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियल एंगुलर हाइजन बर्ग्स एनएलएमएन फैक्ट अबाउट क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ग्राफ एमिशन लाइन फिफ्टींथ एक क्वेश्चन करके देखिए एक क्वेश्चन देती हूँ करके देखिए चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए दर ओके okay. ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है खुद से करके देखेंगे क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का वंस का वन क्वेश्चन द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेश हाइड्रोजन एटम इज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली नाइन द स्पेक्ट्रल लाइन्स आर द लाइन्स आर लाइन्स कौन कौन सी हो सकती है ए बी सी डी ऑप्शन लिख रही हूं लाइमन पाशन पाश्चन लाइमन पाश्चन इसके बाद है ब्रैकेट फंड ब्रैकेट फंड देन है पाशन फंड पाशन फंड एंड द लास्ट ऑप्शन इज बामर ब्रैकेट बामर ब्रैकेट टेक योर टाइम एंड टेल मी द करेक्ट आंसर समय लीजिए करेक्ट आंसर्स बताइए घबराना नहीं है आराम से हो जाएगा जय मेन 2019 का सवाल आप सबके सामने है। <coughs> बच्चे यूनिक और मैक्सिमम में फर्क है देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फाइव से थ्री में गया और थ्री से टू में गया और टू से वन में गया ध्यान से देखना एक इलेक्ट्रॉन फाइव से थ्री में गया थ्री से टू में गया और टू से वन में गया ठीक है ये तीन ट्रांजिशन हुए अदर देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन सिक्स से वन में जा रहा है तो वो पहले सिक्स से फोर में गया फिर फोर से टू में गया टू से वन में गया अगर मैं टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करूं एक दो तीन चार पाँच छ आई अगर मैं यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करूं ये यूनिक है ये यूनिक है ये यूनिक तीन ये यूनिक है चार ये यूनिक है पांच मगर ये तो सेम एस दिस है ना तो टोटल छह है मगर यूनिक कितने हैं पांच समझ गए तो यूनिक में फर्क होता है यूनिक मतलब दो जो दो सेम है उनको एक ही बार काउंट करेंगे दो दो बार काउंट नहीं करेंगे ए, ए रहे हैं, बच्चे चेक कर लेते हैं कह केरे द रेशो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैंने दिमाग लगाया मैंने कहा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे दूर से आएगा यानी कि हायर ऑर्बिट की वैल्यू तो दोनों केस में क्या होगा इन्फिनिटी दो स्पेक्ट्रल लाइंस है हाइड्रोजन का रेशियो है 9 तो लाइमन बामा पाश्चन भी वो कह रहा किन-किन के, किन -किन के बीच में आएगा मैंने कहा रेशियो देखो मैंने दिमाग लगाया मैंने कहा बाय लैम्डा इज इक्वल तो ये गया अब ये 9 तब आएगा ना जब लोअर इज टू हायर का रेशियो नाइन आना चाहिए मैंने कहा लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहा से आता है वन से आता है और पाश्चन में इलेक्ट्रॉन पे गिरता है लाइमा थ्री पे गिरता है तो नाइन

अरे रह, ये मैंने क्यों ही किया फिर भी चलो अब ये किया है तो सेव कर लेती हूं मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बता देती हूँ यस फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है वी हैव कंप्लीटेड अ टोटल ऑफ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अब आप में से कई बच्चे डरेंगे कि अरे मैम आप पौने पाँच घंटे से पढ़ा रहे हो आधा ही सेक्शन कंप्लीट हुआ है तो क्या आज रात के बारह बजे तक क्लास चलेगी मतलब दस घंटे का वन शॉट होगा ऐसा नहीं है आपने खुद देखा जब यहाँ से यहाँ आए थे तो डेढ़ घंटा लगा था यहां से यहाँ टाइम कम लगा तो धीरे धीरे टाइम कम लगता जा रहा है पंद्रह सेक्शंस हो चुके हैं पंद्रह और बाकी हैं एंड आई गिव यू दिस एश्योरेंस कि बहुत ही जल्दी हम ये पंद्रह सेक्शंस भी कंप्लीट कर लेंगे ठीक है वाई नॉट सी बच्चे सी में भी रेशो नाइन इज टू वन या वन इज टू नाइन नहीं आएगा करके देखिएगा ठीक है बारह बजे तक नहीं, नहीं नहीं यार मेरा खुद का बहुत छोटा सा बच्चा है ठीक है

यहां तक इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वाह हैंड रिटन नोट्स देख रहे हो के कितने कितने बढ़िया बने हैं टॉपिक नंबर थर्टी थ्री हो गया थर्टी थ्री टॉपिक नंबर थर्टी फोर सामने देखेंगे टॉपिक नंबर थर्टी फोर टॉपिक का नाम है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस डी B R O G L I E, Broglie's hypothesis, T H E S I S. सामने देखिए डी Broglie hypothesis क्या कहता है ये ये कहता है कि मान लो आपने कभी वो शक्तिमान देखा है वो बचपन में आता था आजकल तो खैर नए नए हमारे सुपर हीरोज हैं वो हल्क हो गया और वो स्पाइडरमैन है ना बड़े सारे आयरन मैन और ये सब ये इनको मैं इतना नहीं मतलब मैं मूवीज देखती हूँ बट मेरे को शक्तिमान याद है वो कैसे करता था ना ऐसे शक्ति, शक्ति 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 नहीं उल्टा घूमी उल्टा घूमता था वो <diagnose meltática>, <Fallout> Luther, kami, शक्ति 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 शक्तिमान देखा था सबने बचपन में देखा होगा है ना वो शक्तिमान में क्या दिखाते थे वो ये दिखाते थे कि शक्तिमान जो था क्या नाम था शक्तिमान का जो दूसरे वाला वो था कौन से जी से नाम था ना क्या नाम था शक्तिमान वाले का अरे शक्तिमान वाले का क्या नाम था मैं भूल गई ब्रेक नहीं मिल रहा भाई अभी ब्रेक नहीं मिल रहा अरे शक्तिमान का नाम बताओ नहीं तो मेरे को याद नहीं आ रहा यू टॉक लाइक गुजराती अब गुजरातियों के साथ रह के वो गुजराती ही बन जाता है बंदा तुम अभी तक आंसर नहीं दे रहे वो शक्ति शक्ति शक्तिमान गिर, ग, ग, गंधार लाल गिरधर लाल कुछ था तो सही ना नाम बता देना तुम मुझे ठीक है अब उनका नाम क्या था जो भी था देखो क्या होता है छोड़ो वो ना एक आम इंसान की तरह होता था वो जो चश्मे वाला शक्तिमान होता था वो आम इंसान की तरह होता था जब वो चलता था मतलब उनका कुछ मास होता है उनकी कुछ वेलोसिटी होती है मान लो एक पार्टिकल है ठीक है एक पार्टिकल है उस पार्टिकल का एम मास है डन उस पार्ट वो वी वेलोसिटी से चल रहा है तो मैं उस पार्टिकल के मोशन को ट्रैक कर पाती हूँ है ना अगर एक पार्टिकल होता है तो मैं उसके मोशन को ट्रैक कर पाती हूँ मगर डी ब्रॉगली ने आते ही कहा जैसे क्या नाम था तो देखा किसी ने नाम लिखा है ने, कोई भी नहीं नाम लिख रहा यार ठीक है ठीक है तो उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल है ना ये पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है मतलब डी ब्रॉगली ने आते ही कहा कि एक पार्टिकल का एक पार्टिकल का वेव नेचर भी हो सकता है जैसे वो जो आम शक्तिमान थे जिनको चश्मा लगा हुआ था वो इनका ह्यूमन नेचर था मतलब नॉर्मल पार्टिकल नेचर मगर जब वो ऐसे गोल 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 घूम के एक दीवार से दूसरे दरवाजे पे जाते थे तो तुम उनके मोशन को ट्रैक ही नहीं कर पाते थे वो बिल्कुल वेव की तरह बिहेव करते थे तो हाइपोथेसिस इज़ नथिंग बट द शक्तिमान ऑफ़ केमिस्ट्री कि एक पार्टिकल का वेव नेचर हो सकता है मैं ये नहीं कह रही पार्टिकल वेव, वेव हो सकता है मतलब पार्टिकल वेव नेचर या वेव लाइक नेचर शो कर सकता है मतलब एक पार्टिकल भी वेव की तरह प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर सकता है अब अगर वो पार्टिकल है तो उसका मास एम होना चाहिए और अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी कुछ वेव होनी चाहिए तो डी ब्रॉगली ने हमें एक हाइपोथेसिस ये जस्ट एक उन्होंने बात बताई कोई प्रूफ नहीं दिया इन्होंने कहा कि देखो अगर एक पार्टिकल है जिसका मास है एम ठीक है और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसकी वेव है लैम्डा तो इन्होंने रिलेशन निकाला लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी ये है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ये क्या है दिस इज वॉट इज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और ये एम वी को ही तो आप लीनियर मोमेंटम बोलते थे दिस इज वॉट यू कॉल एज लीनियर मोमेंटम और यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाता है लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी क्या ये समझ आया इसको बोलते हैं डी ब्रोगलीस वेवलेंथ जस्ट वन सेकेंड दस अभी आधा घंटे बाने थे सुना लिसन लिसन यू हैव क्लास एट सेवन यू डोंट हैव नाइन ओके देखो ये ठीक है लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या फिर हमारे पास आता है चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ ये कहानी मैंने अपने आठ साल से मतलब जब पढ़ाना शुरू किया हर बैच को ये कहानी सुनाई है चाहे तुम किसी से भी पूछ लेना और ये कहानी मैं हर साल इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि इस कहानी ने मेरे को आईआईटी रुड़की में एडमिशन दिला दिया था तो शायद आपका भी भला हो जाए शायद इससे कुछ याद रह जाए ध्यान से सुनना मैं ना ये क्या हो गया मैं ना जब ग्रेड इलेवेंथ में थी तो मैं एक ऐसे लोकल ट्यूशन पे जाती थी वो मेरे एक सर थे वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे तो एक हमारा ना शुरू शुरू में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा था तो हमारे सर ने आ, क्या किया एक सरप्राइज टेस्ट ले लिया कहते मैंने आज तक उन्होंने यहां तक पढ़ाया था जहां तक मैंने तुम्हें पढ़ाया कहते आज तक मैंने जितना पढ़ाया एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर मैं हर बच्चे से दो दो सवाल पूछूंगा अगर तुमने दो सवाल का आंसर दे दिया तो बढ़िया तुम घर जा सकते हो अगर तुमने दो सवाल का आंसर नहीं दिया तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है या तो बैठ के और पढ़ाई करो या फिर एक स्केल हाथ में खा लो और घर चले जाओ ठीक है तो एक्चुअली हुआ क्या था ना हमारे फिजिक्स वाले टीचर की अगली क्लास होती थी तो वो फिजिक्स वाले सर आए नहीं थे मेरे ख्याल से तीन से पाँच हमारी केमिस्ट्री क्लास होती थी और पाँच से सात फिजिक्स की क्लास होती थी और सर आए नहीं थे तो तब हम लोग जैसे घर चले जाते थे ना तो पेरेंट्स डांटते थे, थे कि आज तो फिजिक्स की क्लास थी तुम आ क्यों गए हल्ला करते थे बच्चे तो उन्होंने ना एक नई स्ट्रैटेजी निकाली नई स्ट्रैटेजी निकाली कि तीन से पाँच तो उन्होंने पढ़ा दिया फिर कहते मैं घर उसी को जाने दूंगा जिसने मेरे को दो 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 सवाल के आंसर कर दिए ठीक है अब तुम देख रहे हो मतलब मैंने सोचा भाई अब तो परफेक्शन के साथ ही जाएंगे मतलब घर पहले पूरा पढ़ लेते हैं मैंने सोचा आज इस बहाने पढ़ाई भी हो जाएगी तो मैं खूब देर तो पढ़ाई करती रही करती रही करती रही सात बजे तक मैं पढ़ती रही मतलब पाँच से सात था ना मैं सात बजे तक भी पढ़ती रही कि पढ़ लो आराम से जाना है फिर सर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कहते जब मेरी बारी आई तो सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कहते साक्षी बताओ मुझे बताओ कि वेवलेंथ डी रॉगलीस ये जो हाइपोथी मैंने बताई इसमें वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन है इन्होंने सर ने मेरे से पूछ लिया कि बताओ वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन है ठीक है तुम स्केल खा लोगे नहीं मैं तो फिर यार एक स्टूडियस बच्ची थी मैंने सोचा स्केल थोड़ी ना खाऊंगी लाइफ में कभी स्केल नहीं पड़ा स्केल खा लोगे ग्यारहवीं में आके मैंने कहा नहीं स्केल तो नहीं खाएंगे सर ने मेरे से पूछा वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन भाई साहब मैंने हद कोशिश करी नोट्स को रिकॉल करने की रिकॉल करने की करने की करने की मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ और ये मोमेंट मेरे को अब तक याद है कि सर ने बोला सात बज गई है अब और बैठने में दूंगा नहीं क्लास में क्योंकि तुम्हें अब तो स्केल खाना ही पड़ेगा भाई साहब मैंने बहुत ट्राई किया ऐसे घिस 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 करके पेपर पे कुछ निकल जाए आंसर निकल जाए नहीं निकला एक क्वेश्चन यही पूछा था उन्होंने कहते तुमसे ये ना हुआ बहुत बुरी बात है उन्होंने मेरे हाथ पे दो स्केल मारे मतलब मुझे लिटरली दो स्केल पड़े थे, ठीक है? ये डेरिवेशन उस कराई नहीं थी, तो मेरे को बहुत रोना आया घर जाके कि मेरे को दो जब मेरा हमारे टाइम पे ना ए आई ट्रिपल और आई आई टी जेई का पेपर हुआ करता था जेई मेन और एडवांस नहीं हो करता था तो मेरे उस साल के आई आई टी जेई के पेपर में यही सवाल आया था तो मैं रोई तो बहुत थी मैंने सर को अंदर से बहुत सुनाया कि आप ऐसे मतलब ऐसे मुंह पे तो नहीं सुना सकते ना बट ऐसे मैंने बोला जरूर था सर हमेशा ऐसी ही करते हैं मैंने तो हमेशा इतना अच्छा परफॉर्म किया क्लास में फिर भी मेरे को स्केल पड़ा ये वो ये वो बट उस स्केल की इंपॉर्टेंस मुझे उस दिन समझ आई थी जिस दिन मेरा जेई एडवांस में सेम क्वेश्चन आ गया था सो so, आज मैं ये डेरिवेशन करा रही हूँ याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन आया ना तो स्केल वाली स्टोरी से तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए डेरिवेशन करके दिखा रही हूँ बट पेपर के लिए याद नहीं रखनी है फॉर्मूला याद होगा तो बढ़िया है देखो आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू एम इन वी स्क्वा सही बात है मुझे काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशनशिप चाहिए मैंने आपको कहा कि आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो बाय एम मास से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया एम स्क्र इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम सही है क्या मैंने एम वी का होल स्क्वायर को मैं टू इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ क्या मैंने लिख लिख तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू इंटू एम इंटू काटिक एनर्जी ये क्या है अगर एक पार्टिकल जिसका मास एम है वो काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर भी कुछ वेव लाइक कैरेक्टर होंगे अगर उसके अंदर वेव लाइक होंगे तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी लैमडा एंड हेंस योर फॉर्मूला से इज लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन काइनेटिक एनर्जी लैमडा इज इक्वल टू एच इंटू ठीक है लैमडा इज इक्वल टू एच अपन अंडर उन्म इंटू कैनेटिक एनर्जी बस काश ये उस दिन मेरे को समझ आ जाता कि इस तरीके से कैलकुलेशन करनी थी तो शायद मुझे स्केल वेल ना पड़ता मगर मुझे नहीं पता था इसीलिए मुझे स्केल पड़ा ठीक है डन एक तो ये क्वेश्चन पूछा था सर ने बट मुझे उस टाइम यही नहीं क्लिक कर रहा था ना देखो मेरे से फॉर्मूला क्यों नहीं निकला क्योंकि मेरे को यही नहीं क्लिक कर रहा था मैं बस यही सोच रही हूँ कि ऊपर वाले एम को कैसे मतलब वो लैमडा को कैसे लाऊँ ये वो ये वो अब उस टाइम मेरा दिमाग नहीं चला था बस अगर छोटी सी चीज याद आ जाए भाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एम से कर दो तो आपका क्लैरिटी हो जाएगा मतलब ठीक है डन अब एक और सवाल ये मेरे टाइम का जेई एडवांस का सवाल है टॉपिक नंबर डालो हैश टैग थर्टी फाइव हैश टैग थर्टी फाइव ये मेरे टाइम का जेई एडवांस का सवाल है आजकल जेई एडवांस में एक और लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है एक और अच्छा सवाल पूछते हैं ध्यान से देखो ये कहते हैं मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो कि बचपन में रेस्ट पर था अगर मैंने इसको वोल्ट से किया, वोल्टेज से इसको धक्का मारा तो क्या आपको समझ आ रही है कि अब ये चलने लग जाएगा और जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वापस इसके अंदर कुछ वेव लाइक नेचर होगी अब अगर कोई मेरे से पूछे कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ तो मैं आंसर दूंगी लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू इंटू एम क्या था काइनेटिक एनर्जी और अगर एक पार्टिकल जिसका चार्ज है E उसको V वोल्टेज से आपने धक्का मारा तो ये सारा का सारा इसका एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी में तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखने की बजाय मैं Q टाइम्स V लिख दू एक चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज है Q उसको V वोल्टेज से आपने धक्का मारा तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा होगा तो डायरेक्ट पिछले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर ना दे कर कि दे रखा कि इस इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट से एक्सलरेट किया तो यूज इंग ये फॉर्मूला जेई एडवांस 2021 के पेपर में पूछा गया था जय एडवांस 2021 के पेपर में ये फॉर्मूला आप लोगों से पूछा गया था डन है क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आई डन हैप्पी हो समझ आ गया चलिए मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे क्वेश्चन पहले मैं बता देती हूं हम लोग कितने कंप्लीट कर चुके हैं ओके सिक्सटीन टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं खुशी की बात यह है वी हैव कंप्लीटेड सिक्सटीन टॉपिक्स आई मीन सिक्सटीन सेक्शंस ऑफ द चैप्टर कंप्लीटेड थ सेक्शन कंप्लीटेड चौदह सेक्शन बचे हैं और एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर ओके ये लीजिए बच्चे टाइम लीजिए मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए जो कि जेई मेन 2022 का सवाल है आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटीजर टाइप सवाल है टाइम लीजिए आंसर करिए इंटीजर टाइप सवाल है टाइम लीजिए आंसर करिए जल्दी से कर दीजिए टाइम ले लो आंसर कर लो kariem आया आंसर आया वन एट थ्री सेवन लेट मी चेक द आंसर बच्चे वन एट थ्री सेवन नो 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 थोड़ा तो गड़बड़ किया है सेवनटीन हंड्रेड समथिंग आंसर है चलो मैं कराती हूं कह रहा है द

कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इज मास इलेक्ट्रॉन का दे रखा है न्यूट्रॉन का दे रखा है मैंने कहा एक मिनट एक पार्टिकल की वेवलेंथ के बारे में बात कर रखी है मैंने दिमाग लगाया लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू वी यही होता है तो लैमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एच डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन सही है एच से H

That is nice. X की वैल्यू आ रही है 1758. ये क्वेश्चन अगर इतना चिंदी लेवल का क्वेश्चन जेई मेन में पूछा जाता है तो देखो मतलब पेपर टफ नहीं आता बस ये अंदर तुम्हारा डर है ना ये तुम्हें खा जाता है कि पता नहीं कैसा आएगा कैसे करेंगे ये दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन अब मुझे बताओ क्या ये इतना मतलब भयानक लेवल है कि भाई हमसे ना हो पाएगा आई एम श्योर इतना गंदा तो नहीं था आसान क्वेश्चन था

थर्टी फाइव और ये हैश टैग थर्टी सिक्स टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं सामने देखिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्टी सेवन टॉपिक इसके बाद मतलब फील आ जाएगी यू जब मैं क्वांटम स्टार्ट करूंगी ना यू विल बी लाइक मैम मजा आ गया क्वांटम इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक कि जल्दी जल्दी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और खूब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे टॉपिक का नाम लिखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है एच ई आई एन हाइजन बग्स अनिटी प्रिंसिपल हाइजनबर्ग्स अन

मूविंग एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ये तीनों वर्ड समझने जरूरी है एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते अगर वो मूव कर रहा है उस मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों मेजर करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली तो वो कहता है एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि मूविंग है उसकी अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एगैक्ट मोमेंटम साइमलटेनियॉर अंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल समझिए क्यों मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भैया मुझे अपनी आंख मान लो एक फुटबॉल है जैसे ये बॉटल है ये घूम रही है आपको दिखाई दे रहा है किस पोजिशन पे है ये दिखाई दे रहा है

और मोमेंटम को भी मेजर करने की कोशिश करी तो जब मैंने पोजीशन को मेजर किया मान लो मेरे पास डेल्टा एक्स आया डेल्टा एक्स का मतलब होता है द एरर इन पोजीशन मतलब वो टू एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट जो थे ना इलेक्ट्रॉन के मान लो वो टू मीटर पे था बट मैंने मेजर किया कि ये तो 2.2 मीटर पे आ रहा है तो ये जो 0.2 मीटर आया वो क्या आया वो आया जो एरर आया इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन समझ गए और मान लो डेल्टा पी इज द एरर इन मोमेंटम भाई मोमेंटम में जब हमने मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो जो एरर इन मोमेंटम आ रहा था वो कितना आ रहा था डेल्टा पी तो हाइजनबर्ग ने ये बोला ये बोले कि जो एरर इन पोजीशन आएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो एरर इन मोमेंटम ये जो वैल्यू आएगी दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर टू एच अपॉन

वो था 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 या मैम अनसर्टेनिटी में ऐसी नहीं होनी चाहिए फिर थोड़ा सा और एन आगे लेकर जाते हैं क्या मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को लिख दूम टाइम्स वी मोमेंटम को एम वी लिख दू दिस विल इक्वल टू ग्रेटर तो मास तो फिक्स होता है मगर एरर इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी डेल्टा तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू तो एच बाई फोर मतलब वेलोसिटी पूछता है तो डेल्टा डेल्टा डॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो एच बाई फोर एम क्या ये समझ आया सबको दिस इज क्लियर ब्रेक प्लीज थक गए चलो अभी दस पंद्रह मिनट बाद ब्रेक लेते हैं ठीक है सेवन थर्टी के अराउंड ब्रेक लेंगे हैप्पी पहले मेरे को ये करा दो उसके बाद ब्रेक ले लेंगे हैप्पी हैप्पी पहले ये करा दो क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ब्रेक दे दूंगी ओके okay? एक क्वेश्चन करके दिखाओ ये दो फॉर्मूला याद हो गए थर्टी सेवन टॉपिक नंबर थर्टी एट मैं आपसे पूछ रही हूं टू कैलकुलेट द एरर इन काइनेटिक एनर्जी यूजिंग हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको काइनेटिक एनर्जी में एरर पता करना है सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन -E. तो देखो स्टेप नंबर वन मेरे प्लस वाले बच्चों को आता होगा मैंने कराया था जिनको नहीं आता ध्यान से देखिए क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी में एरर तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मुला से स्टार्ट करें काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं सही है क्या मैं काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला को हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकती हूँ मुझे एरर निकालना है मुझे क्या निकालना है एरर भाई अगर वेलोसिटी में कुछ एरर आया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आएगा तो सबसे पहले मैं लूंगी डिफरेंशियल मैं लूंगी

तो मैं लिखूंगी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम इन टू वी इन टू डेल्टा वी ठीक है अब सब्सिट्यूट करो आप सब जानते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई देल्टा तो तो फोर पाई एम अब डेल्टा वी की जगह ये करो डेल्टा वी क्या हो जाएगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम वी सब्सिट्यूट करिए

एरर इन मास नहीं बच्चे इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से चल रहा है तो हम मानते हैं बट हम मान के चलते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कॉन्स्टेंट बना हुआ है पहले बताइए यहां तक सारी चीजें सबको अच्छे से क्लियर हो गई है किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए दान, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे अब सब लोग एक मिनट मैं ये बता देती हूं कि हम अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले तो ये बता देती हूं एक सौ एक मिनट एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रीक्शन ठीक है अब आप क्वेश्चन करिए नाउ यू डू द क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी रुको ये हो गया है ये रुको ये हो गया है ये रुकिए चलिए बच्चे टाइम लीजिए क्वेश्चन करिए क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का सवाल आप सबके सामने जेईई मेन 2022 का अब तो ग्रीन हार्ट्स अच्छा तुम भी ऐसे करते हो तुम भी ऐसे करते हो मतलब जैसे मैं काउंट करती हूँ ना मुझे पता है कि मतलब मेरा 17 सेक्शन कंप्लीट हो गया बट एक अंदर से ना सेटिस्फेक्शन मिलती है व्हेन यू काउंट इट अगेन आई हैव दिस हैबिट ऑफ जस्ट काउंटिंग द थिंग्स जो मैं कर चुकी हूँ मुझे ऐसा लगता है भाई सत्रह हो गए तो तेरह और भी हो जाएंगे तो इसलिए मैं हमेशा काउंट करती हूँ सेव पी डी हाँ ये क्वेश्चन कर लो फिर सेव uh, पी फिर करती हूँ सेव पक्का 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 पहले ये क्वेश्चन कर लो <coughs> हाइजनबर्ग ये रहा एक और ना इस इस वाले में हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है वो होमवर्क के तौर पे करेंगे वो बी डूइंग इट एज होमवर्क एक मिनट मैं मार्क कर देती हूँ बाद में मत कहना कि मैम ने कहा था और हमने नहीं किया ये मिनिमम अनसर्टेनिटी ये होमवर्क है दोनों सेम क्वेश्चन है दोनों में लगभग लगभग सेम ही चीज यूज हुई है तो एक आप करोगे एक मैं करा रही हूँ करिए टाइम लीजिए आंसर करिए फोर एट वन फाइव लेटमी चेक नो नॉट फोर एट वन फाइव दोबारा करो मैं साथ साथ करके दिखाती हूं क्वेश्चन कह रहे इफ द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी एंड इन द पोजिशन ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल इन स्पेस आर इस पूरे स्पेस में एक छोटू सा पार्टिकल था जिसमें अनसर्टेनिटी पोजिशन में और वेलोसिटी में दे रखी है

अब मैं आपको बोलू अगर कम से कम मिनिमम एरर है पोजीशन में मिनिमम एरर है मोमेंटम में तो मैं ग्रेटर देन साइन हटा के इक्वल टू एच बाई फोर पाई कर लू क्योंकि मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा डेल्टा एक्स कितना लिख रखा है टेन रेस टू दीपा माइनस सेवन मीटर्स डेल्टा पी को मैं मास एम वेलोसिटी कितना लिख दू ये कितना है एरर टू पॉइंट फोर पता टेन पाई पता ट्वेंटी ये सब पता है मतलब मतलब अजीब बातें कर रहे हो क्या हो जाएगा टू पॉइंट फोर इंटू टेन रेस्टू दिपार छब्बीस और छत्तीस और एक माइनस थर्टी थ्री ये क्या आ जाएगा मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड इंटू मास को कैपिटल एम लिखते हैं इज इक्वल टू एच

अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें सिंप्लीफाई कर लो ये टेन टू दी पार माइनस थर्टी थ्री या टेन रेस माइनस थर्टी फोर इसको गोली मारो ये टेन रेस टू दी पार माइनस वन आ जाएगा ठीक है आगे देखो ये ट्वेंटी फोर बाय टेन कर दो ये सिक्सटी सिक्स बाय टेन कर दो टेन से टेन कट गया क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू एम इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट वन फोर को थ्री मान लेती हूँ फोर मान लेती हूँ और ये आ जाएगा टेन टू दी पार माइनस वन इसको थ्री ट्वेंटी टू कर दो ठीक है ये ट्वेंटी टू कर सकते हो फिर ये टू ट्वेल्व सा कर दो सॉरी ये टू इलेवन कर दो टू ट्वेल्व कर दो ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट डिवाइडेड बाई इलेवन इंटू एम इज इक्वल टू टेन रेसुकी पर माइनस वन एम को मल्टी कर लोगे ग्राम्स में एम कितना आ जाएगा ये आ जाएगा वन बाई टेन इंटू इलेवन बाई फोर्टी एट और थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देना सॉल्व करो आंसर आ जाएगा सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा ठीक है डन और और सिंप्लीफाई करो तुम्हारे लिए ये देखो टेन से टेन गया इसको फिफ्टी मान लो फिफ्टी तो ये फिफ्टी ये टू तो लगभग लगभग ट्वेंटी टू आंसर आएगा लगभग लगभग लियो मैंने इतना सिंपल कैलकुलेशन कर दिया लगभग ट्वेंटी टू आंसर आया मैंने तो कितनी सिंपल मतलब मैंने तो पहले पावर हटाई फिर थ्री को भी थ्री मान लिया फिर टू की टेबल लगाई मेरा आंसर बिना इतनी सिंपल अप्रोक्सीमेशन करके भी 22 आ रहा है और इक्कीस पॉइंट नाइन एट इज द करेक्ट आंसर तो इतनी अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ट्वेंटी टू डन समझ गए सब लोग करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ट्वेंटी टू एक मिनट रुक जाओ वन सेकेंड चलिए सो so, कहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं नाउ सेवेंटीन सब टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अब मुझे स्टार्ट करना है विद वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ाने में शायद बहुत टाइम लगता है बट वेन इट कम्स टू क्वेश्चन क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद क्वांटम केमिस्ट्री अब आप मुझे बताइए मुझे पढ़ाते हुए लगभग लगभग साढ़े पांच घंटे हो चुके हैं क्या मैं थोड़ा सा और पढ़ा दूं और फिर ब्रेक ले या मतलब मतलब वो व्हाट पहले तो मैं सेव कर लेती हूँ yes. जी अब आप मुझे बता दीजिए व्हाट्स योर मतलब स्टेटस ब्रेक लेनी है अच्छा मान लो मैं छः पैंतीस पे ब्रेक ले रही हूं चलो पाँच दस मिनट पढ़ा के भी ब्रेक ले अगर सात बजे तक फिर नौ तो बजेगी फिर मत क्या ना फिर दो घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाऊंगी फिर दो घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाऊंगी फिर बिना ब्रेक के लेना है ब्रेक ब्रेक नो ब्रेक मतलब मैं नहीं चाहती ब्रेक देना तुम चाहते हो भाई तुम थक गए हो तो मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहती फिर तुम्हें दो ढाई घंटे मेरे साथ कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ना पड़ेगा या शुड आई स्टार्ट द टॉपिक वेव मैकेनिकल मॉडल सारे ना थके हुए लोग हैं मतलब थकते रहते हो क्या ब्रेक, ब्रेक 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 मांग रहे हो कब से चलो ले लो ले लो ब्रेक फिर पंद्रह मिनट और कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद फिर मेरे साथ ढाई तीन घंटे पढ़ोगे फिर मत कहना कि भाई मैम हम थक गए हैं कोई बात नहीं ब्रेक ले लो फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम भाई साहब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में अगले दस टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे लेट मी टेल यू रुको चेक करके बताती हूँ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम जब पढ़ाना शुरू करूंगी ना और उसके क्वेश्चन व्वेश्चन्स मिला के मैं बताऊँ भाई साहब बहुत मतलब बहुत टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे क्वांटम कंप्लीट करते ही चलो ले लो ब्रेक ले लो कोई दिक्कत नहीं है ले लो तुम्हारा मन है तो <laughs> ले लो फिर क्वांटम करते हैं आराम से बढ़ेंगे कोई ऐसे टेंशन मत लेना कि होएगा या नहीं होएगा बड़े आराम से आ, हो जाएगा उन्नीस रख लेते हैं नाइनटीन मिनट्स है नाइनटीन मिनट्स में मैं वापस आ जाऊंगी एंड देन विल कंटिन्यू क्वांटम, ठीक है ओके okay. Thank you. हाँ जी बच्चे कैन यू हेयर मी मैम स्क्रोडिंजर नहीं आता अभी स्क्रोडिंजर भी कर लेंगे घबराते काहे हैं करें वापस रिज्यूम करें चलिए सो so, स्टार्ट करते हैं अपना आज का एक नया और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम केमिस्ट्री वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड अब आपको ना मैं दो चीजें बताती हूँ One, one second. Just give me one second. मैं आपके साथ ना अभी दो चीजेंटम तो, पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एडवांस लेवल तक का क्वान्ट पढ़ाऊंगी अगर आप जय मेन के क्वेश्चन को टारगेट करते हैं तो अगले यू नो थर्टी फाइव फोर्टी मिनट्स में जितनी भी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे केवल केवल मेन पे फोकस करना चाहते हैं उनको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता दूंगी मेन के क्वेश्चन बन जाएंगे बट एडवांस के लिए मुझे हर चीज बहुत ही डिटेल में पढ़ानी है ठीक है तो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम एक मिनट आ मुझे ये वापस से स्टार्ट करने दो डन <coughs> हाँ जी तो दो तरीके से क्वांटम पढ़ेंगे क्वांटम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में एडवांस लेवल तक के लिए बट अगर Uh, सस्ते लेवल के टॉपिक्स करने हैं मतलब मेन मेन के करा दो तो उसकी भी चिंता मत करो एक बार एडवांस का पढ़ लो उसके बाद अलग से मेन के कुछ शॉर्टकट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी उन्हीं से मेन में सवाल हो जाएंगे मगर एडवांस के लिए देखो पढ़ना जरूरी है सो टाइटल डालिएग टॉपिक नंबर थर्टी नाइन क्वांटम क्यू यू एन टी यू एम क्वांटम मिकैनिकल मॉडल ऑफ एन एटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम सब बच्चे सामने देखेंगे बहुत ही डिटेल में हम क्वांटम मॉडल करेंगे। बच्चे दो साइंटिस्ट थे, एक था हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया और उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्क्रोडिंजर तो हाइजनबर्ग और स्क्रोडिंजर ने मिलकर इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम का निर्माण किया हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था हाइजनबर्ग ने कहा था कि किसी भी माइन्यूट पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजिशन और एग्जैक्ट मोमेंटम मेजर करना अपने बस की बात नहीं है Scrodinger ने कहा कि भैया एटम एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी मेजर्ड मतलब स्क्रोडिंजर ने हाइजनबर्ग की थ्योरी को एटम पे लगा डाला हाइजनबर्ग ने तो ये कहा था भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम मेजर करना हमारे बस की बात नहीं है साइमल्टेनियसली इन्होंने कहा कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करना बहुत ज्यादा आसान बात नहीं है अगर आप इलेक्ट्रॉन का कुछ मेजर कर सकते हो तो यू कैन सिंपली मेजर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इस वर्ड को ध्यान रखना हम केवल 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 आटम के अंदर क्या मेजर कर सकते हैं हम एटम के अंदर यह मेजर कर सकते हैं कि what is the probability कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर रीजन में पाया जा सकता है ठीक है बच्चे अगले दस से पंद्रह मिनट जस्ट मी वन सेकेंड अगले दस से पंद्रह मिनट आपको लगेगा कि मैम क्या चल रहा है कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं बट वही दस पंद्रह मिनट मेरे को दे दो ये दस पंद्रह मिनट अगर आपने मुझे टॉलरेट कर लिया अगर आपने इस क्वांटम केमिस्ट्री को टॉलरेट कर लिया आगे की एक घंटा आपको बहुत स्मूथली समझ आएगा बस गिव अप मत करना अगले पंद्रह से बीस मिनट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ऑफ द यू नो रेगुलर टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है तो टाइम लगता है इस चीज को पढ़ाने में बट खूब अच्छे से समझाऊंगी घबराना नहीं है बहुत मजे से कंप्लीट करेंगे ध्यान से देखो अब श्रोडिंगर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में मूव कर रहा है और डी ब्रोगली ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन के अंदर तो वेव नेचर भी होता है तो श्रोडिंगर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक 3D वेव की तरह मूव कर रहा है इन्होंने कहा कि भैया जैसे एक वेव होती है ना जो थ्री डायमेंशनल में घूम रही है कहते इलेक्ट्रॉन एक वेव मोशन शो करता है इट इज सिमिलर टू द वेव मोशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसके सिमिलर इन्होंने बोला एक थ्री डायमेंशनल वेव के सिमिलर इन्होंने बोला कहते देखो जैसे ये हमारा न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस के चारों तरफ पॉजिटिव फील्ड ध्यान से समझना ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पॉजिटिव फील्ड न्यूक्लियस की और इस पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एक थ्री है क्या आपको एक रफ आइडिया समझ आ गया कि क्वांटम केमिस्ट्री क्या कहती है क्वांटम केमिस्ट्री ये कहती है कि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन एज अ वेव मूव करता है थ्री स्टैंडिंग वेव की तरह इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजिशन एटम के अंदर पता करना पॉसिबल नहीं है हद हद हम क्या कर सकते हैं हम केवल इतना पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आगे देखो चीजें मजा आएगा। अब प्रोडिंगर ने कहा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह है उसका हम वेव मोशन कंसीडर करेंगे तो बच्चे जैसे ही मैं वेव बोलती हूं क्या आपको समझ आ रहा है तो मैं वेव का एक इक्वेशन भी तो होगा ना जैसे y इज इक्वल टू साइन थीटा y इज इक्वल टू कॉस थीटा y इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा थीटा चेंज करोगे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये y इज इक्वल टू साइन थीटा एक वेव का फंक्शन है है ना तो इन्होंने कहा जैसे इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह मूव करता है तो उस वेव का वेव फंक्शन भी होना चाहिए अब इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल था साई इतना बोलो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल था साई क्या ये ठीक है अब देखो ने क्या किया बच्चे कह रहे हैं मैम 800 प्लस प्लस से 300, 400 हो गया अब अरे हर बच्चे का 800 के 800 के बच्चे आई आई टी जाते हैं आप ये सोचो ना आठ लाख बच्चे जेई का पेपर देंगे कौन सा आठ लाख बच्चों का जेई में सिलेक्शन हो जाता है जो लास्ट तक बच्चा टिका रहता है जिसने जेई के लास्ट दिन तक मेहनत करी वही बच्चा जाएगा ना आई तो ये तो आ, वो कहते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आई ये वही वाली रघुकुल रीत है कि स्टार्टिंग में बहुत बच्चे ने ये सारे सेशन फॉलो किए ना कौन कहता है उस बच्चे का आई में सिलेक्शन नहीं होगा होगा मगर कंसिस्टेंसी आपके हाथ में आपको फॉलो करना है हम तो क्लासेस लेंगे बट जिस बच्चे ने लास्ट तक डट कर मेहनत करी ना भगवान भी उसका सिलेक्शन रोक नहीं सकता अच्छे से अच्छे लेवल का कंटेंट आपको दिया जा रहा है बस मेहनत करनी रुकनी नहीं चाहिए अगर छह सात घंटे हर रोज भी टीचर के साथ आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो विश्वास ने क्या किया स्क्रोडिंजर ने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को स्टडी करने के लिए कहते कि मैंने एक इक्वेशन डिराइव करी है जिस इक्वेशन का नाम है वेव इक्वेशन अब मुझे बताओ स्क्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन क्यों डिफाइन करी करीडिंजर ने क्यों अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड वेव इक्वेशन दी सो so दोडेंजर जो वो, जो है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी कर सके कि किस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर ज्यादा है ये सारी चीजें पता करने के लिए स्क्रोडिंजर ने पहले इलेक्ट्रॉन को वेव माना फिर उसका वेव फंक्शन बताया और अब उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने एक नई इक्वेशन दी अब भाई साहब ये इक्वेशन कोई नॉर्मल इक्वेशन नहीं है देखो अदरवाइज आप क्या पढ़ते हो डी बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हो ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर मैं इसका पूरा का पूरा आपको वेव लिख कर दिखाऊं जो कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है इक्वेशन कुछ ऐसे होती है

e minus v into psi 0 ये आपको ही नहीं है बस आपके नोट्स में होगी तो आते जाते आप देख सकते हो ये डबल डिफरेंशियल है जैसे d होता है ना d dx अगर मैंने इसका डबल डिफरेंशियल लिख दिया तो मैं d2 dx2 लिख देती हूँ। मगर अगर मैं दो वेरिएबल्स होते हैं मतलब psi इज अ फंक्शन ऑफ x y z अभी बताती हूँ। जैसे ये जो psi है ना psi वेव फंक्शन ये एक्चुअली इज अ फ्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये तीनों का फंक्शन है इसीलिए हम साई को डिफ्रेंशियट करते हैं पहले एक्स के टर्म्स में वाई और जेड को कॉन्स्टेंट रखते हैं फिर साई को डिफ्रेंशियट करते हैं वाई के टर्म्स में फिर एक्स और जेड को कॉन्स्टेंट रखते हैं तो ना हम डी लिखने के बजाय डेल लिख देते हैं समझ आया इस इक्वेशन को बोलते हैं स्क्रोडेंजर वेव इक्वेशन जहां पर ये जो एक्स वाई जी है ये तीनों कोऑर्डिनेट हैं साई हमारा वेव फंक्शन है, ई e हमारी टोटल एनर्जी है वी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है एच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास ठीक है थोड़ा 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 आगे समझने की कोशिश करते हैं मजा आएगा चीजें क्लियर हो जाएंगी देखो अब स्क्रोडिंजर ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन का जो वेव मोशन है इसको मैं साई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा और ने बोला साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी साई तीन कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है एक्स वाई जी एक्स वाई जी क्या होता है बच्चों देखो जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखाए जाते हैं कि ये ओरिजिन हो गया एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस एक जेड एक्सिस एक एक ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसा ही हमारे पास एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, जिसको बोलते हैं पोलर पोलर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट इसको क्या बोलते हैं सिस्टम। ये सारी की सारी कहानियां जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये एडवांस लेवल तक के लिए इंपॉर्टेंट है मेन में इसका लेना देना कुछ भी नहीं है मेन में नहीं पूछा जाएगा एडवांस में पूछा जाता है अब पोलर कोऑर्डिनेट तीन होते हैं एक होता है आर एक होता है थीटा एक होता है फाइव और कार्टीशियन कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन कौन सा होता है कार्टीशियन कोऑर्डिनेट एक होता है एक्स एक होता है वाई एक, एक होता है जेड एक्चुअली साई एक्स वाई जी की टर्म्स में लिखा होता है मगर जब इलेक्ट्रॉन को मैं थ्री डायमेंशनल में लेती हूँ तो मेरे लिए कार्टीसन कोऑर्डिनेट से डील करने की बजाय हम चाहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में डील करना आपको मैं बताती हूँ जब कभी आप थोड़ा हायर स्टडीज करोगे बैचलर्स करोगे या मास्टर्स करोगे तो आप पूरी वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करते हो अब उसको खुद को सॉल्व करने में आठ से दस पन्नों की प्रॉपर डेरिवेशन होती है कराया जाता है मास्टर्स में कराया जाता है हमने खुद कर रखा है मास्टर्स में सब चीजें कराई जाती है मगर

आपके एडवांस में आपकी हेल्प हो सके पेपर बढ़िया जा सके उतना मैं सिखा देती हूँ बड़े ध्यान से देखिए आपने तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक कोऑर्डिनेट ये जो कार्टिसन कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग मान लो इसको मैंने एक्स कहा इसको वाई कहा इसको जेड कहा एक ही बार समझाऊंगी ध्यान से समझना कार्टिसन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी मान लो एक पॉइंट है पी एक पॉइंट है पी जो कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है थ्री डाइमेंशन। आपको ऐसा लग सकता है कि ये वाई जेड प्लेन में है ये वाई जेड प्लेन में नहीं है मगर ऐसे ये बाहर की साइड निकला हुआ है पी पॉइंट ठीक है बाहर की साइड निकला हुआ है मान लो ये जो पी पॉइंट है या ये जो आर वेक्टर है ये जेड एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है कौन सा एंगल थीटा ये देखो आर समझ आ गया आर आर क्या था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है r ये थीटा क्या है थीटा इज द एंगल व्हिच r इज मेकिंग विद z एक्सिस r z एक्सिस से कितना एंगल मेक कर रहा है उसको थीटा कहते हैं अब थोड़ी सी मैथ्स यूज करते हैं अगर मैं इस पॉइंट p की परछाई लेती हूँ z एक्सिस पे तो ये एंगल के बाजू वाली लाइन क्या बन जाती है r cos थीटा सबको समझ आया और अगर P पॉइंट की परछाई मैं लेती हूँ एक्स वाई प्लेन पर ये एक्स वाई प्लेन पर P पॉइंट की परछाई ली है P डबल डैश तो ये क्या बन जाएगा R साइन थीटा क्या बन जाएगा R साइन थीटा क्या ये बात सबको समझ आई अभी ठीक है चेक करना हाँ वो ये ओ बी एस हैंग हो गया था लैग इस वजह से आया था कि ओ बी एस जो है वो हैंग हो गया था तो अभी मैंने रीस्टार्ट किया क्योंकि काफी देर से वो चल रहा है ना इसीलिए कई बार वो हैंग हो जाता है तो काफी देर से चल रहा था ठीक है डन आर समझ आ गया P पॉइंट की परछाई Z एक्सिस पे क्या कहलाएगी R cos थीटा P पॉइंट की परछाई एक्स वाई प्लेन पे क्या कहलाएगी r साइन थीटा यहाँ ठीक है आगे देखो मान लो ये जो P पॉइंट की परछाई है परछाई को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन मान लो ये प्रोजेक्शन जो है ये phi एंगल बनाता है किसके साथ ये phi एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है phi अब इस P डैश पॉइंट की परछाई अगर आपको मैं बोलूं यहां पर लीजिए और इसकी परछाई y एक्सिस पर लीजिए तो जब इसकी परछाई x एकस एक्सिस पे लेंगे क्या बन जाएगा r साइन थीटा कॉस 5 और जब इसकी परछाई y एक्सिस पे लेंगे तो क्या बन जाएगा r साइन थीटा साइन 5 ये मैंने हर डिटेल लेवल का कराया अगर एडवांस में भी क्वेश्चन आए तो दिस इज मोर देन एनफ मगर जिसको इतना नहीं समझ आया आपको इतना रिटेन नहीं रहता तो आपसे एडवांस में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कार्टीसन को आपको एडवांस में यह पूछा जा सकता है कि जो सी आर टी एसन कोऑर्डिनेट है उसको पोलर कोऑर्डिनेट में या वाइस वर्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए आपको यह याद रखना है z की वैल्यू होती है r कॉस थीटा x की वैल्यू होती है R sin थीटा cos फाइव और वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा साइन फाइव ये जो बच्चे इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते केवल इतना ही याद रख सकते हो तो भी चलेगा Z is R cos थीटा X is R sin थीटा cos phi, Y is R sin थीटा sin phi. इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा मैंने आपको ठीक है <coughs> मैंने आपको पूरा एडवांस लेवल का जितना भी पूछा जा सकता था वो सब यहाँ पर सिखा दिया इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा जेई एडवांस में कार्टिसन और पोलर कोऑर्डिनेट्स का कोरिलेशन ठीक है डन यहां तक सबको अच्छे से समझ आया बच्चे ये मेन के लिए नहीं है केवल एडवांस के लिए बता रही हूं आगे देखिए अब क्या हुआ मान लो मेरा जो ये आ, वेव फंक्शन था जो एक्स y और z की टर्म्स में था अब मैं इसको r थीटा phi की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ मैंने कुछ 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 चेंजेस करे x को r sin थीटा cos phi लिखा y को r sin थीटा sin phi लिखा z को r cos थीटा लिखा और मेरा पूरा वेव फंक्शन साई xyz की टर्म्स में लिखने की बजाय मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख दिया ठीक है अब आपको याद है मान लो मैं एक साई लिखती हूँ साई की वैल्यू है फाइव साइन क्यूब कुछ इस तरीके से मैंने लिखा मान लो ये साई si है तो आपको दिखाई दे रहा है साई si के दो हिस्से हैं ये जो साई si है इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ कि ये एंगुलर पार्ट एंगल वाला पार्ट अलग कर दिया और ये रेडियस वाला पार्ट अलग कर दिया तो इस साई को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक हो गया साई आर एक हो गया साई थीटा 5 मतलब जितना भी एंगल वाला पार्ट था थीटा या 5 वाला पार्ट उसको मैंने अलग रख दिया और आर वाले पार्ट को मैंने अलग रख दिया ध्यान से सुनो वेव फंक्शन का वो हिस्सा जिसके अंदर आर इन्वॉल्व है इसको बोल देते हैं आर आर और वेव फंक्शन का वो हिस्सा जिसमें एंगल्स इन्वॉल्वड हैं इसको बोल देते हैं ए थीटा थीटाफाई सामने देखिए अब हमारा साई आर थी किस टर्म्स में टूट गया मेरे पास हमारा एक कंप्लीट कंप्लीट वेव वेव फंक्शन फंक्शन है है यह है complete wave function. इसके दो हिस्से मैंने कर दिए या एक कंप्लीट वेव फंक्शन दो छोटे वेव फंक्शन से मिलकर बना है इसको कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन क्या बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन और इसको बोलते हैं एंगशन वंस अगेन मेन के लिए कुछ भी नहीं पूछा जाएगा सब एडवांस लेवल की कहानियां चल रही है क्या होता है बच्चे पढ़ते नहीं है फिर जब main के अच्छे questions आते हैं ना तो इनसे बनते नहीं है इसीलिए पढ़ना जरूरी है चाहे आप मेन के लिए भी पढ़ रहे हो ना रटो मत बट समझना जरूरी है क्योंकि तभी मेन लेवल के भी क्वेश्चन के आंसर बनते हैं इनको पढ़ना कंपल्सरी है डन है रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हैप्पी तक थोड़ी सी क्लैरिटी गई थोड़ी सी अब देखिए मैम क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये सारी कहानी तो बहुत बढ़िया है बट मैम ये बताओ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे अब हम आ, क्या टाइम हो चुका है टाइम हो चुका है लगभग लगभग आठ बज के बीस मिनट अब मैं नौ बजे तक ना केवल वो चीजें पढ़ाऊंगी जिनसे क्वेश्चन आते हैं अभी हमने समझा बीस मिनट में मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया आपको अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये बताती हूँ सबसे पहले साई को क्या बोलते हैं वेव फंक्शन चलिए फटाफट से चैट्स में बताइए साई का साई को निकाला ही क्यों गया था बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह मूव करेगा तो वेव को डिफाइन करने के लिए वेव फंक्शन होना चाहिए जिसको हम साई कहते हैं ठीक है थीके? दो वर्ड लिखवा रही हूं ये आपको दिमाग में फिट करने हैं क्यों करने है, वो बाद में बताऊ बच्चे साई हमें बताता है प्रोबेबिलिटी एम्प्लीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है आप में से नाइन एट परसेंट जनता को यह नहीं समझ आएगा घबराना मत कनेक्टिंग द डॉट्स है मुझे दस मिनट दो अपने आप आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड एंड एक्सप्लेन यू बट अभी के लिए एक बार लिखो कि साई का मतलब है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन सुनो मान लो एक वेव है एक वेव है ठीक है इस वेव को मैंने वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट कर दिया जैसे वाई इज इक्वल टू साइन थीटा है तो जिसको वाई बोलते थे इसको मैंने साई बोल दिया ये जो डिस्टेंस है क्रेस्ट का या ट्रफ का ये क्या कहलाता था एम्पलीट्यूड क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी मैं नहीं पता कर सकती एटम के अंदर इसीलिए मैं प्रोबेबिलिटी पता करने की कोशिश करती हूँ है ना तो जो साई है वो अगर इलेक्ट्रॉन एज चलता है तो उस वेव का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या बताता है साई आई एम स्टिल श्योर आपको नहीं समझ होगा घबराइएगा मत थोड़ा सा हिंट लो साई क्या था वेव फंक्शन मतलब वेव को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल टूल वेव का वो क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस होता है मगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजिशन के बारे में बात नहीं करके प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो साई जो है वो प्रोबेबिलिटी एम्प्लीटूड बताता है अब देखो यहाँ पर साई की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है जीरो हो सकती है तो क्या मैं लिख दू वैल्यू ऑफ साई कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो साई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इट कैन बी प्लस माइनस जीरो मेन में पूछा गया सवाल एनसीईआरटी में लिखी गई एक चीज है कि जो साई है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है सिग्निफिकेंस का मतलब यार मैं नहीं बता पा सकती मतलब मैं खुद तुम्हें ये नहीं, नहीं बता सकती कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड की फील क्या होती है नहीं तो हमें पता है ना जैसे फिजिकली ये बॉटल है ये पानी है ये पानी प्यास बुझाता है मगर साई के बारे में मैं नहीं बता सकती कि भैया क्या बताता है इसीलिए मैंने लिखवाया कि साई बताता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपको बोला कि इस चीज को अभी रख लो दिमाग में अभी बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि साई का खुद कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता अब स्क्रोडिंजर ने कहा यार ये तो गलत बात हो गई कि जब साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं तो मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूंगा भाई कन्... साइंटिस्ट 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 ने साई निकाल दिया है है को पता कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है बट ना तो वो दुनिया को बता पा रहा है ना मैं तुम्हें बता पा रही हूँ तो स्क्रोडिंजर निकाली ठीक है साई से अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझ आती ना आप एक काम करो आप साई स्क्वेयर निकालो साई स्क्वेयर अब हम बात करते हैं साई स्क्वायर क्या अब धीरे धीरे समझ आएंगे चीजें स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डेंसिटी बच्चे देखो क्या जैसे डेंसिटी जो हम मास डेंसिटी पढ़ते हैं नॉर्मल जो डेंसिटी होती है ना वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली उसको डेंसिटी ना बोल के एक्चुअल वर्ड होता है मास डेंसिटी मतलब कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे मान लो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है तो हम पढ़ते हैं चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और अगर मुझे तुम्हें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ाना है तो क्या आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब समझ आ गया इट मस्ट बी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम अब समझ आया साइ स्क्वायर क्या बताता है साइ स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि यह बताता है िटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रॉबेबिलिटी क्या है वो कौन बताता है वो बताता है साई का स्क्वेयर कौन बताता है साई का स्क्वेयर समझ आया अब देखो अब धीरे धीरे देखो साई नहीं समझ आता साइज़ स्टिल दिमाग में कुछ गया अच्छा प्रोबेबिलिटी इतने एरिया इतने वॉल्यूम में कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉन को पाए जाने के लिए अब मैं तुमसे पूछू कि मुझे बताओ वॉट इज प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे तो क्या सबको दिखाई दे रहा है प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अगर मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन तो मैंने कहा व्हाट इज इज द द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन साई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम यही तो हमने निकालना था यही तो स्क्रोडिंजर ने कहा था कि मुझे यह पता करना है कि इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई थोड़ा सा क्लियर हुआ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया देखो मैंने कहा था ना दस मिनट तुम्हें लगेगा कि बकवास है जब यहां से स्टार्ट किया था तो तुम्हें लग रहा था ना कि ये बकवास है मतलब मैंने शुरू में कहा था कि स्क्रोडिंजर ने कहा एटम के अंदर एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर नहीं किया जा सकता हम क्या मेजर कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी मेजर कर सकते हैं फिर स्क्रोडिंजर ने कहा इलेक्ट्रॉन एक थ्री वेव है जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में है कहता अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ वेव फंक्शन भी होना चाहिए अब उस वेव फंक्शन को स्टडी करने के लिए इन्होंने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन दिया प्रॉब्लम आई कि जो वेव फंक्शन था वो तो एक्स वाई जी की टर्म्स में था हमने कहा भैया हमें तो लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना है क्यों ना नया कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करें ये पोलर कोऑर्डिनेट फिर किसी तरह मैंने कार्टिसन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की इंटर सीखी फिर मैंने कहा ये जो वेव फंक्शन था एक्स वाई जी की टर्म्स में इसको आर थीटा फाइव की टर्म्स में लिखा फिर इसको भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक रेडियल पार्ट कंसीडर किया एक एंगुलर पार्ट कंसीडर किया मैंने कहा ठीक है मैंने कहा भैया ये तो बताओ साई क्या करता है तो स्क्रोडिंजर ने टर्म दी कहता साई प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है मगर साई बताता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन लोग पत्थर मारने पे आ गए कि भैया क्या होता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ढंग से बताओ कहता है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है नहीं समझ आएगा साई का स्क्वायर करो फिर कहता है साई का स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फिर लोगों को उसने बताया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम लोगों ने कहा भैया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थोड़ी ना पता करनी थी हमें तो यह पता करना था प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन कितने है। स्क्वायर निकालो उसको स्मॉल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो आपको पता चल जाएगा उस स्मॉल वॉल्यूम में वॉट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन अब सच्ची सच्ची अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या थोड़ी सी क्लैरिटी हुई कि भैया अच्छा वेव फंक्शन या क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली होता क्या है क्लियर है बच्चे आईआईटी में जब मैं आईआईटी रुड़की में थी हमारा पूरा मेरी जो मास्टर्स है वो क्वांटम में है मतलब मैंने तो दो साल क्वांटम पे पेपर्स वेपर्स लिख के बिताए हैं मतलब फुल ऑन पूरे क्वांटम डिटेल में स्टडी करी है सो आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली जितना मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत कम है ठीक है बट अगर मैं इससे ज्यादा बताऊंगी तो वो अपने एडवांस के सिलेबस में नहीं है इट विल जस्ट बी लाइक कि मैं शो ऑफ कर रही हूं मुझे कितना आता है और मुझे उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा मैं आपको उतना वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट समझा रही हूँ जितना पेपर में रिक्वायर्ड है फॉर यू नो एडवांस क्लियर करने के लिए जितना रिक्वायर्ड मैं बता रही हूँ ना मैं कम बता रही हूँ ना मैं ज्यादा बता रही हूँ अप्रोप्रियट बता रही हूँ अप्रोप्रियट ठीक है साई स्क्वायर कैसे निकाला साई निकाल लिया ना उसका स्क्वायर कर देंगे साई बता दूंगी बट साई स्क्वायर निकालना ये सब हो जाता है, मतलब है, हो जाता है. कर लेना है डीवी से मल्टीप्लाई कर लेना सब हो जाएगा अब एक नई चीज देखिए एक नया टर्म होता है बच्चे अच्छा थोड़ी अच्छी बात तो कर लेते हैं ये तो बता दू की कि हमारा कितना हो गया है. ये, ये ये कितना हो गया ये बता देती हूँ चलो पहले कर लो फिर बताती हूँ बच्चे एक नई टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं नोट नोट्स क्या होते हैं नोट्स वो होता है द रीजन ऑफ द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज जीरो स्पेस का वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं उस रीजन को बोलते हैं नोड। अब दिमाग लगाना। मैंने बोला, है प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम जीरो है यही तो होता है प्रोबेबिलिटी तो इसको जीरो कर दिया अब यार वॉल्यूम तो जीरो हो नहीं सकता तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो मतलब वेव फंक्शन जीरो तो अगर किसी वेव का वेव फंक्शन जीरो आ रहा है आगे देखो बहुत अच्छी चीज है अब वेव वेव फंक्शन फंक्शन जीरो आया मतलब वेव तो रेडियल पार्ट भी होता है और एंगुलर पार्ट भी होता है वेव फंक्शन जीरो आया मतलब नोड बन गई अब साई तो दो तरीके से जीरो हो सकता है ना या तो रेडियल पार्ट जीरो हुआ या एंगुलर पार्ट जीरो होगा अगर रेडियल पार्ट जीरो होता है तो इसको बोलते हैं रेडियल नोड और अगर एंगुलर पार्ट जीरो होता है इसको बोलते हैं एंगुलर नोड क्या ये बात समझ आई तो दो प्रकार के नोड्स हो गए एक हो गया हमारा रेडियल नोड एक हो गया हमारा एंगुलर नोड समझे हो आया है कॉन्फिडेंस हैप्पी ठीक है अभी धीरे धीरे सब होगा बस घबराना मत विश्वास रखो मैं हर चीज कराऊंगी तुम्हें हर चीज तो थोड़ी अच्छा मैं एक मिनट सेव कर लेती हूं फाइल सेव एस डेस्कटॉप सेव एक मिनट है मैं सेव कर लेती हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं ये देखो अभी अभी मैंने पूरा एडवांस प्योर एडवांस लेवल का क्वांटम तुम्हें पढ़ाया है जितना पढ़ाया है उसमें एडवांस की हर चीज कवर हो गई अब अगर तुम्हें सस्ते लेवल के मेन के क्वेश्चंस करने हैं तो मैं तो मैं वो भी बता देती हूँ पहले एक मिनट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस 19 टॉपिक्स हम लोगों के मतलब 19 सेक्शंस हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं केवल 11 सेक्शंस बचे हैं एंड जब ये कंप्लीट होगा ना तुम्हें फील आ जाएगी यू विल बी लाइक मैम मजा आ गया तो अब तो मुझे हार्ट्स मिलने चाहिए चैट्स में अब तो मैम जेई मेन में, में क्वेश्चन कैसे आते हैं करा रही हूँ जेई मेन के भी कराऊंगी घबराना मत सब करा रही हूँ अब तो आई वॉन्ट ग्रीन कलर के हार्थ अंदर चैट टूडे ग्रीन हार्ट चैट्स में आ जाने चाहिए ये देख रहे हो भाई साहब हर चीज हैंड रिटन मतलब आई लव दिस थिंग आई लव जब ऐसे नोट्स होते हैं ना मतलब मुझे खुद के ही नोट्स से प्यार हो जाता है कि एक एक चीज इतना प्रिसाइजली है कि देखते ही याद आ, आ जाए कि अच्छा ये करना था ये करना था ऐसे नोट्स बनाया करो ट्राई टू हैव हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स लाइक दिस कि सब मेन मेन जरूरी नहीं है नोट्स मतलब डेरीवेशन डेफिनेशन ये सब इन सब की जरूरत नहीं होती ऐसे शॉर्ट में लिखोगी कि भाई तुम जब भी पढ़ो ऐसे ये देखो ये मतलब दिस इज अ गुड हैबिट कि ये क्रॉस कर दिया ये, ये नहीं कहता ये ये कहता है इस तरीके से लिखोगे ना नोट्स अच्छे होते हैं नंबर मिलते हैं मतलब एक मिनट न कौन सा टॉपिक थर्टी नाइन्थ टॉपिक ये सीखा था फिर फोर्टीएथ टॉपिकोडिजर वेव इक्वेशन सीखी फिर फोर्टी फर्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखा फोर्टी सेकेंड टॉपिक ट्रांस दोनों का इंटरकन्वर्जन सीखा ठीक है फिर फोर्टी थर्ड टॉपिक वेव फंक्शन के बारे में सीखा टॉपिक मतलब ऐसे कम से कम तुम मुझे बता दोगे ना ये टॉपिक में कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ टॉपिक सीखा फिर टॉपिक नोट सीखा ठीक है टॉपिक नंबर फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स टॉपिक आज की क्लास का सुनिए मेरी बात बच्चे नोट ये जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं इस स्लाइड पे लिखने वाली हूँ मार्क कर लो मेरी गारंटी है कि जेई मेन में पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरी गारंटी आई गिव यू माय वर्ड्स किसी भी शिफ्ट में आए मगर आएगा जरूर बच्चे नोट्स दो टाइप के होते हैं एक होता है रेडियल नोट एक होता है एंगुलर नोट रेडियल नोट का दूसरा नाम होता है स्फ़ेरिकल नोट्स इनको बोलते हैं स्फेरिकल नोड्स अब क्यों बोलते हैं स्फेरिकल नोड्स ये सारी चीजें हमने नर्चर बैच में भी सीखी थी बट अब देखो एक एक चीज को बहुत रबड़ की तरह इलास्टिक की तरह खींचूंगी तो फिर कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे बट अगर जानना हो तो नर्चर बैच में मैंने सिखाया था एंगुलर नोड्स को दूसरा नाम बोलते हैं नोडल प्लेन्स आपस में डिस्कस भी कर सकते हो टेलीग्राम पर कि क्यों ये क्यों ये याद रखने का तरीका बता देती हूँ

बच्चे टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं एन माइनस वन जिसमें से नोड होते हैं L, तो रेडियल नोड कितने होते हैं N -L -1. ये तीन आपको याद रखने हैं जो भी इस स्लाइड पे लिख रखा है आपको हंड्रेड परसेंट याद रखना जरूरी है यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग कहाँ से ये नंबर आए ये सब आपको नहीं जानना एडवांस तक के लिए मगर ये याद रखना है टोटल एन माइनस वन होते हैं एंगुलर एल होते हैं तो रेडियल कितने हो गए एन में से एल में से वन गया अब आप सोच रहे होंगे मैम एन तो ठीक है आपने समझाया था मगर ये एल क्या है अभी समझाती हूँ टॉपिक डालिए हैश टैग टॉपिक नंबर हैश टैग टॉपिक नंबर फोर्टी सेवन अब आप देखो कैसे फटाफट टॉपिक्स भी कंप्लीट होते हैं और जेई के क्वेश्चंस भी आप करते हैं टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर क्या है टॉपिक का नाम क्वांटम नंबर ध्यान से सुनिएगा क्वांटम नंबर क्या होते हैं आपने स्क्रोडर वेव इक्वेशन पूरी की पूरी लिखी याद है वो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साई बाय डेल वाई प्लस डेल डेल जेड स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर एम बाय एच इनटू ई माइनस वी इनटू साई इज इक्वल टू जीरो ये पूरी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपने सोल्व करी ठीक है सोल्व करने के बाद जो वेव के सॉल्यूशन निकले तीन सॉल्यूशन निकले तीन कितने सॉल्यूशन निकले तीन जैसे वाइज इक्वे तो फिर आप सॉल्व करते हो ना x की वैल्यू वो सब सॉल्व करते हैं मैथ्स में तो जो सॉल्यूशन निकलते हैं ऐसे ही स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तीन सॉल्यूशंस निकले ठीक है जिसमें से इन तीन सॉल्यूशंस को बोलते हैं क्वांटम नंबर क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर कौन कौन से थे, थे तीन एक था एन एक था एल एक था एम तो जो तीन क्वांटम नंबर होते हैं एन एल और एम दीज आर नथिंग बट दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ स्क्रोडिजर वेव इक्वेशन हमारे पास एक फोर्थ क्वांटम नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं एस ठीक है मगर याद रखिएगा ये फोर्थ क्वांटम नंबर थियटिकली डिराइव किया गया है इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करने के बाद केवल तीन क्वांटम नंबर निकले एन एल और एम ठीक है एन एल और एम अब मैं ये तीन क्वांटम नंबर आपको डिटेल में समझाती हूँ एक एक करके सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है एन जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं ये एन वही है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जानते हैं अब मैं आपको एक बात बताती हूं जब हम बच्चों को खैर ये तो मतलब आप में काफी बच्चे ड्रॉपर हैं काफी ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं इलेवंथ भी ऑलमोस्ट मिड वाले बच्चे हैं बट जब हम शुरू शुरू में ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ाते हैं ना और जब हम बच्चों को बोलते हैं कि जो आपने बोर्स एटॉमिक थियरी पढ़ी थी या जो आप नाइन्थ टेंथ में पढ़कर आए हो वो सब गलत था तो बच्चे इतना यू नो इस चीज को नेगेटिवली लेते हैं कि हमें क्यों गलत पढ़ाया क्यों बचपन से हमें क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ाई क्यों बोर्स एटॉमिक थियोरी पढ़ाया जब गलत है सी बी एस ई ऐसा है जेई ऐसा है मतलब कई बच्चे बहुत हंगामा मचाते हैं आपको मैं एक बात बताती हूँ ये जो इतनी महान स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपने सॉल्व करी इस महान स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो पहला सॉल्यूशन आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चे दिस इज एग्जैक्टली द सेम जो बोहर ने बताया था बोहर में हम करते थे ना एन तो ये वाला एन जो क्वांटम केमिस्ट्री से निकल के आया और जो एन बोर्स एटॉमिक मॉडल से आया था दे आर एग्जैक्टली द सेम याद है बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम कहते थे एन इज़ इक्वल तू वन टू थ्री फोर इस सेम एस के एल एम एन ये वही एन है एन हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में लाई करता है किस ऑर्बिट में लाई करता है किस एनर्जी लेवल में लाई करता है एन मुझे ये बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ये करानी था रेडियस ऑफ एन एथ ऑर्बिट विलोसिटी ऑफ एन एथ ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनेट तो जो जो चीजें हम बोर्ड अटोमिक मॉडल में सीख कर आते हैं वही की वही काफी सेम चीजें हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम से भी पता चलती हैं इसीलिए हम आप बच्चों को क्वांटम केमिस्ट्री बहुत कम पढ़ाते हैं बिकॉज इट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट नाइंथ में आपको ये नहीं पढ़ाया जा सकता था इसीलिए नाइन टेंथ में आपको बोर्स एटोमिक थियोरी ही पढ़ाई जाती है क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन सबको क्लियर हो गया व्हाट इज एन डन है आगे देखिए हैशटैग अब हमारे पास होता है म्यूथल क्वांटम नंबर मैंने रिसेंटली ये ये चीज जो है ना अपने नर्चर बैच में पढ़ाई तो मैंने अपने आईआईटी रुड़की के हॉस्टल मैं जिस हॉस्टल में रहती थी उसका नाम था कस्तूरबा हॉस्टल उसका एग्जाम्पल दिया था मैं आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ बच्चे मान लो ये आपका एक हॉस्टल है हाइपोथेटिकल हॉस्टल मेरे हॉस्टल का नाम आईआईटी रुड़की में था कस्तूरबा हॉस्टल ठीक है अब जनरली क्या होता है ये जो ग्राउंड फ्लोर होती है ना यहाँ ग्राउंड होते हैं और मेस होती है ठीक है ये ये ग्राउंड फ्लोर हो गया तो ये मैंने लिख दिया न्यूक्लियस ग्राउंड फ्लोर को मैंने क्या माना न्यूक्लियस मेस वगैरह यहाँ पर है अब जो हमारी फर्स्ट फ्लोर होती है जिसको मैंने बोल दिया एन इज इक्वल टू वन फ्लोर का मतलब है मैं किसकी बात कर रही हूँ ऑर्बिट वापस समझना ये जो मेरी दूसरी फ्लोर है एन इज इक्वल टू टू इसको मैं क्या बोल रही हूँ ऑर्बिट ऑर्बिट बोल दो शेल बोल दो लेवल बोल दो आपकी मर्जी है एन इज इक्वल टू थ्री ये क्या है थर्ड ऑर्बिट समझ गए थर्ड शेल डन मान लो बच्चे फर्स्ट फ्लोर पर केवल एक ही रूम बना हुआ है इसी लेवल पर रूम बना हुआ है एक ही लेवल पर रूम बना हुआ है समझ गए एक ही लेवल पर, मगर जब मैं सेकंड फ्लोर पर जाती हूँ बच्चे दो लेवल्स पर रूम बने हुए हैं मान लो ये दो लेवल है एक नीचे का लेवल हो गया रूम का एक ऊपर का लेवल हो गया रूम का तो अगर ये लेवल कहलाता है तो ये और ये सब लेवल कहलाएंगे सही है अगर मैं थर्ड फ्लोर पर जाती हूँ तो मी टेल यू बच्चे तीन प्रकार के लेवल्स हैं मान लो इस तरीके से रूम्स बना रखे हैं तीन लेवल में तो अब हमारा जो रूम है रूम का मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब लेवल में बिलोंग करता है क्या वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है यहाँ है या यहाँ है क्या वो इलेक्ट्रॉन यहां है या यहाँ है या क्या वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है ये मुझे कौन बताता है ये मुझे बताता है हमारा सेकंड क्वांटम नंबर जिसका नाम क्वांटम नंबर इसका क्या नाम है दिस इज नोन एज इसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर समझ आया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये ये बताता है इट टेल्स यू द सब लेवल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स इलेक्ट्रॉन किस सब लेवल को बिलोंग करता है दैट इज नोन एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दैट इज नोन एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और बच्चे एल की वैल्यू होती है जीरो टू एन माइनस वन जैसे मान लो अगर एन इज इक्वल टू वन है तो एल क्या होगा जीरो से जीरो वन माइनस वन मतलब एल की ए की वैल्यू होगी जीरो अगर एन टू है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1 अगर n 3 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1.2 सबको नजर आ रहा है देखिए अगर फर्स्ट फ्लोर था तो एक ही L था which इज L is equal to zero ये क्या है सब लेवल L is equal to zero अगर फ्लोर नंबर two है तो दो सब लेवल हैं इसको बोलेंगे L is equal to zero इसको बोलेंगे L is equal to one अगर थर्ड फ्लोर है तो तीन सब लेवल है एल इज इक्वल टू जीरो एल इज इक्वल टू वन एल इज इक्वल टू टू क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई जीरो वन टू अब ध्यान से देखिए मैंने इनके भी नाम रख दिए बच्चे अगर एल की वैल्यू जीरो होती है उसको बोलते हैं एस सब शेल इसको क्या बोलते हैं एस मतलब इसको बोलते हैं नेम ऑफ सब शेल क्या होगा एस ये क्या है नेम ऑफ सबशेल इसको बोलते हैं एस सबशेल अगर एल की वैल्यू वन है इसको बोलते हैं पी सबशेल एल की वैल्यू टू है तो इसको बोलते हैं डी सबशेल एल की वैल्यू थ्री मतलब एफ सबशेल तो एल जीरो मतलब एस सबशेल एल जीरो मतलब एस एल वन मतलब पी ये मतलब एस ये मतलब पी ये मतलब डी अब सारे सब लेवल के नाम रखो देखो ये क्या बन जाएगा एन इज इक्वल टू वन और एस ये बन जाएगा one S यहां पर अगर रूम होगा तो क्या बन जाएगा टू एस इस वाले रूम का नाम क्या होगा टू पी ये रूम का नाम देखो थर्ड फ्लोर पे है मगर एल जीरो है तो थ्री एस थर्ड फ्लोर पे है थ्री पी थर्ड फ्लोर पे है एल की वैल्यू टू थ्री डी सब शेल अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई कि सब शेल और सब लेवल में क्या रिलेशन होता है, है? Sub 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 क्या है शेल क्या है थोड़ी सी क्लैरिटी हुई ठीक है अब देखो मजा आ जाएगा जे मेन के लिए तो ये कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल चीजें आएंगी आगे पढ़ते हैं टॉपिक नंबर फाइव जीरो देखिए नेक्स्ट है बच्चे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम या फिर कई बुक्स में एम एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये मुझे बताता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑफ अ तब शेल, तब शेल कितनी कितनी डायरेक्शन से ओरिएंटेड हो सकता है मान लो बच्चे अच्छा एक और चीज बताना भूल गई एस का मतलब होता है स्फेरिकल एस का मतलब है शेप स्फेरिकल पी का मतलब है डम्बेल टाइप की शेप डम्बेल उठाते हैं ना एक्सरसाइज करते हो वो डम्बेल की शेप डी का मतलब है डबल डम्बेल टाइप की शेप और F कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसको मैं ड्रॉ भी नहीं करूंगी ये कॉम्प्लेक्स होता है वी विल नॉट ड्रॉ इट इन एडवांस सिलेबस ठीक है आगे देखिए बच्चे M बताता है कि पॉसिबल ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर सब्शेल किस किस दिशा में ओरिएंटेड है फॉर एग्जाम्पल एम की वैल्यू होती है माइनस एल से लेके प्लस एल एम की वैल्यू कहां से कहां तक होती है माइनस एल से प्लस एल शांति देखो अगर एल जीरो है तो एम भी जीरो होगा यानी कि एल जीरो का मतलब एस एक ही डायरेक्शन में होती है चाहे आप इसको एक्स एक्सिस बोलो वाई एक्सिस बोलो जेड एक्सिस बोलो वो हर दिशा से एक जैसी दिखती है अगर एल की वैल्यू वन है ये एस सबशेल ये पी तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएंगी माइनस वन जीरो वन यानी कि पी सबशेल तीन तरीके से नेचर में ओरिएंटेड है देखो मान लो मैंने ये लिखा एक्स एक्सिस तो या तो PX के अबाउट ओरिएंटेड है, इसको बोलते हैं पी एक्स या मैंने लिखा वाई ये पी वाई एक्सेस के अबाउट ओरिएंटेड है, ऑरिए या फिर मैंने लिखा जेड एक्सिस या तो पी जेड एक्सिस के अबाउट ओरिएंटेड है इसको बोलेंगे पी जेड तो p जो रूम है p जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से ओरिएंटेड है अब ध्यान से देखो ये फिगर बनाओ अब एक फिगर बनाती हूँ, ग्रीन कलर से 1s ऐसा सा दिखेगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे 2s ऐसा एस दिखेगा एक ही होगा और वो ऐसा दिखेगा 2p तीन तरीके से दिखेंगे एक तो ऐसा दिखेगा y एक्सिस में एक x एक्सिस में दिखेगा एक z एक्सिस में दिखेगा बच्चे इन तीनों में से कोई भी पी एक्स पी वाई पी जेड ले सकते हैं आगे देखें हाँ जी बच्चे बताना आ रही है आवाज आ रही है अरे यार ये ओबीएस नहीं चल रहा ओबीएस में जो स्क्रीन है ना वो बारी बारी फ्रीज हो रही है आ रही है आ रही है थैंक यू बच्चे थैंक यू सेव पीडीएफ वाले मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं बच्चे याद दिलाते करो सेव सेव डेस्कटॉप यस कहीं पता चले सारी मेहनत बर्बाद हो गई देखें करें आगे अभी मेरे ख्याल से काफी क्लैरिटी हो जाए हो चुकी होगी कि एटम के अंदर मतलब चलता क्या है हो क्या रहा है अच्छा मैं बात कर रही थी डी की मान लो बच्चे एल की वैल्यू है टू यानी कि डी के लिए तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू यानी कि डी पांच तरीके से आपको नेचर में दिखाई देगा ध्यान से देखिएगा ये xy बनाया ये yz बनाया बच्चे कोई भी एक्सिस को कुछ भी मान सकते हैं कोई भी xyz मान लो आप पे डिपेंड करता है ये x बनाया ये y बनाया और ये मैंने z एक्सिस बनाई ध्यान से देखिए या तो d और बाइटल होगा इस तरीके से इन बिटवीन x एंड y एक्सिस इसका नाम होता है dx y या तो वो होगा इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस इसको बोलते हैं डी वाई जेड या होगा इन बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस इसको बोलते हैं डी एक्स जेड या डी जेड एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं अगर x और y एक्सिस के अलोंग है इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कई टीचर्स इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बोलते हैं दैट इज ओके एक होता है डी जेड स्क्वायर मतलब z एक्सिस के अबाउट है डम्बेल और एक देख रहे हो डोनट शेप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा अराउंड एक्स वाई प्लेन इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर तो पांच प्रकार के d ऑर्बिटल होते हैं डी डी वाई जेड डीड एक्स डी एक्स और डी जेड क्या ये सारी की सारी कहानी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है इज दिस कहानी क्लियर टू एवरी वन पहले यहां तक बताइए क्या ये सारी कहानी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है तो हम आगे कंटिन्यू करें डन एक और छोटी सी चीज देखिए अब हमारे पास जो फोर्थ क्वांटम नंबर है यह है #51 इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है या फिर ये इलेक्ट्रॉन उल्टी क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताना है या तो उसकी वैल्यू में लिखूंगी प्लस हाफ या इसकी वैल्यू में लिखूंगी माइनस हाफ तो स्पिन क्वांटम नंबर दो होते हैं एक होता है प्लस हाफ और एक होता है माइनस हाफ क्या ये सारी की सारी कहानी सबको अच्छे से क्लियर हो गई है या नहीं हुई है यहां तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग ट्वेंटी वन टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं बी रेडी टू डू सर्टेन क्वेश्चन बार मैं मार्क कर देती हूँ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस केवल नौ और टॉपिक्स एंड द होल चैप्टर विल बी ओवर मैम कितना बचा है बच्चे देखो मैं छुटवाने को ना काफ़ी सारी चीज़ें छुड़वा दूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बट मैं बहुत ऑनेस्ट टीचर हूँ मैं ऑनेस्टली तुम्हें एक एक चीज़ पढ़ा रही हूँ कि भाई बच्चों का कुछ रहना नहीं चाहिए भाई मेरी मेहनत है ना मुझे एक घंटा ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें एक घंटा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बट कभी तुम्हें ये नहीं होगा कि हाई मैम ने ये नहीं करवाया या ये नहीं करवाया करा रही हूँ तो एकदम तगड़े तरीके से एनी एग्जांपल ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा एक को प्लस हाफ बोलते हैं एक को माइनस हाफ बोलते हैं ठीक है रेडी हो कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए काफी पढ़ाई 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 हो चुकी है कुछ क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो जाते हैं ठीक है सबसे पहला अब करते जाओ आप क्वेश्चन देखो मजेदार एकदम हल्के-फुल्के क्वेश्चन करिए जेईई मेन दो हजार बाईस का क्वेश्चन आप सबके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइम लीजिए आंसर करिए मेन दो हजार बाईस का क्वेश्चन आप सबके कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइम लीजिए अच्छा डी जेनरेट और बाइटल अभी नहीं कराई सुन लो चलो कराई दू क्या लिख लो चलो एक टॉपिक लिख लो फिर क्वेश्चन भी कर लेना आप टॉपिक स्टार्ट ही हुआ तो लिख ही लो एक मिनट करा देती हूँ डी जनरेट और बाइटल रह गया सॉरी 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 रुको लुको, 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 ट और बाइटल भी करा देती हूँ देखो बच्चे अच्छा आपको इतनी बात समझ आ गई फिफ्टी वन फिफ्टी टू हैश टैग फिफ्टी टू आपको इतना समझ आ गया और बाइटल क्या होता है और बाइटल वो थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम यानी कि मान लो मैंने एक ऐसा एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस बनाया और मैंने बोला मान लो ये पी एक्स और बाइटल है पी एक्स और बाइटल का मतलब कि बच्चे ये वो स्पेस का रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम मैक्सिमम हो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल इसको क्या बोलते हैं ऑर्बिटल इतनी बात क्लियर है अब सुनिए जिन की, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी देखो कई होते हैं, उनको बोलते हैं डी #53, हैश टैग फिफ्टी थ्री इनको बोलते हैं डी जी एन ई आर ए टी डी जनरेट ऑर्बिटल्स डी जेनरेट ऑरबाइटल होती है दीज आर दैविंग सेम एनर्जी वो ऑर्बाइटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन ऑर्बाइटल को बोलते हैं डी जनरेट ऑरबाइटल एक और चीज याद रखिये किसी भी ऑरबाइटल की एनर्जी इज बेसिकली गिवन बाई एन प्लस एल रूल एक रूल होता है एन प्लस एल रूल फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक और है थ्री एस एक और बाइटल है टू पी अब मुझे पता करना है दोनों में से डी जनरेसी या एक है थ्री एस एक है थ्री पी एक है टू पी मुझे पता करना है इन तीनों और में से इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में लिखेंगे एल की वैल्यू जीरो वन टू थ्री क्या होता है एस पी डी एफ समझ गए अब यहाँ एन क्या है थ्री और पी का मतलब एल क्या है वन और एन प्लस एल को करोगे तो क्या आएगा फोर यहाँ एन क्या है थ्री एल क्या है जीरो टोटल क्या आएगा थ्री ठीक है यहाँ एन क्या है टू एल क्या है वन तो टोटल क्या आएगा थ्री ध्यान से सुनिएगा जिस और बाइटल की एन प्लस एल वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है जिस और बाइटल की एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा तो थ्री थ्री फोर इज लेसर थ्री और थ्री कम है यानी कि थ्री पी की एनर्जी सबसे ज्यादा ठीक है अगर मैं बात करूं टू पी और थ्री एस अब इन दोनों में एन प्लस एल वैल्यू तो सेम है अब हम कैसे डिसाइड करेंगे तो अब डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एन जिसका एन छोटा उसकी एनर्जी छोटी क्या ये बात सबको समझ आई जिसका एन प्लस एल वैल्यू जितना ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा जिसकी एन प्लस एल वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम अगर दो और बाइटल की एन प्लस एल वैल्यू सेम है तो आंसर विल बी गिवन बेसिस ऑफ ओनली एन एन के बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हैं ठीक <coughs> है अभी इसका क्वेश्चन करते हैं टॉपिक नंबर फिफ्टी फोर देखिए इसको बोलते हैं नोडल प्लेन प्लीज समझना ये दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहती हूं देखना मान लो मैंने स्कुर, वाई स्कुर और बाइटल बनाया कैसा दिखेगा ये एक्स ये y डी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे होता है ना अलोंग द एक्सिस एक यहां एक यहां सही है नोडल प्लेन का क्या मतलब मुझे कैसे प्लेन की तराश है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो मान लो ये नोटबुक मान लो नोटबुक एक प्लेन है जिसको मैं ऐसे बीचो बीच पास करूंगी तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है नहीं तो ये क्या कहलाएगा नोडल प्लेन सिमिलरली यहाँ पर देखो अगर मैं इसको बीचो बीच पास करूं तो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो यहां पर एक नोडल प्लेन ये दूसरा नोडल प्लेन क्या आपको नोडल प्लेन नजर आया क्या आपको नोडल प्लेन नजर आया दिस इज क्लियर नोडल प्लेन सबको नजर आया नोडल प्लेन समझ गए अच्छा देखो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ये डी एक्स वाई ऑर्बिट और वाइटल है अब आपको नोडल प्लेन नजर आने हैं क्या एक ये नजर आ रहा है ये यहाँ बीचो बीच पास करो तो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन जीरो यहाँ बीचो बीच पास करो द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन जीरो तो नोडल प्लेन्स क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया मैम नोडल प्लेन एंड एंगुलर नोड सेम ही होते हैं हाँ एंगुलर नोड दो प्रकार के होते हैं एक नोडल प्लेन होते हैं एक होता है नोडल कॉन्स तो नोडल कॉन्स क्या होते हैं वो भी दिखाती हूँ <coughs> वो ना मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो मजा नहीं आएगा और, 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 और। एक मिनट आ फाइल सेवास कर देते हैं डेस्कटॉप सेव यस एक मिनट नोडल कॉन्स वगैरह भी अभी दिखाती सारे रुकिए 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 इसके बाद केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नथिंग एल्स क्या टाइम हो गया नौ बज भी गई है नोडल कॉन्स ये देखो ये नजर आ रहा है डी जेड स्क्वायर एक बार डी जेड को देखो ये लोब ऊपर ये लोब नीचे एक डोनट सेंटर में तो मुझे डी जेड प्लेन नहीं मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो मगर ये कैसा पंखा सा कौन सी नजर आ रही है मेहंदी की कौन होती है ना ये जिसमें तेल डालते हैं फनल होती है एक ऊपर वाली फनल नजर आ रही है इस फनल को बोलते हैं नोडल कौन मतलब ये एक ऐसा कौन है इसके पूरे सरफेस पर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन जीरो है सिमिलरली ये जो कौन है इसको बोलते हैं नोडल कॉन्स समझ आया दिस इज नोन एज नोडल कॉन्स क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक <coughs> कॉन्फिगरेशन और ग्राफ भी बाकी है मैं कराऊंगी बच्चे सब सोच रखा है आपके लिए घबराओ मत अगर छुड़वाना होता ना कि भाई मुझे नहीं बताना तो मैं इतनी डिटेल किसी टॉपिक की ना कराती बट इतनी टॉपिक की डिटेल करा रही हूँ इसका मतलब कुछ छोड़ूंगी नहीं सब कराऊंगी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना मैंने लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने प्रियोडिक क्लासिफिकेशन में सिखाया था तो देखते हैं आज अगर टाइम मिला अभी तो ग्राफ करने हैं फिर वेव फंक्शन आइडेंटिफिकेशन करना है अगर ये सब हो जाता है टाइम मिलता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आज करेंगे नहीं तो ये सेशन ना सच में आठ नौ घंटे का हो जाएगा बट प्रियोडिक क्लासिफिकेशन छोटा चैप्टर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन प्रियोडिक क्लासिफिकेशन में भी करा सकती हूँ तो उसके लिए घबराना मत विश्वास रखो बच्चे कुछ भी आई विल नॉट लेट यू डाउन अगर मुझे चीजों को छुपाना होता ना तो मैं ये मैं अलग से तुम्हें खोल खोल के ना दिखाती कि देखो ये है ये है नोडल प्लेन ये नोडल कॉन्स है कोई टीचर तुम्हें ये नोडल कॉन के बारे में बताता भी नहीं है तुम्हें तो मैं दिखा भी नहीं हूँ तो विश्वास रखो आई नॉट लेट यू डाउन ठीक है कहां पर थे क्वेश्चन अच्छा इसके साथ एक बड़ी अच्छी सी बात मैं बताना चाहूंगी हम लोग अपना बाईसवा टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं वी हैव कंप्लीटेड आर ट्वेंटी सेकेंड टॉपिक एज वेल वो भी नाइस बस अब खत्म होने वाला है देखो ट्वेंटी सेकेंड ये ओनली एट टॉपिक्स लेफ्ट मैन एंड द चैप्टर विल बी ओवर चलिए क्वेश्चन करिए टाइम लीजिए और क्वेश्चन करिए अब आप जेई से डरते थे ना ये लो टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर जेई मेन 2022 का सवाल टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर टेलमी दाइस का सवाल क्विक फिर नोज uh, क्या कहते हैं ग्राफ स्टडी करते हैं आंसर आया मैम एंड ऑर्बिट में डिफरेंस देखना जरा ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस <coughs> के चारों तरफ ये पहली शेल है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पहली शेल है शेल को बोलते हैं ऑर्बिट मगर क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पाया जाता है नहीं इलेक्ट्रॉन तो इस थ्री डायमेंशनल रीजन में पाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ये जो ऐसे ये चूड़ी बनाई थी ना जैसे ये बनाया था इसको ऑर्बिट कहते हैं मगर इसके चारों तरफ का रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा उसको बोलते हैं ऑर्बिटल ऑर्बिट एक टू होता है और बाइटल थ्री डायमेंशनल है बी अभी डी जनरेट क्या होती है अभी लास्ट में फिफ्टी फर्स्ट या फिफ्टी से थार्जी एनर्जी निकालने के लिए क्या देखना था एन प्लस एल एन प्लस एल की वैल्यू कितनी चार एन प्लस एल की वैल्यू कितनी पांच एन प्लस एल की वैल्यू कितनी पांच एन प्लस एल की वैल्यू कितनी पांच एन प्लस एल की वैल्यू कितनी छल की वैल्यू कितनी पांच क्या ये बात सही है N +L की वैल्यू कितनी पांच यह, 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 यहां तक सबने किया ठीक है अब देखिए यहाँ पर चार है पांच 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 छ पांच तो वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अरे रे 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 हाँ सही तो है इन दोनों में ये चार और पांच गलत है पांच और पांच बढ़िया है छह और पांच गलत है तो केवल बी में ओनली इन बी एन प्लस एल वैल्यू सेम है यानी कि द इलेक्ट्रॉन आर फाइंड आउट फाउंड आउट इन द सेम एनर्जी और बाइटल डी जेनरेट और बाइटल पहला क्वेश्चन हो गया ओके सिक्स क्वेश्चन सामने देखिए सिक्स क्वेश्चन आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये एक गलत गलती से क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दी या, या कर ही लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं ये तो कर ही लो यार स्पीशीज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है द स्पीशीज विच हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स अब देखो सारे क्वेश्चंस कैसे फटाफट करेंगे आई एम अ ड्रॉपर शुड आई फॉलो बाउंस बैक और सेल्फ टाइम टेबल बच्चे अगर आप बाउंस बैक फॉलो करते हो तो मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि आपका पूरा सिलेबस डिसम्बर मिड तक कंप्लीट हो जाएगा विद रिविजन विद एवरी सिंगल टॉपिक हर चीज हो जाएगी आपकी बच्चे अभी हम क्रैश कोर्स के बारे में नहीं डिस्कस करते कि कब होगा कब नहीं होगा जिसने क्रैश कोर्स फॉलो करना है वो प्लीज पिछले वाला फोर्टी डेज क्रैश कोर्स फॉलो कर लो अभी बाउंस बैक सीरीज स्टार्ट करिए मैं एक खत्म किए बिना आगे की प्लानिंग नहीं करूंगी जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है तुम्हें लगता है ना जेई मेन बहुत मुश्किल है जेई मेन 2022 का सवाल आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में तेरह इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन माइनस कर दो एल्यूमिनियम थ्री प्लस में दस इलेक्ट्रॉन आए ऑक्सीजन में आठ इलेक्ट्रॉन दो ऐड कर दो दस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में बारह में से दो माइनस कर दो दस इलेक्ट्रॉन जेई मेन दो हजार बाईस का सवाल है आई एम नॉट किडिंग आई एम नॉट किडिंग जेई मेन दो हजार बाईस का सवाल आप सबके सामने क्वेश्चन करिए देखिए ये हो गया फोर हो गया ये हो गया ओके नाइस टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर वंस अगेन जेई मेन दो हजार बाईस आई एम नॉट किडिंग टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर द क्वेश्चन भैया मैं कोई छोड़ना बोल रही हूँ बच्चे I am not kidding. आपको विश्वास ना हो आप प्रीवियस आज मैंने आपको कराए हैं या, या तो जेई मेन के हैं या जेई एडवांस के हैं कोई और बुक में से नहीं है जस्ट केम टू थैंक यू मैम यू है ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड्स माई फाइव थाउजेंड रैंक इन एडवांस अरे थैंक यू बच्चे बी चलिए चेक करते हैं द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोट इन फोर डी और बाइटल फोर डी का मतलब एन की वैल्यू फोर जिनको नहीं आता लिखो एल जीरो मतलब एल की वैल्यू कितनी टू ठीक है अब सोचो टोटल नोट्स कितनी थी तो ये सिखाया था ना कहा था ये फॉर्मूला काम आएगा याद रखना टोटल नोट कितनी एन माइनस वन एंगुलर कितनी रेडियल कितनी N -L -1. का था ना बस फॉर्मूला याद रख लो जेई का क्वेश्चन हो जाएगा N की वैल्यू फोर में से टू गया में से थ्री गया आंसर आया वन फोर डी रिस्पेक्टिवली आर मतलब फोर डी के साथ कुछ दे नहीं रखा रुको वो उसने टाइप करने में कुछ गलती करी है एक मिनट एक मिनट में चेक करके बताती हूँ रेडियल नोड्स इन फोर डी Respectively यार, नहीं एक मिनट 4D, अच्छा एंगुलर अरे यार मैं ही नहीं पढ़ पा रही एंगुलर नोट्स कितने एल टू तो आंसर है वन कॉमा टू वन कॉमा टू ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन आ गया ए इज द करेक्ट आंसर देन जे मेन दो हजार बाईस अब मुझे बताओ है चिंदी चाप क्वेश्चन या नहीं है अब मुझे बताओ जो बच्चे लिख रहे थे ना मैम हम आपकी क्लास में बोर हो रहे हैं मैम आप कुछ भी पढ़ाते हो तो समझ नहीं आता वेलकम टू साक्षी वोराज क्लास बिना समझ आए तुम्हें बोर होते भी अगर मेन के क्वेश्चन चुटकियों में तुम कर रहे हो तो आई थिंक सच टाइप ऑफ क्लासेस यू शुड बी टेकिंग अगला करो एट क्वेश्चन ये सेवेंथ कर लिया तुमने आठवा क्वेश्चन करिए जई मेन 2022 एंड देन पीपल से मैम समझ नहीं आ रहा अब ये मैं कह रही ना स्पैमर्स आते हैं। स्पैमर्स आते आते हैं हैं पैसे दिए कर करने वाले होने चाहिए हर चीज तुमसे हो जाएगी बस करने पे विश्वास रखा करो हर टीचर तुम्हें अच्छा पढ़ा सकता है बट अगर तुम सामने वाले पे डाउट करोगे ना तो कोई तुम्हें तुम किसी से कुछ नहीं पढ़ पाओगे भगवान भी आके बता मतलब कहे ना कि भाई बच्चों पढ़ लो मैं पढ़ा रहा हूं आज तो भी तुम नहीं पढ़ोगे करो क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम इनमें से कौन सा सही है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिस क्वेश्चन इज इन माई शिफ्ट सोना अग्रवाल वेरी गुड करिए ए बी सी डी टेल मी द आंसर मल्टी करेक्टर शायद नहीं ये वो था कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स मल्टी करेक्ट है मल्टी करेक्ट देखिए एन की वैल्यू अगर थ्री है तो एल की वैल्यू बच्चे 0, 1 या 2 ही हो सकती है L की वैल्यू थ्री तो पॉसिबल ही नहीं है ए आंसर नहीं हो सकता अगर एन थ्री है तो एल की वैल्यू आपको सिखाई थी जीरो कॉमा वन कॉमा टू हो सकती है सही बात है अगर एल जीरो है तो एम जीरो है एल वन है तो एम माइनस वन जीरोनो हो सकती है 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 बिल्कुल सही बात. B तो 100 सही बात तो तो आगे देखिए अगर या 1 दोनों हो सकता है सही बात है एल जीरो है तो तो बिल्कुल सही बात है सी इज ऑल्सो हंड्रेड परसेंट करेक्ट आगे देखिए है

हेलो 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 बच्चे अभी आवाज आ रही है अभी आवाज आ रही है अरे वो हैंग हो रहा है ये एक ना डब्बा होता है ब्लैक मैजिक करके ये डब्बा है जिससे वीडियो कैप्चर होके मतलब ये सारा सिस्टम में जाता है ओबीएस में होता है तो ये आज बारी बारी ना रुक जाता है मतलब जैसे तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई देता है ना कि मैं फ्रीज हो गई हूँ तो ऐसे बारी बारी फ्रीज हो जाता है अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है मैम में मल्टीकरेक्ट कैसे आया बच्चे वो इंटीजर टाइप था उसमें लिखा हुआ था कि देम आ, आ, आर करेक्ट, तो इंटीजर टाइप में आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है जेई मेन दो हजार बाईस का अब इससे सिमिलर सवाल आप बाद में करेंगे इससे पहले मैं एक नया टॉपिक पढ़ पर... हेलो 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 आ रही है आवाज आ रही है प्लीज भगवान को एक बार हाथ जोड़ लो भगवान के आगे कि भाई चल जाए हमारी क्लास ब्लैक मैजिक नहीं हमारे डब्बे का नाम ही ब्लैक मैजिक है उस डब्बे का नाम ही जिसमें वीडियो वाली एडिटिंग जो भी मतलब स्ट्रीमिंग होती है उसका नाम ही ब्लैक मैजिक है बस ये अब ये ब्लैक मैजिक कोई इधर उधर ना हो जाए खत्म हो जाए मतलब ये आई रियली वॉन्ट कि यार ये लास्ट टॉपिक बचाए इसमें खराब ना हो कुछ चलो कोई बात नहीं देखते हैं पहले ये क्वेश्चन कर लो फिर मैं काम करूंगी मैं पहले आपको आगे पढ़ा दूंगी क्वेश्चन फिर भी हम बाद में कर सकते हैं बट पहले थियोरी पढ़ लेंगे थोड़ी सी जो रह गया है कह रहे द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद द वैल्यूज वन टू थ्री फॉर अप टू इंफिनिटी बिल्कुल सही बात है अरे ये नंबरिंग गलत दे दी उसने ए बी ये सी है बच्चों ये डी है और ई e. स्टेटमेंट की नंबरिंग गलत है सॉरी ठीक है ए बी सी डी तो ए तो बिल्कुल करेक्ट बात है दिस इज नाइस ए सही है ए ए ए ए बढ़िया बी चेक करते हैं कह रहे हैं एजी म्यूथल क्वांटम नंबर एल फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन हैव द वैल्यू जीरो वन टू थ्री अप टू एन ये तो गलत है ना जीरो वन टू थ्री अप टू एन माइनस होना चाहिए तो बी तो गलत है बी गलत है ये हो नहीं सकता ये भी नहीं हो सकता बी हंड्रेड गलत है आगे देखिए तो ए भी नहीं हो सकता डी भी नहीं हो सकता देखो सी और डी दोनों में सेम है मैं चेक नहीं कर रही सी डी दोनों में सेम है मैं चेक नहीं कर रही ई e की बात करती हूं देयर विल बी अ टोटल ऑफ नाइन और बाइटल अगर एल की वैल्यू फाइव, फाइव है देखना जरा अगर एल फाइव है तो आ, क्या कहते हैं अगर एल की वैल्यू फाइव है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कितनी और बाइटल होंगी गिन्ना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह होनी चाहिए ये कह रहा है पांच होंगी ये भी गलत बात है यानी कि ई e भी गलत है यानी कि ई e भी गलत है सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल विल बी बी सी सी समझ गए द द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन हैप्पी है सब लोग नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन करा देना ना बच्चे मैं लाइन बाय लाइन ही प्रोसीड करूंगी विल गो लाइन बाय लाइन बीच में से कुछ नहीं करेंगे फिर अभी क्या कहते हैं अभी तो हाइब्रिडाइजेशन आती नहीं है केमिकल बॉन्डिंग की कोऑर्डिनेशन की कहां से हो पाएगी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करिए ये क्वेश्चन अभी रुकेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी नहीं किया ये क्वेश्चन भी रुकेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं किया ग्राफ अभी कराने हैं जल्दी से क्वेश्चन करिए जेई मेन 2022 जल्दी से जेई मेन 2022 का ये क्वेश्चन करके दिखाइए फिर मैं ग्राफ पढ़ाती हूँ पहले ये क्वेश्चन करके दिखाइए फिर ग्राफ करेंगे ये एक दो ये तीन क्वेश्चन कराने हैं ये हो गया जल्दी 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 जेई मेन 2022 का सवाल सेव पीडीएफ बच्चे मल्टी करेक्ट नहीं है कहा ये मल्टी करेक्ट दिस वाज नॉट मल्टी करेक्ट बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई देखो मल्टी करेक्ट की तरह ही हो गया ना सारे चेक करने हैं आपको मगर ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है करो जल्दी से करो फिर ये ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं आया आंसर आया वेरी गुड वेरी गुड मैम ग्राफ करा दो पहले हाँ करा रही हूँ अगर एन थ्री है ये L है, अगर N3 है, तो एल टू हो सकता है ठीक है एम की वैल्यू जीरो हो सकती है ठीक है एस की वैल्यू प्लस हाफ हो सकती है अलाउड है एन थ्री है तो एल जीरो माइनस टू भी हो सकता है प्लस हाफ भी हो सकता है अलाउड है एन अरे रे एन थ्री तो एल थ्री कैसे आ सकता है भैया अगर एन थ्री है तो एल जीरो वन टू ही आ सकता है यानी कि सी इज इन मतलब सी गलत है सी अलाउड नहीं है सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी सी आ गया आ हाँ मेरे मतलब एटम्स आजकल देख रहे हो एकदम फटाफट फटाफट आंसर दे रहे हैं अच्छा अब काम करते हैं अगर करना चाहो तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि अठारवा क्वेश्चन ये भी करना एक्साइटेड ये भी कर लेते हैं ये करो जल्दी से करना जल्दी से द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर ये एल है ये एल है ये एल है जल्दी से करेक्ट सेट ऑफ और बाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू मतलब इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग लगाइए जल्दी 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 ए बी सी डी वॉट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर होमवर्क डिस्कशन करने का टेलीग्राम अभी दे देती हूं ए ए चेक करते हैं एन प्लस एल वैल्यू कितनी है थ्री एन प्लस एल वैल्यू कितनी है फोर एन प्लस एल वैल्यू कितनी है फाइव एन सॉरी एन प्लस एल वैल्यू कितनी है थ्री प्लस वन फोर होता है ये कितनी है फोर और एन प्लस दिखी नहीं रहा ये कितनी है फोर और एन प्लस एल वैल्यू कितनी है फाइव तो सबसे छोटा क्या है ए ए सबसे कम है बहुत बढ़िया सबसे ज्यादा क्या है डी तो सबसे ज्यादा डी है A is the correct answer. आ गया? अरे यार, क्या यार्वेस्ट भी नहीं कर पास्ट मतलब करो, करो करो। दो हजार 2022 फटाफट से लेट्स कौन कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर करता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन सब में से गलत स्टेटमेंट को जरा आइडेंटिफाई करके बताइए आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर एबीसीडी हट जाती हूं मैं इसके बाद ग्राफ कराती हूँ कह रहे अलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच एंड इलेक्ट्रॉन मूव इज प्रपोज एज बोहर्स ऑर्बिट एक सर्क्यूलर पाथ को बोअर्स ऑर्बिट बोलते हैं बिल्कुल सही बात है ये तो यस है आंसर देखो तुम लोग का आगे अरे क्या बात है क्या बात है नाइस वेरी गुड एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन एन एटम एन ऑर्बिटल इज एक मिनट चेक कर लेती हूँ स्टेटमेंट उल्टी सीधी तो नहीं है ये है

एटॉमिक इज अटोमिक बाय क्वांटम नंबर एन एंड एल ओनली अरे भैया एक ऑरबाइटल को पता करने के लिए एन रिक्वायर्ड होता 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 है L होता है और M भी होता है रिक्वायर्ड 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 और भी नहीं होता याद है ना एस तो इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है मगर वो ऑर्बिटल वो थ्री डी स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है इज गिवन बाय एन एल एंड एम तो डी इज द इनकरेक्ट वन ना तुम एकदम स्मार्ट होते जा रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से चलो एक नया टॉपिक कराती हूँ मैक्सिम क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो है क्लास कितने बजे तक चलेगी बस अब एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं देखते हैं बट अब ये टॉपिक अच्छे लेवल का है देखो सस्ते लेवल का करना है तो भी मैं करा सकती हूँ बट मुझे सस्ते लेवल का नहीं थोड़ा अच्छे लेवल का कराना है ट्वेंटी थ्री हो चुके हैं हमारे ट्वेंटी थ्री एक और मार्क कर लो सात सब टॉपिक्स बचे हैं अब मैं ये आपको कराती हूँ ध्यान से देखिएगा थोड़ी देर अब मैं पढ़ाऊंगी एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगी जिसको एडवांस का ना सीखना हो केवल मेन मेन का सीखना हो मुझे पाँच सात मिनट का टाइम दे दो उसके बाद मैं मेन का भी सिखा दूंगी जिससे क्वेश्चन बन जाएंगे शॉर्टकट भी सिखाऊंगी और एडवांस लेवल का पूरा भी सिखाऊंगी फिफ्टी लिखिए टॉपिक नंबर फिफ्टी ठीक है हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ मुझे ना रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है विद रिस्पेक्ट टू आर हमारे पास तीन प्रकार के ग्राफ होते हैं एक होता है रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू आर एक होता है आर स्क्वायर का ग्राफ एक होता है फोर पाई आर स्क्वायर का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू आर सारे ग्राफ एक एक करके दिखाऊंगी ध्यान से समझिएगा बच्चे ये है रेडियल वेव फंक्शन समझ आती है ना ये बात रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर ध्यान से सुनिएगा बच्चे ये जीरो पे हम मान के चलेंगे कि क्या है न्यूक्लियस ओरिजिन पे मैं क्या मान के चलूंगी मेरे पास क्या है न्यूक्लियस क्या ये बात सबको समझ आई से सुनिए ये कुछ पॉइंट्स लिख लो ऑरिजिन पे हम क्या मान के चलेंगे न्यूक्लियस लिखा आगे देखिए अगर ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा तो वो ग्राफ एस और बाइटल का होगा अगर ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा तो वो पी डी या एफ और बाइटल का होगा कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स मैं आपको समझाती हूँ अगर ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा यानी कि वो एस ऑर्बिटल का होगा अगर ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा तो वो पी डी या एफ ऑर्बिटल का होगा और जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्सिस को टच करेगा वो पॉइंट नोड कहलाएगा क्या ये मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है ये दिख गया सबको वापस बोल देती हूँ, मैं ग्राफ बना रही हूं आर आर का वर्सेस आर इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ तीन पॉइंट्स बताए चार पॉइंट्स जीरो पे क्या है न्यूक्लियस ऊपर वाला ग्राफ मतलब एस का होगा नीचे से अगर ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो वो पी का होगा जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उसको बोलते हैं नोड जितनी बार ग्राफ एस को टच करेगा इसको बोलते हैं नोड क्या ये बात सबको समझ आई मैम ये क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा दस मिनट रोक सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट करूंगी मेरा प्रॉमिस जिस तरीके से पूरा चैप्टर समझ आया ना ये भी समझ आएगा क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में बनाओगे बस दस मिनट मेरे पे विश्वास कर लो ये जो रूल्स थे ये थे रेडियल वेव फंक्शन के ग्राफ सेकंड हैशटैग फिफ्टी खूब प्रैक्टिस कराऊंगी बच्चे खूब प्रैक्टिस जितने करोगे ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू आर और जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे स्क्वायर आर का ग्राफ बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर तो ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखेगा आर स्क्वायर आर का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या ये बात सबको समझ आई ध्यान से देखो ध्यान से देखना अब क्योंकि मैंने देखो पहले आर ऊपर देखो जब भी ग्राफ आएगा तो वो ऐसे आएगा ऐसे आएगा किसी भी तरीके से ग्राफ आएगा अब मैंने इसका स्क्वेयर कर दिया मैंने क्या कर दिया स्क्वेयर? यानी कि ग्राफ हमेशा ऊपर वाले रीजन में होगा याद रखोगे यहाँ तो ग्राफ ऊपर नीचे कुछ कहीं पर भी हो सकता था लिख लो ग्राफ ये कैन बी पॉजिटिव कैन बी जीरो कैन बी नेगेटिव मगर जब मैंने उसका स्क्वेयर कर दिया तो ग्राफ हमेशा क्या होगा पॉजिटिव कभी भी नीचे नहीं जाएगा ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा ग्राफ हमेशा क्या होगा पॉजिटिव क्या ये बात सबको समझ आई ग्राफ हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ठीक है यस वी वांट टाइम टेबल कम्युनिटी पोस्ट देखो क्या कम्युनिटी पे क्या डल गया एटम्स की कम्युनिटी पे क्या हो गया अच्छा लास्ट चांस हाँ आज ट्वेंटी परसेंट ऑफ का बस तीन ही घंटे बचे हैं ढाई घंटे बचे हैं हाँ ढाई घंटे बचे हैं कंप्लीट होने वाले हैं तो जिन ने लेना है वो सब ले सकते हैं आराम से ठीक है आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली टेक द सब्सक्रिप्शन दबर को खत्म करते हैं अब सामने देखो यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद द ग्राफ्स बच्चे मान लो आपको मैंने ये ग्राफ पूछा ध्यान से देखेंगे ये है आर आर का ग्राफ वर्सेस आर के लिए आर आर का ग्राफ वर्सेस आर के लिए ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है ग्राफ यहां से या यह चलो ग्राफ मैं बनाती हूँ मान लो मैं कह रही हूं मुझे 1s के लिए ग्राफ बनाना है मुझे किसके लिए ग्राफ बनाना है 1s के लिए डरना नहीं है मैं 10 मिनट में सब समझा दूंगी ग्राफ किसके लिए बनाना है 1s के लिए लिखो 1s का मतलब n की वैल्यू कितनी 1 l की वैल्यू कितनी 0 एक बार प्रोसीजर सीख लो बाकी अपने आप हो जाएगा रेडियल नोड कितने रेडियल नोड निकालो कितने निकलेंगे एन माइनस एल माइनस वन यानी कि वन माइनस वन माइनस वन यही निकलेंगे ना वन माइनस जीरो माइनस वन रेडियल नोड कितने जीरो अगर रेडियल नोड जीरो हैं मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि जब जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा मतलब नोड अगर नोड नहीं है ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और क्योंकि एस का ग्राफ है तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा ऊपर से क्या सबको वन एस का ग्राफ क्लियर हो गया क्या सबको वन एस का ग्राफ जीरो क्लियर हो गया मैम आई स्किप दिस चैप्टर एज आई हैव रिसेंटली डन मॉडर्न फिजिक्स स्टिल वना से यू आर ओनली फाइनेस्ट केमिस्ट्री अच्छा यू आर द ओनली फाइनेस्ट केमिस्ट्री टीचर इन द होल यूनिवर्स अरे क्या बात है डन है समझ गए एक मैंने बनाया है ग्राफ अब आप बनाएंगे अगर मुझे इसी का ये आर का ग्राफ बनाना होता वर्सेस आर तो बच्चों मुझे इसी को स्क्वायर ही तो करना है तो हर चीज पॉजिटिव ही रहेगी ग्राफ ऊपर से ही स्टार्ट होगा आर, आर का ग्राफ भी बन गया क्या आर, आर का ग्राफ बन चुका है सबका डन ही तो करना था अब आप करके दिखाओगे प्ले स्मार्ट मुझे टू एस का ग्राफ बना के दिखाएंगे सब बच्चे टू एस का ग्राफ बनाएंगे, R, R R. का ग्राफ बनाएंगे जल्दी से और एक बनाएंगे आर स्क आर वर्सेज आर का ग्राफ जल्दी रटना नहीं है आर स्कर आर वर्सेज आर का ग्राफ टाइम लीजिए बनाइए स्टेप सेम फॉलो करेंगे स्टेप सेम एन कितना 2. L कितना 0. Radial node कितने? Radial node कितने? यानी कि एक एक मतलब बार को टच करेगा एक बार ग्राफ टच करेगा ग्राफ शुरू कहां से होगा ऊपर से तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा टेन 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 समझ गए एक बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा ग्राफ विल बी टचिंग अरे मैंने हे भगवान गलत बना दिया ध्यान से देखो ग्राफ एक बार टच करेगा यहां पे टच करा दो और ग्राफ नीचे भी तो जाएगा ना टेन 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 समझ गए एक बार ग्राफ टच करेगा केवल एक बार और अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है तो नोड वही रहेंगे जहां नोड था वही नोड रहेगा ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा बट अब ये जो नीचे वाला पार्ट था इसका स्क्वायर कर दोगे मगर दोबारा टच नहीं कराओगे स्क्वायर कर दोगे मगर दोबारा टच नहीं कराओगे स्क्वायर कर दोगे दोबारा टच नहीं कराओगे डन एक और करो अब आप मुझे ग्राफ बना के दिखाओगे टू पी का टेक योर टाइम चलो टू पी तो फिर भी तुम कर लोगे टू पी का थ्री डी का ग्राफ बना के दिखाओ लो कॉम्प्लिकेट कर देती हूँ थ्री डी का ग्राफ बना के दिखाइए वर्सेस का ग्राफ, थ्री क्विक। कौन-कौन बना लेगा थ्री डी का ग्राफ क्विक बच्चे क्विक टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर एन की वैल्यू कितनी थ्री एल की वैल्यू कितनी एस पी डी जीरो वन गया कितना जीरो क्योंकि ग्राफ डी का है तो ग्राफ कहां से शुरू करेंगे नीचे से एक बार भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा बन गई पहाड़ी बन गई पहाड़ी मैम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किसी सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर सेवन हो सकता है क्या ये सारी बातें कोऑर्डिनेशन में करेंगे आई जस्ट नीड टू टॉक टू यू हाउ कैन आई रीच यू कैन आई रीच अनडमी कस्टमर केयर मेरे टेलीग्राम पे इंस्टा पे फेसबुक पे कहीं से भी कॉन्टेक्ट कर लो चल जाएगा ठीक है मेल कर देना कोई भी डाउट हो तो मेल कर देना एक क्वेश्चन और वन मोर क्वेश्चन मुझे आप लोग स्क्वायर आर का ग्राफ बना के दिखाएंगे फॉर टेक योर टाइम के लिए ग्राफ बना के दिखाइए टाइम लीजिए आंसर निकालिए फोर डी के लिए जितना कहोगे उतने ग्राफ सिखा दूंगी मैम टोटल सिलेबस एक्सपेक्टेड टाइम टेबल प्लीज मैं पहले पूरी इलेवंथ कराऊंगी इसके बाद प्रियॉडिक कराऊंगी फिर केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगी स्टेट्स ऑफ मैटर कराऊंगी थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री इक्विलिब्रियम रिडॉक्स जीओसी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एस ब्लॉक इसी सीक्वेंस में चलेंगे डन आंसर फोर डी मतलब एन की वैल्यू फोर एल की वैल्यू टू एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू फोर में से टू में से वन गया कितना आएगा फोर में से थ्री गया कितना आएगा वन यानी कि एक नोड है एक नोड है मतलब एक बार डॉट कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ डी का है तो नीचे से स्टार्ट होगा बिल्कुल सही बात है ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा आगे सोचिए क्योंकि आर का ग्राफ है तो ये सबसे पहले ऊपर जाएगा पहले फिर नीचे आना चाहिए मगर अब उसका स्क्वायर हो गया तो कुछ इस टाइप का बनेगा जिसमें से याद रखिएगा पहली पीक बड़ी होती है और फिर आगे आने वाली पीक धीरे धीरे छोटी हो जाती है पहली पीक बड़ी होगी फिर धीरे धीरे छोटी हो जाएगी डन है डन यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए डन एक और अगला सिखाती हूं कितना टॉपिक हो गया था फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन है फिफ्टी सेवन प्रॉबेबली द लास्ट टॉपिक लिखिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टॉपिक का नाम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि ये मुझे प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा कि हाउ यू कैन सी गी कहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है हम कुछ गलत चीजें जो आपके दिमाग में बैठी हुई हैं जो शायद आपने गलत गलत तरीके से पढ़ी थी मैं क्लियर करना चाहती हूँ बच्चे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इट इज अ फंक्शन विच सिंपली डिस्कसेस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करता है बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलता है डीपी बाई डी आर बच्चों को लगता है डीपी बाई डी आर का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू आर मैंने कई टीचर्स को यह पढ़ाते हुए देखा है कि डी पी बाई डी आर इज द प्रोबेबिलिटीबिलिटी मतलब द डिफरेंशियल ऑफ प्रोबिलिटी विद आर ऐसा नहीं है ये पी का आर के साथ डिफरेंशियल नहीं है ये तरीका है लिखने का जिसका मतलब है वट इज द प्रॉबेबिलिटी एट आर मतलब पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कितनी है इसको हम लिखते हैं डी पी बाई डी आर और इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्या ये बात सबको समझ आई वापस देखिए अगर कभी प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा हुआ है या फिर डी पी बाई डी आर लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है डिफरेंशियल ऑफ पी विद रिस्पेक्ट आर ये गलत चीजें हमारी फैली हुई है इसका मतलब ये है वट इज द प्रोबेबिलिटी एट आर एट अ डिस्टेंस आर प्रोबेबिलिटी क्या है क्या यह बात सबको समझ आई दिस इज क्लियर अब मुझे फटाफट से कोई बताओ अगर मुझे फिफ्टी एट अगर मुझे रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या मैं रेडियल uh, प्रबेबिलिटी डेंसिटी रेडियल प्रॉबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दू तो मेरे पास रेडियल प्रॉबेबिलिटी निकल के आएगी क्या ये बात सही है मैंने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस किस को याद आ रहा है साइज si स्कोयर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते थे तो प्रॉबेबिलिटी निकलती थी बस मैंने आगे रेडियल लगा दिया रेडियल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अगर किसी ने पिछली वाली जो स्लाइड थी उनको ध्यान से देखा होगा तो आई एम श्योर ये आ, आपको समझ आ गया होगा आर क्या था आर थीटा में आर क्या था उस पी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस ही तो आर कहलाता था याद आया पी पॉइंट का आर डिस्टेंस पी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आर कहलाता था अब uh, मैम ये तो ठीक है मुझे बताओ वॉल्यूम कौन सा लेना है तो एक बात बताओ हम एक काम करते हैं एक सरफेस कंसीडर करते हैं मान लो मैंने एक वॉल्यूम कंसीडर किया जिसका रेडियस है आर और मैंने एक और इस वॉल्यूम पे छोटा सा पतला सा सरफेस कंसीडर किया जिसका ये जो डिस्टेंस है वो है डी आर मैंने क्या कंसीडर किया एक स्फेरिकल कंसीडर किया जिसका रेडियस है आर और उस स्फेरिकल सरफेस की थिकनेस ये जो थिकनेस है ये थिकनेस मैंने कितनी कंसीडर कर ली dr क्या आप मुझे इस थिकनेस का वॉल्यूम निकाल के बता सकते हो मैथ्स लगानी है क्या आप मुझे इस थिकनेस का वॉल्यूम निकाल के दे सकते हो स्मॉल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये पूरा सरफेस है 4/3 पाई r क्यूब मतलब r+dr का होल क्यूब माइनस फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब करोगे ना ये मैथ्स में क्लास नाइन्थ में पढ़ाया जाता था मतलब क्या ये बात सही है जब आप इसको पूरा solve करेंगे तो हमारे पास ये जो स्मॉल वॉल्यूम आएगा ये आएगा फोर पाई आर जो स्मॉल वॉल्यूम आएगा आएगा फोर पाई आर विश्वास ना हो डेरिवेशन करनी हो तो कर सकते हो बाकी रिक्वायर्ड नहीं है कर लेना है एक बार तसल्ली के लिए बाकी आंसर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr ये जो स्मॉल वॉल्यूम है ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr इतना क्लियर है दिस इज क्लियर अब अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन तो आप क्या करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी आर स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम फोर पाई आर स्क्वायर डी आर क्या सही है ये मतलब द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन ऑन दिस सरफेस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इनटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई क्या ये बात अच्छे समझ आई अब क्या करो इस डी आर को नीचे ले क्या बन गया डीपी बाई डी आर और ये क्या बन गया आर स्क्वेर आर इंटू फोर पाई आर कहते हैं पूरा का पूरा एडवांस लेवल का कंटेंट सिखा दिया है इससे ज्यादा आपका जेई एडवांस में कोई कुछ नहीं पूछेगा इस बात की गारंटी मेरी है हद हद ये पूछा जाएगा इससे ज्यादा एडवांस में एक चीज नहीं पूछी जाएगी डन बहुत लंबा सेशन है आई नो बट मैंने जब एडवांस लेवल का पढ़ाना है तो मुझे टाइम चाहिए मेरे पास शॉर्टकट नहीं है YouTube पे हजारों सेशन है जहां दो दो तीन तीन घंटे में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर करा रखा है ये बोल के कि हम एडवांस का पढ़ाते हैं जाओ देखा वट इज द लेवल ऑफ कॉन्टेंट व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ कॉन्टेंट इन दैट सेशन एंड इन दिस सेशन सो मैं कराऊंगी तसल्ली से पढ़ना हो तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं मैं पढ़ाऊंगी तसल्ली से समझ गए यहाँ तक क्लियर है अब जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है आपको ग्राफ बनाना है विद आर स्क्त इंटू फोर पाई आर स्क्वेक्ट टू आर आर स्क्वाई आर स्क्वा डी आर विद रिस्पेक्ट टू आर या फिर इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिखूं तो मुझे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना है मुझे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना है सुपर सेम थिंग ये एडवांस में पूछे जाने वाले सवाल हैं पिछले सवाल मेन तक ठीक थे ये सवाल एडवांस में आता है फैक्ट बताती हूँ पॉइंट नंबर वन ओरिजिन पे हम क्या कंसीडर करेंगे न्यूक्लियस याद रखिएगा ओरिजिन पे क्या कंसीडर करते हैं न्यूक्लियस बच्चे कोई भी और ऑर्बिटल हो हर ऑर्बिटल जीरो से स्टार्ट होगा चाहे एस हो पी हो डी हो एफ हो दे विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो हर ऑर्बिटल के लिए ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा जीरो क्यों क्योंकि आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर स्क्वायर और अगर आर जीरो है तो पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी इसीलिए हर ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा जीरो ठीक है क्योंकि मुझे r का स्क्वायर लेना है सो द ग्राफ विल ओनली बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ हमेशा कहां पाया जाएगा पहले क्वाड्रेंट में पाया जाएगा पहले क्वाड्रेंट में एवरी टच ऑन x एक्सिस इज अ नोड x एक्सिस पे जितने टचेस होंगे वो क्या होंगे नोड्स होंगे जितने टचेस होंगे वो क्या होंगे नोड्स होंगे और याद रखिएगा यहां पर

4 पाई r स्क्वायर ठीक है इनटू r स्क्वायर r dr का ग्राफ बनाइए r के साथ तो यू हैव टू ड्रा द ग्राफ ऑफ 4 पाई r स्क्वायर r स्क्वायर uh, किसके लिए 3d के लिए घबराएगा कोई नहीं सब करके देखेंगे 3d के लिए बनाइए बस दो और ग्राफ एंड यू आर डन 3d के लिए बनाइए बच्चे मैं स्टार्ट से ही पढ़ा रही हूँ यार ये जो लास्ट में बच्चे आते हैं हैं बोलते टीच फ्रॉम स्टार्ट ये बिल्कुल स्टार्ट से ही पढ़ाया कोई चीज मैंने बीच में से नहीं पढ़ाई हर चीज मैंने एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाई है तो ये बीच में आके मैम यहाँ से पढ़ाओ यहाँ से पढ़ाओ ये बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया देखो भाई रटना नहीं है थ्री डी एन की वैल्यू कितनी थ्री एल की वैल्यू कितनी डी रेडियल नोड कितने थ्री माइनस टू माइनस वन थ्री में से थ्री गया जीरो ग्राफ तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा और कोई भी ग्राफ है जीरो से ही स्टार्ट होगा तो की पीक बना दूंगी बन गया थ्री डी का ग्राफ बन चुका है एक और बना दीजिए लास्ट क्वेश्चन चलो अभी और बना लो दो चार फोर पी के लिए ग्राफ बनाइए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको पी आर भी लिखा होता है बुक्स में फोर पी के लिए जल्दी से फोर पी के लिए और एक अगला थ्री एस के लिए थ्री एस के लिए ये दो ग्राफ बना दीजिए उसके बाद जेई का सवाल करेंगे फोर पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर ये दो बना दीजिए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर संडे को मेरी टेस्ट है अप टू नोट्स. व्हाट रॉन्ग हाउ कैन वी नो द नंबर ऑफ पीक्स देखो जितने नोड होंगे नंबर ऑफ पीक्स कैसे निकालेंगे जितनी बार हो एक्स एक्सिस को टच करेगा प्लस वन कर देना जैसे कि 4P, ध्यान से देखिए की वैल्यू कितनी फोर एल की वैल्यू जीरो वन टू थ्री एस पी तो टू एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी फोर में से टू में से वन गया फोर में से थ्री गया कितना वन तो नोड कितने हैं आई I मीन mean, बताओ नोड कितने है? एक मिनट करना मैंने ग्राफ बनाया फोर पी का अरे अरे एल अरे। की वैल्यू वन आएगी ना माय मिस्टेक एल की वैल्यू वन आएगी ना बच्चे माय बैड माय बैड देखना एल की वैल्यू जीरो वन टू एस पी डी तो वन आएगी तो एन माइनस एल माइनस वन कितना फोर में से वन में से वन गया फोर में से टू गया आंसर आया टू तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा दो बार एक टिक एक टिक क्योंकि पी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा जीरो दो बार टच करेगा पहली पीक यहां दूसरी पीक लंबी तीसरी पीक और लंबी और डैश तो तीन पीक्स आएंगे जितनी बार टच करेगा उससे एक ज्यादा पीक आएगी जितनी बार टच करेगा उससे एक ज्यादा पीक आएगी देन एक लास्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे ड्रॉ द द्राफर थ्री एस बताइए हाउ मेनी पीक्स पीट वॉज नॉट रेडियल नोड्स वॉट बच्चे ये रेडियल ग्राफ्स हैं तो यहां पर हम केवल रेडियल नोड्स रिप्रेजेंट करेंगे वी विल नॉट रिप्रेजेंट ओनली नोड्स एंगुलर नोड्स को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते सो फॉर ऑल दीज ग्राफ्स हमेशा रेडियल नोड निकालने हैं रेडियल नोड निकालने हैं कहा गया दिख गया हर जगह रेडियल नोड निकाले मैंने रेडियल नोड निकाले रेडियल नोड नोड निकाले, निकाले, रेडियल हैप्पी? हर ग्राफ में रेडियल नोड निकालना एंगुलर नोड नहीं निकालना ध्यान से करते हैं एन की वैल्यू कितनी थ्री एल की वैल्यू कितनी जीरो एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू थ्री में से जीरो में से वन गया कितना टू तो दो बार ग्राफ एक्स एक्सेस को टच करेगा किसी का भी ग्राफ हो ग्राफ जीरो से ही स्टार्ट होगा एक दो तीन हैप्पी टच नहीं कराएंगे भगवान बच्चे अब देखो आवाज आ रही है बच्चे पिछले वाले हेलो हेलो आ रही है आवाज आ रही है जो पिछले वाले हाँ ब्लैक मैजिक जो पिछले वाले ग्राफ थे ना उसमें स्लोप वो उसमें हाइट डिक्रीजिंग आती थी केवल इस वाले ग्राफ में हाइट इंक्रीजिंग आती है ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है ना ठीक है इंक्रीजिंग आती है अदरवाइज पिछले दोनों ग्राफ में हाइट डिक्रीजिंग आती थी ठीक है इसको कीप कर लेते हैं एक मिनट फाइल सेव एस डेस्कटॉप एक क्वेश्चन और कर लो चलो भाई एक क्वेश्चन करके दिखाइए अब सब बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे कोई जल्दबाजी नहीं कोई टेंशन की बात नहीं सामने देखिए पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूं कि हमारे चैप्टर के कितने पार्ट हो चुके हैं एक मिनट हाउ मेनी सेक्शन वी हैव कंप्लीटेड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और दो ट्वेंटी सेवन कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस इक्कीस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताइस वेरी नाइस दो तीन क्वेश्चन करिए ये भी हो जाएंगे ग्राफ कहा गया ग्राफ कहा गया, गया दो क्वेश्चन और करके दिखाइए चलिए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेई मेन 2022 में टाइम लीजिए आंसर करिए कोई चलिए बच्चे आई थिंक आज तो खतरनाक दिक्कत हो रही है ये बारी 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 लैक कर रहा है हमारा ब्लैक मैजिक तो कर लो बस अब वाह फर्स्ट टाइम मेरे से ये ग्राफ वाले बन गए थैंक यू मैम अरे बनेंगे बिल्कुल एडवांस के भी बनेंगे मेन के भी बनेंगे घबराते क्यों आंसर बी बी मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं बी इज द करेक्ट आंसर सामने देखते हैं मैं अब थोड़ी देर बारी बारी स्क्रीन में देखूंगी पता चलता है मैं चिपक जाती हूँ कही ना कहीं चला जाता है ऑफ द द द फॉलोइंग इज करेक्ट प्लॉट फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भाई साहब उसने केवल साइज स्क्वायर का ग्राफ पूछा है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस अगर साइज स्क्वायर का ग्राफ है तो ग्राफ हमेशा ऊपर वाले क्वाड्रेंट में होगा नीचे तो नहीं जाएगा हो सकता है ये तो कतई पॉसिबल नहीं है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो सी तो आंसर नहीं होगा अगर किसी ने सी दिखा है क्योंकि साई स्क्वायर का ग्राफ हमेशा ऊपर वाले क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि ग्राफ एस uh, और बाइटल का है है ना किसके लिए ग्राफ पूछा टू एस तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा ऊपर से स्टार्ट होगा ऊपर से स्टार्ट होगा ऊपर से, हो से ये भी ठीक है अब एक काम करते हैं टू एस एन की वैल्यू टू एल की वैल्यू जीरो तो नोड कितने निकलेंगे रेडियल नोड जीरो में से वन क्या कितने आ जाएंगे वन रेडियल नोड यानी कि एक बार जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा भैया ये ग्राफ तो टच ही नहीं कर रहा तो ए आंसर है नहीं सी आंसर है नहीं अरे भैया ग्राफ दो बार टच कर गया डी आंसर भी नहीं है ग्राफ केवल एक ही बार टच करेगा सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन वॉज बी हैप्पी हैप्पी है इस तरीके से आपसे ये जे मेन 2022 का क्वेश्चन है अब क्या ये इतना डरावना था कि हुआ नहीं उस साल बच्चों से अब तुम्हारी शिफ्ट में आएगा तो क्या नहीं करोगे हर चीज कर सकते हैं बस अंदर से एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे करके दिखाना है एंड यू कैन डू एवरी सिंगल थिंग एवरी सिंगल थिंग सो यहाँ तक मैं आपका वाइंड अप करती हूँ अपना आज का सेशन जहां मैंने आपको हर चीज कराई ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आई हैव डिस्कस्ड विद यू गाइस बस ओनली थिंग इज मैंने ये जो तीन लिखे हैं ना ये मैं कंप्लीट नहीं करा पा रही आज इसका रीजन है दिस इज दैट सेक्शन जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टडी करना था अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में ज्यादा कुछ भी नहीं है मतलब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत तसली से कराना है सो आई वॉन्ट आज तुम थके टूटे पड़े हो यू अब दस बज भी चुकी है कि मैम अब और नहीं बट मुझे स्टिल बच्चे कम से कम थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कराने में नेवर माइंड मैंने लास्ट ईयर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पीओडिक में कराया था और मैं इस साल भी पीयोडिक में कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी सेशन बहुत लंबा हो चुका है एंड डू नॉट वरी पीओडिक में आपको एस पी डीएफ और बाइटल सब आ जाएंगे तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एक्सेप्शन ट्रेंड सब कुछ आसान हो जाएगा लीव इट टू मी आई विल नॉट लेट यू डाउन ठीक है चलिए ठीक है अब नो no प्रमोशन सीधा एंड कर दो आई थिंक जिनको नहीं अटेंड करना बेशक जा सकते हो बट मुझे मेरी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है ठीक है चलिए सो अच्छे थैंक यू सो 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 मच फॉर अटेंडिंग द होल सेशन इस सेशन के सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आई मीन ऑसम हैंड रिटन नोट्स बने हैं इस सेशन के सारे हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी आज रात को शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज आई डोंट हैव द एक्सेस टू अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन जो भी आई मीन द कंसर्न पर्सन ही डू इट टुमारो मॉर्निंग ठीक है अगर मेरे चाहिए अभी से चाहिए नोट्स तो मैं uh, अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मैं अभी अभी शेयर कर देती हूँ ठीक है चलिए सो so, ये सब अटेंड करने के लिए थैंक यू जो होमवर्क दो या तीन क्वेश्चंस आपको दिए हैं प्लीज मेक श्योर आप उन होमवर्क क्वेश्चंस को डेफिनेटली करिएगा इसके बावजूद अगर कुछ आपका ऐसा टॉपिक है कि मैम ये रह गया है या ये मुझे नहीं समझ आया तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी यू नो और दोस्त टॉपिक्स इन द नेक्स्ट सेशन टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं इंस्टा पे पूछ सकते हैं मेल कर सकते हैं इट्स टोटली अप टू यू ठीक है चलिए अब मैं आपको दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ वैसे तो आज रात को बारह बजने ही वाली है एंड बारह बजे तक अन अकेडमी का जो ट्वेंटी परसेंट ऑफ वाला सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है इट्स गोइंग टू एंड सो यू हैव टू आवर्स टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू टेक द सब्सक्रिप्शन और नॉट बट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ मेरे प्लस पे जो बैचेस चल रहे हैं वो इस लेवल से भी तगड़े लेवल के बैचेस हैं रीजन क्योंकि प्लस पे आप बच्चे मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे इट इज ऑलवेज लाइक यू नो वन वे कम्युनिकेशन मैं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ वहां पर आप खुद मेरे से बाय uh, करके सारे कंट्रोल्स ले सकते हैं आप बात कर सकते हैं मोर ओवर नर्चर बैच में बच्चे बहुत जल्दी मैं वो है ना इलेवेंथ की फिजिकल केमिस्ट्री के मुश्किल चैप्टर्स यानी कि जैसे हमारा थर्मो है थर्मो है इक्विलिब्रियम है

में, इवॉल्व में ये ईयर लॉन्ग बैचेस है पूरे साल चलते हैं डिसम्बर एंड तक ये बैचेस चलेंगे आप जब भी अगर बैचेस में आना चाहते हैं आप अभी से आ सकते हैं नए टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते रहते हैं पिछले आप रिवाइज कर सकते हैं पिछलों की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल सकती हैं सो दोज हुर इंटरेस्टेड याद रखिए आज सब्सक्रिप्शन का बच्चे लास्ट डे है आज फोर्टीन अक्टूबर है केवल लास्ट के दो घंटे बच्चे हैं तो जो बच्चे लेना चाहते हैं आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं साक्षी जिससे आपको ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा ठीक है, है ये नॉर्मल प्राइजेज है वैसे मतलब ये प्लस के प्राइजेज हैं ये आइकॉनिक के प्राइजेज हैं बट आज लोगे तो ये देखो तो ये टेन परसेंट ऑफ लिखा हुआ ना ये आज लोगे तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा ठीक है ओके जेई दो हजार तेईस कब है कब है मतलब मुझे अब ऐसे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया बट स्टिल हाँ इतना पता है कि हो सकता है जैन मिड में या जैन एंड तक हो सके तो अभी खूब टाइम है सिलेबस कंप्लीशन इन बैचेस में हो रहा है अच्छा अनएकेडमी पे ये भी अब नया स्टार्ट होने वाला है अगर आप बच्चे एन मतलब फैशन टेक्नोलॉजी के लिए एन uh, आई के लिए डिज़ाइन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इनके लिए तैयारी कर रहे हो जो दूसरा पेपर होता है उसके लिए भी अब आपको अनएकैडमी में पढ़ाया जाएगा सो दोज आर इंटरेस्टेड नाउ आपको यहाँ से भी हेल्प मिल जाती है प्लस अन अकेडमी कॉम्पिट इज ऑल्सो देयर आप लोग डेफिनेटली ट you know, कर सकते हो एंड यू कैन अर्न लॉस ऑफ स्कॉलरशिप एज वेल ठीक है बाकी ये एक मेन चीज है इनकेस यू आर लुकिंग आज रात को बारह बजे से पहले ले लोग तो कम से कम यू you नो know, सस्ता पड़ेगा कम्पेयर टू आप कल लोगे फिर सेम चीज का आपको ज्यादा देना पड़ता है एक और चीज़ होती है कि मैम आपने सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया फिर हम क्यों आए प्लस पे बच्चे देर इज दिस डिफरेंस आपको आपको मैंने आज हर टॉपिक के चार पाँच क्वेश्चन कराए हैं बट जस्ट इमेजिन मुझे आपकी पूरी परफेक्शन चाहिए तो मैं हर टॉपिक के छ छ सात सात क्वेश्चन कराऊंगी होमवर्क डिस्कशन होगा डीपी भी मैं आपको दूंगी डाउट क्लियरेंस की क्लासेस होंगी हम मेन के सवाल अलग करेंगे एडवांस लेवल की जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो हम अलग करेंगे सिलेबस कवर सिर्फ कंप्लीट नहीं करना उसको पूरा डिटेल में स्टडी करना है तो ये सारी चीज़ों के लिए एक पर्सनलाइज ट के लिए आई थिंक आपको सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा ठीक है अच्छा यस अब स्टेट सी जो बच्चे स्टेट सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी आप अकेडमी पे आ, अपनी बुकिंग्स प्री बुक कर सकते हो आप फोर्टी नाइन रुपीज की बुकिंग है ठीक है और आपको फिफ्टी परसेंट शॉर्ट डिस्काउंट मिलता है जो भी उसका लॉन्च प्राइस होगा तब आपको फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ठीक है चलिए सो थैंक यू वेरी मच मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपको इतनी सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ा के आई थिंक आप लोगों ने भी इंजॉय करी है तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय गुड नाइट